हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। इससे पहले हमने बात किया था इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सब्जेक्ट के बारे में। अभी हम लोग लेने वाले हमारा एक नया सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जो कि है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। तो जो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट सब्जेक्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में। तो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट सब्जेक्ट हमने डिस्कस नहीं किया पूरा डिटेल में, मगर जो जो मेरे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के रिगार्डिंग, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले। राइट, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट जब हम लोग पढ़ते हैं, तो ऐसे केस में हम लोग सबसे पहला स्टडी करते हैं एरर एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पर ये एरर का मतलब क्या होता है, जो एरर होता है वो क्या होता है, जो एरर होता है, एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, और कैन से एक्चुअल वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पर जो एरर होता है वो क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू और जो ट्रू वैल्यू है दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। एरर के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन करते हैं जब हम लोग कंट्रोल सिस्टम में पढ़ते हैं, स्टेडी स्टेट एनालिसिस हम लोग जब पढ़ते हैं, तो ऐसे केस में हम लोग बेसिकली एरर के बारे में पढ़ते हैं, स्टेडी स्टेट एरर के बारे में बात करते हैं। राइट, तो यहाँ पर ये एरर का मतलब क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू, हमारी एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू और हमें एक्चुअल जो वैल्यू मिल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रू वैल्यू होना चाहिए 10 वोल्ट और एक्चुअल में वैल्यू हमें क्या मिल रही है, एक्चुअल में वैल्यू मिल रही है हमें 7 वोल्ट। तो यहाँ पर ये ट्रू वोल्ट, यहाँ पर ये ट्रू वैल्यू और यहाँ पर ये एक्चुअल वैल्यू दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। एरर को हम लोग ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। तो आई होप यहाँ से समझ में आ गया होगा एरर का मतलब क्या होता है, ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग एरर बोलते हैं। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एरर। अभी हमारे पास दूसरा जो एरर होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं परसेंटेज एरर। तो यहाँ पर जो परसेंटेज एरर होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर का मतलब क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू दोनों के बीच का डिफरेंस और डिनोमिनेटर में ट्रू वैल्यू, यहाँ पर ये जो रेशियो है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 100% के साथ, क्योंकि यहाँ पर ये परसेंटेज एरर दिया गया है, तो इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर का मतलब क्या, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू और डिनोमिनेटर में ट्रू वैल्यू इंटू 100%, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं परसेंटेज एरर। राइट, तो यहाँ से हमने परसेंटेज एरर के बारे में बात किया, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100%, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं परसेंटेज एरर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें ट्रू वैल्यू कंसिडर करना होता है जब भी हम लोग परसेंटेज एरर कंसिडर करते हैं तो। राइट, अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें अलग अलग हमारे पास टाइप के एरर होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग देखें एरर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, पहला जो होता है वो होता है डायनेमिक एरर और दूसरा जो एरर होता है वो कौन सा एरर होता है, स्टैटिक एरर होता है। अभी ये डायनेमिक एरर और ये स्टैटिक एरर में क्या डिफरेंस है बात करेंगे इसके बारे में भी। तो एरर में हमारे पास दो टाइप का एरर होता है, पहला होता है डायनेमिक एरर और दूसरा होता है स्टैटिक एरर। स्टैटिक एरर में हमारे पास तीन टाइप के एरर होते हैं, पहला होता है ग्रॉस एरर, दूसरा होता है सिस्टमैटिक एरर और तीसरा जो एरर होता है कौन सा एरर होता है, रैंडम एरर होता है। और यहाँ पर ये जो सिस्टमैटिक एरर है ये फर्दर तीन टाइप में क्लासिफाई किया गया है, इसमें हमें बेसिकली इंस्ट्रूमेंट एरर मिलता है, दूसरा होता है एनवायरमेंटल एरर और तीसरा एरर कौन सा होता है, ऑब्जर्वेशनल एरर। तो ये इंस्ट्रूमेंट एरर, एनवायरमेंटल एरर और ये जो ऑब्जर्वेशनल एरर है कौन से एरर की कैटेगरी में आता है, सिस्टमैटिक एरर की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ से हमने डिस्कस किया एरर दो टाइप का होता है, पहला होता है डायनेमिक एरर, दूसरा होता है स्टैटिक एरर। स्टैटिक एरर में क्रॉस एरर होता है, सिस्टमैटिक एरर होता है, रैंडम एरर होता है। सिस्टमैटिक एरर में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट एरर है, एनवायरमेंटल एरर है और तीसरा जो एरर है कौन सा एरर है, ऑब्जर्वेशनल एरर है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है इंस्ट्रूमेंट एरर, एनवायरमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर, ये कौन से एरर की कैटेगरी में आता है, सिस्टमैटिक एरर के कैटेगरी में आता है। राइट, तो सिस्टमैटिक यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको हम लोग ऐसा याद रख सकते हैं SIEO कुछ इस तरीके से, सिस्टमैटिक का S, यहाँ से ये I और यहाँ से ये E और यहाँ पर ये O, तो SIEO सिस्टमैटिक एरर। इंस्ट्रूमेंट एरर, सिस्टमैटिक एरर में इंस्ट्रूमेंट एरर आता है, एनवायरमेंटल एरर आता है और ऑब्जर्वेशनल एरर भी आता है। राइट, तो सिस्टमैटिक एरर में इंस्ट्रूमेंट एरर आता है, एनवायरमेंटल एरर आता है और ऑब्जर्वेशनल एरर आता है। इसको ऐसा भी याद रख सकते हैं साइन O करके, SINEO साइन ईओ करके, यहाँ पर अगर हम लोग देखें SIN साइन ई और यहाँ पर ये ओ, साइन ई ओ कुछ इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। मेरे याद रखने की ट्रिक है साइन ई ओ कुछ इस तरीके से मैं याद रख सकता हूँ, अगर याद रखता हूँ अगर आपको सही लगते हैं तो आप कंसिडर कर सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। साइन ई ओ, तो साइन मतलब SY और यहाँ पर ये IN साइन ई और यहाँ पर ये ओ। तो सिस्टमैटिक एरर में इंस्ट्रूमेंट एरर आता है, एनवायरमेंटल एरर आता है और ऑब्जर्वेशनल एरर आता है। इसको कैसे याद रखें, साइन ई ओ SYINEO, यहाँ पर अगर हम लोग देखें SYIN यहाँ पर ये ई और ओ। तो सिस्टमैटिक एरर में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट एरर है, एनवायरमेंटल एरर है और कौन सा एरर है, ऑब्जर्वेशनल एरर है।
यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें डायनेमिक एरर, जैसे कि हमने बात किया दो टाइप के एरर होते हैं, पहला होता है डायनेमिक एरर और दूसरा होता है स्टैटिक एरर, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डायनेमिक एरर होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। डायनेमिक एरर इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, जो डायनेमिक एरर होता है वो टाइम डिपेंडेंट होता है, राइट। और जो स्टैटिक एरर होता है वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, इनडिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, टाइम के ऊपर। तो जो डायनेमिक एरर होता है वो डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, टाइम के ऊपर। कैसे याद रखें, डी से डायनेमिक, डायनेमिक का डी और यहाँ पर ये डिपेंडेंट का डी, राइट। तो यहाँ से हम लोग रिलेट कर सकते हैं डायनेमिक एरर डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, टाइम के ऊपर, और जो स्टैटिक एरर होता है वो टाइम के ऊपर इनडिपेंडेंट होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अभी ग्रॉस एरर का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने बात किया पहला जो एरर है डायनेमिक एरर, दूसरा स्टैटिक एरर। डायनेमिक एरर टाइम डिपेंडेंट है, स्टैटिक एरर टाइम इंडिपेंडेंट है। अब ये ग्रॉस एरर क्या होता है, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ग्रॉस एरर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक, ह्यूमन मिस्टेक की वजह से जो एरर होता है उसको हम लोग कौन सा एरर बोलते हैं, ग्रॉस एरर बोलते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एरर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक, ह्यूमन मिस्टेक की वजह से जो एरर होता है उसको हम लोग कौन सा एरर बोलते हैं, ग्रॉस एरर बोलते हैं। तो एरर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक, ह्यूमन मिस्टेक की वजह से जो एरर होता है उसको हम लोग कौन सा एरर बोलते हैं, ग्रॉस एरर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें रीडिंग ऑफ वैल्यू, लूज कनेक्शन, कैलकुलेशन एरर, तो ये सारे के सारे जो एरर होते हैं कौन से एरर की कैटेगरी में आते हैं, ग्रॉस एरर की कैटेगरी में आते हैं। ग्रॉस एरर मतलब ह्यूमन मिस्टेक के वजह से जो एरर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एरर। जैसे कि वोल्ट मीटर का हमने कनेक्शन बराबर नहीं किया है तो ऐसे केस में हमें ग्रॉस एरर मिलेगा। सिमिलरली वोल्ट मीटर की रीडिंग हमने बराबर से पढ़ी नहीं तो ये भी कौन सा एरर के कैटेगरी में आता है, ग्रॉस एरर की कैटेगरी में आता है। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है तो ये भी कौन सा एरर के कैटेगरी में आता है, ग्रॉस एरर के कैटेगरी में आता है। तो ह्यूमन मिस्टेक की वजह से जो एरर होता है उसको हम लोग कौन सा एरर बोलते हैं, ग्रॉस एरर बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एरर इन इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंट एरर, तो नाम से ही पता चल रहा है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट एरर का मतलब क्या होता है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से जो एरर जो बनता है उसको हम लोग कौन सा एरर बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट एरर। तो एरर इन इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से जो एरर जो बनता है उसको हम लोग कौन सा एरर बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट एरर बोलते हैं। तो एरर इन इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से जो एरर जो बनेगा उसको हम लोग कौन सा एरर बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलेंगे। इंस्ट्रूमेंटल एरर के एग्जांपल के बारे में बात करें तो मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लोडिंग इफेक्ट, इंप्रॉपर डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल। तो यहाँ पर हमने इंस्ट्रूमेंट एरर से क्या समझा, जो इंस्ट्रूमेंट में जो एरर होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, नाम से ही पता चल रहा है। और जो इंस्ट्रूमेंट में जो एरर होता है वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से होता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर में अगर हम लोग देखें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंटल एरर के एग्जाम्पल अगर हम लोग कंसिडर करें, इंस्ट्रूमेंट को मिसयूज करने के वजह से इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, लोडिंग इफेक्ट के वजह से, लोडिंग अनलोडिंग के वजह से इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, नीडल के इंप्रॉपर डिफ्लेक्शन के वजह से इंस्ट्रूमेंटल एरर हमें मिलता है, राइट। तो जो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएटेड होता है, इंस्ट्रूमेंट में जो एरर होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, राइट। और ये जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है किसके वजह से होता है, फॉल्ट के वजह से, और जो फॉल्ट है वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एरर इन इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन के वजह से इंस्ट्रूमेंट में जो एरर जो बनता है उसको हम लोग कौन सा एरर बोलते हैं, इन्वायरमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंट में जो एरर जो बनेगा इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से उसको हम लोग कौन सा एरर बोलेंगे, इन्वायरमेंटल एरर बोलेंगे। इन्वायरमेंटल एरर अगर हम लोग देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट को अगर हाई टेम्परेचर पर यूज़ कर रहे हैं, राइट, तो ऐसे केस में जो एरर जो बनेगा उसको हम लोग कौन सा एरर बोलेंगे, इन्वायरमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंट में जो एरर जो बनेगा इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से उसको हम लोग कौन सा एरर बोलेंगे, इन्वायरमेंटल एरर। जैसे कि एग्जाम्पल यूजिंग इंस्ट्रूमेंट अंडर हाई टेम्परेचर। सिमिलरली अगर हम लोग देखें ऑब्जर्वेशनल एरर का मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, अगर देखने में किसी भी रीडिंग को देखने में इंसान से मिस्टेक हो जाती है तो ऐसे केस में जो एरर होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर। और जो ऑब्जर्वेशनल एरर है एक तरीके का ग्रॉस एरर ही होता है। एरर ड्यू टू ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन इज नोन एज ऑब्जर्वेशनल एरर, ह्यूमन ऑब्जर्वेशन की वजह से जो एरर जो बनेगा उसको हम लोग कौन सा एरर बोलेंगे, ऑब्जर्वेशनल एरर बोलेंगे। और जो ऑब्जर्वेशनल एरर है इसको हम लोग बेसिकली पैरेलैक्स एरर भी बोलते हैं, राइट। तो देखने में अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है रीडिंग वगैरह कैलकुलेशन वगैरह, तो ऐसे केस में जो एरर जो होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर। और जो ऑब्जर्वेशनल एरर है वो ग्रॉस एरर की कैटेगरी में आता है। ऑब्जर्वेशनल एरर का एक और एक नाम होता है जिसको हम लोग बेसिकली पैरेलैक्स एरर भी बोलते हैं। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंस्ट्रूमेंट की अगर सेंसिटिविटी अगर कम होती है तो ऐसे केस में जो एक्यूरेसी होगी वो कम होगी और जो एरर होगा वो ज़्यादा होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंस्ट्रूमेंट की जो सेंसिटिविटी और जो एक्यूरेसी वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इंस्ट्रूमेंट की जो एक्यूरेसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सेंसिटिविटी के साथ। अगर सेंसिटिविटी अगर कम है तो ऐसे केस में एक्यूरेसी कम होगी, सेंसिटिविटी अगर ज़्यादा है तो ऐसे केस में जो एक्यूरेसी होगी वो ज़्यादा होगी, और अगर एक्यूरेसी अगर कम होती है तो ऐसे केस में जो एरर होगा वो ज़्यादा होगा। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट अगर आपको कम एक्यूरेट अगर मिल रहा है, किसी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी अगर आपको कम मिल रही है तो ऐसे केस में इंस्ट्रूमेंट में जो एरर होगा वो ज़्यादा होगा। किसी इंस्ट्रूमेंट की अगर सेंसिटिविटी अगर ज़्यादा है तो ऐसे केस में उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो भी ज़्यादा होगी। एक्यूरेसी ज़्यादा होगी इसका मतलब जो एरर होगा वो कैसा होने वाला है, कम होने वाला है।
अभी बात करते हैं सिस्टमेटिक एरर के बारे में। सिस्टमेटिक एरर में हमारे पास इन्वायरमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर आते हैं, राइट। तो जो सिस्टमेटिक एरर होते हैं ये हमेशा कांस्टेंट होते हैं और ये सेम होते हैं हर ऑब्जर्वर के लिए, सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर। जो सिस्टमेटिक एरर होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं, ये किसी भी फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करते और ये हर एक ऑब्जर्वर के लिए सेम होते हैं। तो जो सिस्टमेटिक एरर होता है वो कांस्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम कौन सा एरर है जो कि कांस्टेंट होता है? तो जो सिस्टमेटिक एरर होता है वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। सिस्टमेटिक एरर में इंस्ट्रूमेंट एरर, इन्वायरमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर हमें मिलता है, राइट। जैसे कि हमने बात किया था, तो जो सिस्टमेटिक एरर होता है वो कांस्टेंट होता है और ये सेम होता है हर ऑब्जर्वर के लिए, एंड इट इज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर। तो जो सिस्टमेटिक एरर होता है कांस्टेंट होता है और ये सेम होता है किसके लिए? हर एक ऑब्जर्वर के लिए सेम होता है। किसके लिए? सिस्टमेटिक एरर। तो यहाँ से हमें पता चल गया होगा कि जो सिस्टमेटिक एरर है वो कैसा होता है? वो कांस्टेंट होता है और सेम होता है किसके लिए? ऑब्जर्वर के लिए, हर ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्वर के लिए। अभी बात करते हैं रैंडम एरर के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रैंडम एरर का मतलब क्या होता है, रैंडम एरर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, दिस एरर अकर्ड सडनली, देयरफॉर दिस एरर इज नोन एज एक्सीडेंटल एरर। रैंडम एरर मतलब ऑल ऑफ अ सडन अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में अगर एरर हो जाता है तो ऐसे केस में जो एरर होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रैंडम एरर। दिस एरर अकर्ड सडनली, देयरफॉर दिस एरर इज ऑल्सो नोन एज एक्सीडेंटल एरर। अगर कोई भी एरर अगर ऑल ऑफ अ सडन होता है तो ऐसे केस में जो एरर होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रैंडम एरर। और एक नाम होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एक्सीडेंटल एरर। तो जो रैंडम एरर होते हैं ये ऐसे एरर होते हैं जो कि सडनली अकर करते हैं और ये रीजन की वजह से जो एरर है इसको हम लोग बेसिकली एक्सीडेंटल एरर भी बोलते हैं। दिस एरर अकर मोर इन इंस्ट्रूमेंट बट इट्स इफेक्ट इज वेरी स्मॉल। जो रैंडम एरर होता है वो सबसे ज्यादा होता है इंस्ट्रूमेंट में, मगर इसका जो इंपैक्ट होता है, इसका जो इफेक्ट होता है वो कम होता है, राइट। टू एलिमिनेट दिस एरर, रैंडम एरर को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग बेसिकली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, राइट। तो यहाँ से हमने क्या समझा रैंडम एरर से? हमने क्या समझा? जो रैंडम एरर होता है वो ऐसा एरर होता है जो कि अचानक से हो जाता है, रैंडमली हो जाता है, राइट। और जो जो रैंडम एरर है इसको हम लोग बेसिकली एक्सीडेंटल एरर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऑल ऑफ अ सडन होता है, इसके बारे में हम लोग पहले से एंटिसिपेट नहीं करके रखते हैं, राइट। तो जो जो रैंडम एरर होता है ये बेसिकली एक्सीडेंटल एरर होता है, सडन एरर होता है। और जो रैंडम एरर होता है बार बार हो रहा होता है हमारे इंस्ट्रूमेंट में, मगर ये जो रैंडम एरर है इसका जो इम्पैक्ट होता है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर वो ना के बराबर में होता है। और ये जो रैंडम एरर है इसको मिनिमाइज करने के लिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिफरेंस इन बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, जैसे कि हमने बात किया ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग एरर बोलते हैं, और हम लोग मोर प्रिसाइसली बोल सकते हैं एब्सोल्यूट एरर। डिफरेंस इन बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग एरर बोलते हैं, और एक नाम से जान सकते हैं जो कि एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो हमेशा कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। और एक एरर है जो कि कांस्टेंट होता है, जो कि होता है सिस्टमैटिक एरर, और ये कांस्टेंट होता है और सेम होता है हर एक ऑब्जर्वर के लिए। और जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो भी कैसा होता है? वो भी कांस्टेंट होता है। एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो भी कांस्टेंट होता है। यहाँ पर अगर हम लोग एब्सोल्यूट एरर के लिए अगर रिलेशन देखें तो कुछ इस तरीके से हमारे पास रिलेशन होता है एब्सोल्यूट एरर के लिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो डेल्टा है ये हम इंडिकेट कर रहा है एब्सोल्यूट एरर, जो कि बराबर में होगा डिफरेंस इन बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। यहाँ पर ये जो ए एम है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? मेजर्ड वैल्यू। और जो ए टी है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? ट्रू वैल्यू। तो जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और यहाँ पर ये हमने रिलेशन कंसीडर किया एब्सोल्यूट एरर के लिए, डेल्टा इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अभी बात करने वाले रिलेटिव लिमिटिंग एरर के बारे में। तो जो रिलेटिव लिमिटिंग एरर है उसको हम लोग कैसा शो करते हैं? एप्सिलॉन सबस्क्रिप्ट में आर से। तो यहाँ पर ये रिलेटिव लिमिटिंग एरर, जो रिलेटिव लिमिटिंग एरर होता है वो क्या होता है? वो रेशियो होता है किसका? एब्सोल्यूट वैल्यू और ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू और ट्रू वैल्यू दोनों का अगर हम लोग रेशियो कंसिडर कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा रिलेटिव लिमिटिंग एरर। हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा रिलेटिव लिमिटिंग एरर। तो जो रिलेटिव लिमिटिंग एरर होता है वो रेशियो होता है किसका? एब्सोल्यूट वैल्यू का और ट्रू वैल्यू का, राइट। परसेंटेज अगर हमें एरर के बारे में पूछ लिया जाए तो परसेंटेज एरर में हम लोग बेसिकली 100% को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि हमने बात किया था परसेंटेज एरर के बारे में, जो कि डिफरेंस था मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100%, राइट। सिमिलरली यहाँ पर परसेंटेज लिमिटिंग एरर के बारे में पूछा गया है, तो जो परसेंटेज लिमिटिंग एरर होता है ये क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू दोनों का रेशियो हमें कंसिडर करना है, और उसको हमें किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है? 100% के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। परसेंटेज लिमिटिंग एरर को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, परसेंटेज लिमिटिंग एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, और डिनोमिनेटर में हम लोग ट्रू वैल्यू कंसिडर करते हैं, और ये पूरे को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बात किया रिलेटिव लिमिटिंग एरर के बारे में। तो जो रिलेटिव लिमिटिंग एरर होता है वो क्या होता है? रेशियो होता है किसका? एब्सोल्यूट एरर और ट्रू एरर। एब्सोल्यूट एरर और ट्रू एरर दोनों का अगर हम लोग रेशियो कंसिडर कर ले, एब्सोल्यूट एरर और ट्रू एरर दोनों का रेशियो कंसिडर कर ले, तो हमें मिल जाएगा रिलेटिव लिमिटिंग एरर। इसको हम लोग कैसे याद रखें? रिलेटिव का आर, एब्सोल्यूट एरर
एरर का ए और यहाँ पर ये ट्रू वैल्यू का टी आर ई टी रेट रेट टू लिमिट रिलेटिव लिमिटिंग एरर इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर और यहाँ पर ये ट्रू वैल्यू एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू दोनों का अगर हम लोग रेशियो कंसिडर कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा रिलेटिव लिमिटिंग एरर। परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग के एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू और दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ। परसेंटेज लिमिटिंग एरर को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, परसेंटेज लिमिटिंग एरर को लिखने के दो तरीके। सबसे पहला है रिलेटिव लिमिटिंग एरर, हमें समझ में आया रेट एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लिमिटिंग एरर। अब ये परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर को हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और हमें 100% को मल्टीप्लाई करना होगा। तो एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू और ये पूरे के साथ हमने 100% को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर को हम लोग ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू और डिनोमिनेटर में ट्रू वैल्यू इनटू 100%। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रूमेंट इफ एरर इज प्रेजेंट इन द इंस्ट्रूमेंट देन मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंट दैट एरर बाय GAE। GAE का फुल फॉर्म क्या होता है, गारंटी एक्यूरेसी एरर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को जब हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं राइट, और अगर कोई एरर प्रेजेंट होता है इंस्ट्रूमेंट में तो ऐसे केस में जो मैन्युफैक्चरर होता है वो जो एरर होता है उसको रिप्रेजेंट कर देता है किसके टर्म में, GAE के फॉर्म में। और जो GAE है यह है क्या, गारंटी एक्यूरेसी एरर। तो यहाँ से हमने क्या समझा, जब मैन्युफैक्चरर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को मैन्युफैक्चर कर रहा होता है तो ऐसे केस में इंस्ट्रूमेंट में अगर एरर होता है तो जो एरर है वो मैन्युफैक्चरर शो कर देता है विद द हेल्प ऑफ GAE, और जो GAE है यह है गारंटी एक्यूरेसी एरर राइट। एब्सोल्यूट एरर रिमेन कॉन्स्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एब्सोल्यूट एरर होता है, सिस्टमेटिक एरर कॉन्स्टेंट होता है, सिमिलरली जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो भी कॉन्स्टेंट होता है। जैसे कि हमने बात किया जो एब्सोल्यूट एरर होता है कॉन्स्टेंट होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की रेंज कितनी भी होने दो जो एब्सोल्यूट एरर होता है कैसा होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। तो जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो कॉन्स्टेंट होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की रेंज कितनी भी हो जो एब्सोल्यूट एरर होगा कैसा होने वाला है, कॉन्स्टेंट होने वाला है। तो एब्सोल्यूट एरर रिमेन कॉन्स्टेंट, एब्सोल्यूट एरर कॉन्स्टेंट होगा रिस्पेक्टिव रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की रेंज कितनी भी होने तो जो एब्सोल्यूट एरर होगा कांस्टेंट होगा। एरर विच इज डिफाइंड बाय कस्टमर डेट एरर इज नोन एज परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एरर जो कि कस्टमर डिफाइन करता है तो जो एरर होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर। एरर जो कि मैन्युफैक्चरर डिफाइन करता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं गारंटी एक्यूरेसी एरर। एरर जो कि कस्टमर डिफाइन करता है वो जो एरर होता है उसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर। परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर वेरीज, इट डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, सिस्टमेटिक जो एरर होता है वो भी कैसा होता है, वो कॉन्स्टेंट होता है। मगर जो एरर जो कि कस्टमर डिफाइन करता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर, ये जो परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर होता है ये वेरी होता है, वेरिएबल होता है, ये कॉन्स्टेंट ही नहीं होता। तो परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर ये वेरी कर रहा होता है, ये कॉन्स्टेंट नहीं होता। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग बात करते हैं एक्यूरेसी के बारे में। एक्यूरेसी शोज हाउ मच अ पर्टिकुलर वैल्यू इज़ वेरी क्लोज टू अ ट्रू वैल्यू, इट मेजर द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो एक्यूरेसी हमें क्या बताती है, एक्यूरेसी शोज हाउ मच अ पर्टिकुलर वैल्यू इज़ वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी हमें क्या बताती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज में राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बनाया, हम लोग चाहते हैं हमारी जो ट्रू वैल्यू है वो कितने है, वो है 10 वोल्ट, और जो वोल्ट मीटर है वो कितना मेजर कर रहा है, जो वोल्ट मीटर है वो मेजर कर रहा है 9 वोल्ट राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो 9 वोल्ट है वो 10 वोल्ट के बराबर में तो नहीं है, मगर जो 9 वोल्ट है वो 10 वोल्ट के बहुत क्लोज में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी बोलते हैं। हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है अगर वो ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज में होती है तो ऐसे केस में एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। अगर हमारी मेजर्ड वैल्यू जिसको हम लोग एक्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं अगर वो ट्रू वैल्यू के क्लोज में नहीं है, हमारी मेजर्ड वैल्यू है 5 वोल्ट और जो ट्रू वैल्यू है 10 वोल्ट, तो ऐसे केस में जो एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट की वो बहुत कम है। तो जो एक्यूरेसी वो हमें क्या बताती है, पर्टिकुलर वैल्यू जो कि कितनी क्लोज में ट्रू वैल्यू के। इट इज़ द मेजर द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर वैल्यू, इट मेजर द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू और जो ट्रू वैल्यू कितने क्लोज में, ये हमें कौन बताता है, एक्यूरेसी बताती है। तो एक्यूरेसी हमें क्या बताती है, मेजर्ड वैल्यू और जो ट्रू वैल्यू है वो दोनों कितने क्लोज में, ये हमें कौन बताता है, एक्यूरेसी बताती है। मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू अगर बहुत क्लोज में है एक्यूरेसी ज़्यादा, और बहुत क्लोज में नहीं है तो एक्यूरेसी कम है राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एक्यूरेसी के बारे में बात किया, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एक्यूरेसी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, एरर के साथ। जैसे कि हमने बात किया अगर एरर अगर ज़्यादा होगा तो ऐसे किस में जो एक्यूरेसी होगी वो कम होगी, अगर एरर अगर कम होता है तो ऐसे किस में जो एक्यूरेसी होगी वो ज़्यादा होगी। तो जो एक्यूरेसी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, एरर के साथ। अगर एरर ज़्यादा है तो एक्यूरेसी कम, एरर कम है तो एक्यूरेसी ज़्यादा।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें, RMS वैल्यू ऑफ एनी साइनोसॉइडल क्वांटिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू बाय रूट टू। इसके बारे में बच्चों बच्चों को पता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अगर हम लोग है तो जो RMS वैल्यू होती है किसी भी साइनोसॉइडल क्वांटिटी की, वो किसके बराबर में होती है? मैक्सिमम वैल्यू अपॉन अंडर रूट टू। तो जो RMS वैल्यू होती है किसी भी साइनोसॉइडल क्वांटिटी की, वो बराबर में होती है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन अंडर रूट टू। तो जो RMS वैल्यू होती है किसी भी साइनोसॉइडल क्वांटिटी की, वो बराबर में होती है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन अंडर रूट टू। IRMS इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन अंडर रूट टू, VRMS इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन अंडर रूट टू। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज ऑफ टू टाइप। यहाँ पर अभी हम लोग इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हमें बेसिकली दो टाइप की मिलती है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, वो दो टाइप की होती है। पहली जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है? डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक टाइम डिपेंडेंट होती है, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक टाइम डिपेंडेंट नहीं होती। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम, दैट कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि हमने बात किया, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक वो कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि टाइम पर इंडिपेंडेंट होती है, राइट। और जो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि टाइम डिपेंडेंट होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच वेरी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक जो कि वेरी कर रही होती है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ऐसी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक से हमने समझा, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक टाइम डिपेंडेंट होती है और जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक होती है वो टाइम इंडिपेंडेंट होती है। इंस्ट्रूमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है दो टाइप की होती है, पहली जो होती है वो होती है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, दूसरी होती है डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक टाइम डिपेंडेंट होती है और जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक है वो टाइम इंडिपेंडेंट होती है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग बात करते हैं प्रिसिशन के बारे में, एक्यूरेसी के बारे में। हमने क्या डिस्कस किया था? मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू दोनों कितने क्लोज में, वो हमें कौन बताता है? एक्यूरेसी बताती है। अगर मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू बहुत क्लोज में तो एक्यूरेसी ज़्यादा है, मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू के बीच का डिग्री ऑफ क्लोजनेस कम है तो ऐसे केस में जो एक्यूरेसी होगी वो कम होगी। अब ये प्रिसिशन का मतलब क्या होता है? हाउ मच मेजर्ड वैल्यू आर क्लोज विथ ईच अदर इज नोन एज प्रिसिशन, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, प्रिसिशन से हम लोग क्या समझते हैं? प्रिसिशन में जब भी हम लोग प्रिसिशन कंसिडर करते हैं तो ऐसे केस में प्रिसिशन और जो एक्यूरेसी है दोनों हमें बहुत आइडेंटिकल लगते हैं, मगर दोनों में डिफरेंस होता है। प्रिसिशन भी हमें यही बताता है कि जो मेजर्ड वैल्यू और जो ट्रू वैल्यू है दोनों के बीच का डिग्री ऑफ क्लोजनेस कितना है, मगर प्रिसिशन में हम लोग कंसीडर करते हैं रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब क्या है? यहाँ पर अगर हम लोग देखें, प्रिसिशन मेजर द रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। प्रिसिशन जब भी रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी आ गया, इसका मतलब प्रिसिशन की बात हो रही है। प्रिसिशन मेजर द रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और कैन से इट इज अ डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू। तो यहाँ से हमने क्या समझा? यहाँ से पहले हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। हमारा जो वोल्टमीटर है पहली जो रीडिंग जो दिया वो हमारा जो वोल्टमीटर है पहली जो रीडिंग दिया वो हमें दिया 1.5 वोल्ट, दूसरी जो रीडिंग दिया वो दिया 1.4 वोल्ट, तीसरी जो रीडिंग दिया 1.3 वोल्ट, चौथी बार जो रीडिंग दिया वो हमें कितना दिया 1.5 वोल्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमारा जो वोल्टमीटर बार बार जो रीडिंग को जो रिपीट करते जा रहा है, तो ये रीडिंग के बीच का जो डिफरेंस हमें जो दिखाई दे रहा है वो बहुत कम है। जैसे कि 1.5 वोल्ट, 1.4 वोल्ट, 1.3 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, तो यहाँ पर ये रीडिंग के बीच का जो डिफरेंस है वो कम है। इसका मतलब जो प्रिसिशन है वो कैसा है? वो ज़्यादा है। ऑल मेजर्ड वैल्यू आर क्लोज विथ ईच अदर, राइट। यहाँ पर ये सारी की सारी जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक दूसरे के बहुत क्लोज में, मेजर्ड वैल्यू जो कि बार बार रिपीट होते जा रही है, राइट। ये सारी की सारी वैल्यू एक दूसरे के बहुत क्लोज में, तो इसका मतलब यहाँ पर जो प्रिसिशन है वो ज़्यादा है, राइट। और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं प्रिसिशन। फिर सेकंड अगर हम लोग एग्जांपल देखें, पहली बार वोल्ट मीटर ने हमने दिया 1.5 वोल्ट, दूसरी बार रीडिंग में दिया 0.5 वोल्ट, तीसरी बार दिया 0.9 वोल्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो वोल्ट मीटर जो रीडिंग को जो रिपीट करते जा रहा है, तो ये रीडिंग के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पहला 1.5 वोल्ट मिला, फिर 0.5 वोल्ट मिला, फिर 0.9 वोल्ट मिला। तो यहाँ पर रीडिंग के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो प्रिसिशन है वो कैसा है? वो कम है। यहाँ पर जो रीडिंग है वो प्रिसाइज नहीं है। ऑल मेजर्ड वैल्यू नॉट क्लोज विथ ईच अदर, यहाँ पर जो प्रिसिशन होगा कैसा होगा? वो कम होगा। तो जो प्रिसिशन है वो भी हमें क्या बताता है? जो प्रिसिशन है वो हमें डिग्री ऑफ क्लोजनेस के बारे में बताता है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस के बारे में बताता है, राइट। और किसके बीच किसकी डिग्री ऑफ क्लोजनेस, या फिर सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं जो प्रिसिशन है वो हमें बताता है कि जो रिपीटेड वैल्यू है, रिपीटेड वैल्यू जो कि हमें इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, वो रिपीटेड वैल्यू एक दूसरे के कितने क्लोज है। अगर वो रिपीटेड वैल्यू अगर एक दूसरे के क्लोज में अगर बहुत एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज है, वो रिपीटेड वैल्यू के बीच का डिफरेंस अगर कम है तो प्रिसिशन ज़्यादा होगा। वो रिपीटेड वैल्यू के बीच का डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा है तो ऐसे केस में जो प्रिसिशन होगा वो कम होगा। प्रिसिशन में ये दो टर्म अपीयर करना ही करना है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें प्रिसीशन मेजर दी रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी आ गया, इसका मतलब प्रिसीशन के बारे में बात कर रहे हैं। प्रिसीशन मेजर दी रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो प्रिसीशन है वो रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी को मेजर करता है, किसके इंस्ट्रूमेंट के। रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब जो इंस्ट्रूमेंट बार बार जो रीडिंग दे रहा होता है उसको हम लोग बेसिकली रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी बोलते हैं। तो जो प्रिसीशन है रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी को मेजर करता है इंस्ट्रूमेंट के, या फिर बोल सकते हैं डिग्री ऑफ क्लोजनेस को मेजर करता है, मेजर्ड वैल्यू की जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस है उसको मेजर करता है। आप लोग हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जो प्रिसीशन है वो डिग्री ऑफ क्लोजनेस को मेजर करता है, मेजर्ड वैल्यू की डिग्री ऑफ क्लोजनेस को मेजर करता है, और ये जो मेजर्ड वैल्यू होती है वो बार बार रिपीट हो रही होती है, राइट। तो यहाँ पर ये रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी टर्म आ गया, तो इसका मतलब प्रिसीशन के बारे में बात कर रहे हैं। इन केस ऑफ प्रिसीशन के केस में इफ़ रीडिंग डिफरेंस इज मोर, जैसे कि हमने बात किया, हमने जो रीडिंग जो ऑप्टेन किया उसके बीच वो रीडिंग के बीच का बहुत सारी रीडिंग हमने ऑप्टेन किया, वो रीडिंग के बीच का डिफरेंस अगर ज़्यादा है, जैसे कि हमने ये वाला एग्जाम्पल कंसिडर किया था, पहला वोल्ट मीटर ने 1.5 वोल्ट रीडिंग दिया, फिर 0.5 वोल्ट रीडिंग दिया, फिर 0.9 वोल्ट रीडिंग दिया। तो यहाँ पर ये जो रीडिंग है इसके बीच का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है, इसका मतलब जो प्रिसीशन होगा वो कैसा होने वाला है, वो कम होने वाला है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमें ये बोल रहा है, अगर रीडिंग का डिफरेंस अगर ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में जो प्रिसीशन होगा वो कम होगा। सिमिलरली अगर रीडिंग के बीच का डिफरेंस अगर कम होता है तो ऐसे केस में जो प्रिसीशन होगा वो ज़्यादा होगा। तो जो प्रिसीशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रीडिंग के बीच का जो डिफरेंस है उसके साथ, रीडिंग के बीच का डिफरेंस अगर कम है तो प्रिसीशन ज़्यादा होगा। इफ़ इंस्ट्रूमेंट इज प्रिसाइज, अगर इंस्ट्रूमेंट अगर प्रिसाइज होता है तो ऐसे केस में जो इंस्ट्रूमेंट है वो रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी को फॉलो करेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या समझते हैं, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट अगर प्रिसाइज होता है तो बार बार रीडिंग लेने पर, बार बार वैल्यू को ऑप्टेन करने पर हमें जो आउटपुट जो मिलेगा उसमें जो डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा, या फिर सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं अगर इंस्ट्रूमेंट अगर हमारा प्रिसाइज होता है तो ऐसे केस में बार बार हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमें सेम रीडिंग देगा, बार बार हमें 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट या फिर 1.4 वोल्ट ऐसा हमें रीडिंग देगा, जस्ट एज ऑफ एग्जांपल सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट अगर हमारा प्रिसाइज है तो हमें जो रीडिंग जो देगा बार बार वो हमें सेम मिलने वाली है, आइडेंटिकल मिलेंगी, वो रीडिंग के बीच का डिफरेंस बहुत कम होगा। तो इंस्ट्रूमेंट अगर प्रिसाइज होता है तो ऐसे केस में जो इंस्ट्रूमेंट है वो रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी को क्या करेगा, फॉलो करेगा। एनी इंस्ट्रूमेंट शुड हैव गुड एक्यूरेसी एंड गुड प्रिसीशन, कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो एक्यूरेसी और जो प्रिसीशन है वो कैसा होना चाहिए, गुड होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में एक्यूरेसी और जो प्रिसीशन है वो कैसा होना चाहिए, गुड होना चाहिए। तो एनी इंस्ट्रूमेंट शुड हैव गुड प्रिसीशन एंड गुड एक्यूरेसी, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो एक्यूरेसी और जो प्रिसीशन है वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में गुड एक्यूरेसी और गुड प्रिसीशन हमें मिलना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें प्रिसीशन डज नॉट एंश्योर एक्यूरेसी बट एक्यूरेसी एंश्योर प्रिसीशन, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो प्रिसीशन है इसके हेल्प से हम लोग एक्यूरेसी को एंश्योर नहीं कर सकते, मतलब जो प्रिसीशन है वो एक्यूरेसी के बारे में नहीं बता सकता है, मगर जो एक्यूरेसी किसके बारे में बता सकती है, प्रिसीशन के बारे में बता सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रिसीशन है वो एक्यूरेसी के बारे में नहीं बता सकता, मगर जो एक्यूरेसी वो प्रिसीशन के बारे में बता सकती है। तो जो प्रिसीशन है वो एक्यूरेसी के बारे में नहीं बता सकता, मगर जो एक्यूरेसी वो प्रिसीशन के बारे में बता सकती है। दैट इज इंस्ट्रूमेंट हैविंग, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की अगर एक्यूरेसी अगर हाई होती है तो ऐसे केस में जो इंस्ट्रूमेंट है उसका जो प्रिसीशन होगा वो भी कैसा होगा, वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हमने क्या समझा, जो प्रिसीशन है वो हमें एक्यूरेसी के बारे में नहीं बताता, मगर जो एक्यूरेसी हमें प्रिसीशन के बारे में बता सकती है। किसी इंस्ट्रूमेंट की अगर एक्यूरेसी अगर ज़्यादा है तो उसका जो प्रिसीशन होगा वो भी ज़्यादा होगा। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो एक्यूरेसी होती है वो हमारी फर्स्ट कंसिडरेशन होती है, फिर उसके बाद जो प्रिसीशन होता है वो हमारा सेकंड कंसिडरेशन होता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पहले हम लोग एक्यूरेसी को कंसिडर करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग किसको कंसिडर करते हैं, प्रिसीशन को कंसिडर करते हैं। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में एक्यूरेसी हमारा फर्स्ट कंसिडरेशन है और जो प्रिसीशन है वो सेकंड कंसिडरेशन है। अभी बात करते हैं रिपीटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, रिपीटेबिलिटी का मतलब क्या होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंस्ट्रूमेंट इज रिपीटिंग सेम आउटपुट अंडर सेम ऑब्जर्वर अंडर सेम इन्वायरमेंट, दी प्रॉपर्टी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज रिपीटेबिलिटी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंस्ट्रूमेंट अगर सेम आउटपुट को रिपीट कर रहा है अंडर सेम ऑब्जर्वर अंडर सेम इन्वायरमेंट, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में और एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के अंडर अगर इंस्ट्रूमेंट अगर सेम आउटपुट अगर रिपीट कर रहा है तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है इंस्ट्रूमेंट की इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया वोल्ट मीटर को हमने 5 वोल्ट दिया T1 टाइम इंस्टेंट पर, यहाँ पर पहला T1 टाइम इंस्टेंट कंसिडर करते हैं सिक्वेंशियली। वोल्ट मीटर हमने कंसिडर किया T1 टाइम इंस्टेंट पर, इसको हमने 5 वोल्ट इनपुट दिया तो आउटपुट में हमें कितना वोल्ट दिया, 2 वोल्ट। फिर इसको हमने T2 टाइम इंस्टेंट पर 5 वोल्ट इनपुट दिया तो हमें क्या दिया, 2 वोल्ट। फिर उसके बाद हम लोग उसको 5 वोल्ट इनपुट देंगे तो हमें देगा 2 वोल्ट, मतलब एक हमने इंस्ट्रूमेंट लिया उसको हमने आज 5 वोल्ट इनपुट दिया तो हमें आज 2 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। फिर कल हमने 5 वोल्ट इनपुट दिया तो कल हमें 2 वोल्ट आउटपुट देगा। फिर उसके बाद हम लोग
आफ्टर टुमारो उसको हम लोग 5 वोल्ट इनपुट देंगे तो हमें 2 वोल्ट आउटपुट देगा। तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो सिस्टम है इसका जो आउटपुट है, इंस्ट्रूमेंट का जो आउटपुट है वो कैसा है, वो कांस्टेंट है, आउटपुट जो है वो वेरी नहीं कर रहा, राइट। तो इसी को ही हम लोग, यही फीचर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटेबिलिटी बोलते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट अगर अपने आउटपुट को बार 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 रिपीट करते जा रहा है इनडिपेंडेंट ऑन टाइम, तो जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक होती है इंस्ट्रूमेंट की इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटेबिलिटी। तो इंस्ट्रूमेंट अगर रिपीट कर रहा है सेम आउटपुट को अंडर सेम ऑब्जर्वर अंडर सेम इन्वायरमेंट, तो जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिपीटेबिलिटी। अगर इंस्ट्रूमेंट अगर अपना आउटपुट रिपीट करते जा रहा है कंटिन्यूसली, इंस्ट्रूमेंट अगर अपना आउटपुट कंटिन्यूसली अगर रिपीट करते जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट अपना आउटपुट अगर कंटिन्यूसली अगर रिपीट करते जा रहा है इंडिपेंडेंट ऑन टाइम, तो जो फीचर्स होता है इंस्ट्रूमेंट का इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटेबिलिटी बोलते हैं। रिपीटेबिलिटी में जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो अपना आउटपुट को कंटिन्यूसली रिपीट करते जाता है फॉर अ गिवन इनपुट एंड इंडिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, टाइम के ऊपर, इंडिपेंडेंट होता है टाइम के ऊपर। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आज हमने 5 वोल्ट दिया तो कल आज हमें 2 वोल्ट मिला, कल हम लोग 5 वोल्ट देंगे तो कल हमें 2 वोल्ट मिलेगा आउटपुट, फिर उसके बाद हम लोग परसों 5 वोल्ट देंगे इनपुट में तो हमें 2 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो आउटपुट है वो टाइम के ऊपर इंडिपेंडेंट है। रिपीटेबिलिटी इंडिकेट द डिग्री ऑफ क्लोजनेस अमोंग मेजर्ड वैल्यू व्हेन डिफरेंट इनपुट इज गिवन नंबर ऑफ टाइम्स अंडर सेम इन्वायरमेंट इंस्ट्रूमेंट अंडर सेम कंडीशन एंड अंडर सेम ऑब्जर्वर। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें रिपीटेबिलिटी का अगर हम लोग टेक्निकल डेफिनेशन देखें, तो जो रिपीटेबिलिटी वो हमें इंडिकेट करते हैं डिग्री ऑफ क्लोजनेस अमोंग मेजर्ड वैल्यू, जो मेजर्ड वैल्यू हमने जो ऑब्टेन जो किया है उसके बीच में जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस है उसको मेजर्ड करती है। डिग्री ऑफ क्लोजनेस मेजर्ड वैल्यू की मेजर करती है, इसका मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें 2 वोल्ट और यहाँ पर ये 2 वोल्ट, तो दोनों के बीच का जो क्लोजनेस है उसको कौन मेजर करेगा, रिपीटेबिलिटी मेजर करेगी, राइट। तो ये वाला टेक्निकल डेफिनेशन है, अगर टेक्निकल डेफिनेशन नहीं भी याद हो रहा है तो हमें कॉन्सेप्ट को समझना है तो हम लोग ये वाला डेफिनेशन याद रख सकते हैं। जो रिपीटेबिलिटी होती है वो इंस्ट्रूमेंट की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो अपना जो आउटपुट है उसको कंटिन्यूसली रिपीट करते जाता है इंडिपेंडेंट ऑन टाइम होता है। रिपीटेबिलिटी इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ क्लोजनेस अमॉन्ग मेजर्ड वैल्यू व्हेन डिफरेंट इनपुट इज गिवन नंबर ऑफ टाइम्स। रिपीटेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन डिफरेंट इनपुट इज गिवन नंबर ऑफ टाइम्स टू द सेम इंस्ट्रूमेंट, राइट। जब हम लोग अलग अलग इनपुट देंगे बहुत बार सेम इंस्ट्रूमेंट को, और इंस्ट्रूमेंट अगर अपना आउटपुट अगर रिपीट करते जाए तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटेबिलिटी बोलते हैं। तो रिपीटेबिलिटी से हमने क्या समझा, रिपीटेबिलिटी को आप लोग एक और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले बोला रिपीटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो रिपीटेबिलिटी होती है वो हमें इंडिकेट करती है आउटपुट जो कि हमारे इंस्ट्रूमेंट बार बार रिपीट करेगा, और जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो टाइम के ऊपर इंडिपेंडेंट होगा। अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट अगर आउटपुट को अगर बार बार रिपीट कर रहा हो और टाइम के ऊपर इंडिपेंडेंट हो, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है इंस्ट्रूमेंट की इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटेबिलिटी। हम लोग ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग इनपुट दें और वो अलग अलग इनपुट के लिए अगर हमें इंस्ट्रूमेंट अगर सेम आउटपुट दे रहा है टाइम के ऊपर इंडिपेंडेंट हो रहा है, तो ऐसे केस में ये जो फीचर होता है इंस्ट्रूमेंट का इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटेबिलिटी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ से रिपीटेबिलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया, रिपीटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मगर कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए कि जो इन्वायरमेंट है वो भी सेम होना चाहिए, ऑब्जर्वर है वो भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो यहाँ से रिपीटेबिलिटी से हमने क्या समझा, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को अगर हम लोग, लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटेबिलिटी, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को अगर हम लोग अलग अलग इनपुट दे रहे मगर वो जो इंस्ट्रूमेंट अगर हमें सेम आउटपुट दे रहा है टाइम के ऊपर इंडिपेंडेंट है, तो ये जो फीचर होता है इंस्ट्रूमेंट का इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिपीटेबिलिटी। और रिपीटेबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है कि जो ऑब्जर्वर और जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो कैसी होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अभी बात करते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी के बारे में। रिप्रोड्यूसिबिलिटी इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ क्लोजनेस अमॉन्ग मेजर्ड वैल्यू। डिग्री ऑफ क्लोजनेस अमॉन्ग मेजर्ड वैल्यू ये हमें सभी में मिलेगा, रिप्रोड्यूसिबिलिटी में भी मिलेगा, रिपीटेबिलिटी में भी मिलेगा। तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी इंडिकेट्स डिग्री ऑफ क्लोजनेस अमॉन्ग मेजर्ड वैल्यू व्हेन डिफरेंट इनपुट इज गिवन नंबर ऑफ टाइम्स अंडर सेम इंस्ट्रूमेंट अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड अंडर डिफरेंट ऑब्जर्वर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी में डिफरेंस क्या है, रिपीटेबिलिटी में हम लोग सेम ऑब्जर्वर और सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन कंसिडर कर रहे थे, मगर रिप्रोड्यूसिबिलिटी में हम लोग डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन और डिफरेंट ऑब्जर्वर कंसिडर करते हैं, राइट। रिप्रोड्यूसिबिलिटी में जो ऑब्जर्वर और जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है वो अलग अलग होती है, मगर रिपीटेबिलिटी में जो ऑब्जर्वर और जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है वो कैसी होती है, वो सेम होती है। तो ध्यान से सुनना डिफरेंस इन बिटवीन रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिपीटेबिलिटी और जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है दोनों हमें डिग्री ऑफ क्लोजनेस के बारे में बताते, किसके डिग्री ऑफ क्लोजनेस के बारे में, मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस, या फिर सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो क्लोजनेस है उसके बारे में हमें बताता है रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी। अब ये रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी होता क्या है अगर हमें कोई पूछ लिया जाए, तो जो रिपीटेबिलिटी है क्या, ये इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें इंस्ट्रूमेंट को अगर हम लोग अलग अलग इनपुट दें और इंस्ट्रूमेंट अगर हमें सेम आउटपुट दे रहा है वो अलग अलग इनपुट के लिए,
और इंस्ट्रूमेंट अगर टाइम के ऊपर इनडिपेंडेंट है तो ऐसे केस में इसको हम लोग बोलेंगे, ये इंस्ट्रूमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे रिपीटेबिलिटी। मगर कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कि जो ऑब्जर्वर और जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट। और रिप्रोड्यूसिबिलिटी से हम लोग क्या समझते हैं, जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी ये इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक है, इंस्ट्रूमेंट का फीचर है, जिसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट को अगर अलग अलग इनपुट देंगे तो जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो हमें कैसा आउटपुट देने वाला है, सेम आउटपुट देगा। और जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो टाइम के ऊपर इंडिपेंडेंट होगा, मगर कंडीशन क्या है, जो ऑब्जर्वर और जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो कैसे होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। रिप्रोड्यूसिबिलिटी में ऑब्जर्वर और जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो अलग अलग होना चाहिए, और रिपीटेबिलिटी में जो ऑब्जर्वर और जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने बात किया रिप्रोड्यूसिबिलिटी के बारे में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो प्रिसीशन होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, सिग्निफिकेंट फिगर के साथ, राइट। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो प्रिसीशन होता है मेजरमेंट होता है किसका, रिप्रोड्यूसिबिलिटी का, और रिप्रोड्यूसिबिलिटी का और रिपीटिबिलिटी का, रिपीटिबिलिटी और यहाँ पर ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी। जैसे कि हमने बात किया प्रिसीशन में हमें रिपीटिबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी मिलना ही मिलना है। तो यहाँ से अब तक के हमने क्या समझा, वन सेकेंड रिपीटिंग दी लास्ट टाइम, रिपीटिबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी के बीच में डिफरेंस क्या है, राइट। रिपीटिबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी, सबसे पहला रिपीटिबिलिटी। रिपीटिबिलिटी हमें क्या इंडिकेट करता है, अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट को अलग 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 इनपुट दे रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट अगर सेम आउटपुट दे रहा है और इंस्ट्रूमेंट के पैरामीटर टाइम के ऊपर इनडिपेंडेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिपीटेबिलिटी, राइट। और कंडीशन क्या होना चाहिए, कि जो ऑब्जर्वर और जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। रिपीटेबिलिटी है क्या, फीचर है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, कैरेक्टरिस्टिक है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी में जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग अलग अलग इनपुट देते हैं, मगर जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमें सेम आउटपुट देता है, और जो इंस्ट्रूमेंट का जो पैरामीटर है वो टाइम के ऊपर इनडिपेंडेंट होता है। मतलब हम लोग को आज अगर 5 वोल्ट दे रहा है तो कल भी 5 वोल्ट देगा, परसों भी 5 वोल्ट देगा, राइट। तो जैसे हमने बात किया अलग अलग इनपुट देते हैं, मगर जो आउटपुट होता है वो हमें कैसा मिलता है, सेम ही मिलता है। मगर कंडीशन क्या है, कि जो ऑब्जर्वर और जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो अलग अलग होना चाहिए, किसमें, रिप्रोड्यूसिबिलिटी के केस में। जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी और जो रिपीटेबिलिटी है दोनों हमें डिग्री ऑफ क्लोजनेस इंडिकेट करते हैं, किसकी डिग्री ऑफ क्लोजनेस, मेजर्ड वैल्यू की डिग्री ऑफ क्लोजनेस, राइट। प्रिसीजन इज मेजरमेंट ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी। जैसे कि हमने बात किया, जो प्रिसीजन है वो किसका मेजरमेंट है, रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी। और ये रीजन की वजह से हमने डिस्कस किया था, प्रिसीजन में रिपीटेबिलिटी और जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है ये अपीयर करना ही करना है। जो प्रिसीजन होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, सिग्निफिकेंट फिगर के साथ, जैसे कि हमने बात किया। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की अगर सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, एक्यूरेसी ज़्यादा है तो एरर कम होने वाला है। तो जो प्रिसीशन होता है मेजरमेंट होता है रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी का, जैसे कि हमने बात किया। अब ये सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, सेंसिटिविटी जैसे कि हम लोग कॉमन एक्सपीरियंस से समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपका फ्रेंड है उसके साथ आप जरा से भी मजाक कर लेते हो तो वो एकदम मतलब गुस्सा हो जाता है। तो मतलब ये मस्ती मजाक को लेकर आपका फ्रेंड बहुत सेंसिटिव है, जरा से भी आप मजाक कर लेते हो तो एकदम मतलब हाइपर हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर ये जरा सा टर्म इसके साथ ही एसोसिएटेड है सेंसिटिविटी। तो अगर आपका इंस्ट्रूमेंट जरी सी किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को सेंस कर लेता है और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट दे देता है, तो इसका मतलब आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा है। तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या, इफ नेग्लिजिबल इनपुट इज गिवन टू इंस्ट्रूमेंट, अगर इंस्ट्रूमेंट को अगर हम लोग नेग्लिजिबल इनपुट दे और वो इंस्ट्रूमेंट अगर हमें इंस्टेंटली रिस्पॉन्स करे, तो ऐसे किस्म में जो कैरेक्टरिस्टिक होती है इंस्ट्रूमेंट की उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी। जो सेंसिटिविटी होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हाई होना चाहिए, सेंसिटिविटी ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट शुड बी हाई। किसी भी इंस्ट्रूमेंट जो सेंसिटिविटी हो कैसी होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो सेंसिटिविटी से हमने क्या समझा, अगर हम लोग नेग्लिजिबल इनपुट देते किसी भी इंस्ट्रूमेंट को और वो इंस्ट्रूमेंट अगर हमें इंस्टेंटेनियसली आउटपुट देता है, इंस्टेंट रिस्पॉन्स देता है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक होती है इंस्ट्रूमेंट की इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सेंसिटिविटी। नेग्लिजिबल इनपुट के लिए भी अगर हमें आउटपुट मिल रहा है इंस्टेंटली, तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी बोलते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो सेंसिटिविटी है वो हाई होना चाहिए, सेंसिटिविटी ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट शुड बी हाई। हम लोग सेंसिटिविटी को ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, सेंसिटिविटी इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। आउटपुट में जो चेंज है और जो इनपुट में जो चेंज है उसका जो रेशियो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंसिटिविटी बोलेंगे। सेंसिटिविटी कैन ऑल्सो भी डिफाइन एज चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। आउटपुट में जो चेंज है और जो इनपुट में जो चेंज है दोनों का जो रेशियो, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं सेंसिटिविटी। तो ये सेंसिटिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आउटपुट अपॉन इनपुट में जो चेंज होगा उसी को हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अब ये रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, इफ़ नेग्लिजिबल इनपुट इज गिवन टू द इंस्ट्रूमेंट एंड इफ रिस्पॉन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नॉट नेग्लिजिबल और कैन से हाई। जैसे कि हमने बात किया सेंसिटिविटी का मतलब क्या, अगर नेग्लिजिबल इनपुट दे रहे हो और नेग्लिजिबल अगर आउटपुट मिल रहा है इंस्टेंटली, तो ऐसे केस में जो कैरेक्टरिस्टिक होती है इंस्ट्रूमेंट की उसको हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन आउटपुट, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें,
रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, हमने इंस्ट्रूमेंट को नेग्लिजिबल इनपुट दिया, रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट को हमने नेग्लिजिबल इनपुट दिया, हमने इंस्ट्रूमेंट को नेग्लिजिबल इनपुट दिया मगर जो आउटपुट है वो नेग्लिजिबल नहीं है, जो आउटपुट है वो बहुत हाई है। तो ऐसे केस में जो कैरेक्टरिस्टिक होती है इंस्ट्रूमेंट की उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन बोलते हैं, और ऐसे केस में जो रिजोल्यूशन होगा वो लो होने वाला है, राइट। तो अगर हम लोग नेग्लिजिबल इनपुट अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट को देते हैं और इंस्ट्रूमेंट का रिस्पॉन्स अगर नेग्लिजिबल नहीं होता है, हाई होता है, तो ऐसे केस में जो रिजोल्यूशन होगा इंस्ट्रूमेंट का उसको हम लोग कैसा बोलेंगे, लो बोलेंगे। नेग्लिजिबल इनपुट के लिए अगर हाई, अगर आउटपुट अगर बहुत हाई मिल रहा है तो ऐसे केस में जो रिजोल्यूशन होगा इंस्ट्रूमेंट का वो कैसा होने वाला है, लो होने वाला है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंस्ट्रूमेंट इज हाई रिजोल्यूशन, इंस्ट्रूमेंट का अगर रिजोल्यूशन अगर हाई होता है तो ऐसे केस में नेग्लिजिबल चेंज इन इनपुट गिव नेग्लिजिबल चेंज इन आउटपुट। अगर इंस्ट्रूमेंट का अगर रिजोल्यूशन अगर हाई होता है तो ऐसे केस में अगर इनपुट में अगर नेग्लिजिबल चेंज होगा तो जो आउटपुट है उसमें भी नेग्लिजिबल चेंज होगा, मगर इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन अगर लो होता है तो ऐसे केस में अगर इनपुट में अगर नेग्लिजिबल चेंज है तो जो आउटपुट है उसमें नेग्लिजिबल चेंज नहीं मिलेगा, आउटपुट में हमें ड्रास्टिक चेंज मिलेगा। तो हमने क्या समझा, अगर रिजोल्यूशन अगर लो होता है तो रिजोल्यूशन अगर हाई होता है तो अगर इनपुट में अगर नेग्लिजिबल चेंज है तो आउटपुट में भी हमें कैसा चेंज मिलेगा, नेग्लिजिबल चेंज मिलेगा। इनपुट में अगर नेग्लिजिबल चेंज अगर हो रहा है तो जो आउटपुट है उसमें भी हमें नेग्लिजिबल चेंज मिलेगा। ये कब होगा, जब रिजोल्यूशन हाई होगा। मगर अगर रिजोल्यूशन अगर लो होता है तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर रिजोल्यूशन अगर लो होता है तो ऐसे केस में अगर इनपुट में अगर नेग्लिजिबल अगर चेंज हो रहा है तो जो आउटपुट है उसमें हमें ड्रास्टिक चेंज मिलेगा, राइट। जो सेंसिटिविटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट की स्केल को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। सेंसिटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसीडर वाइल डिजाइनिंग स्केल ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जब हम लोग स्केल को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो ऐसे केस में जो सेंसिटिविटी है बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है। तो जो सेंसिटिविटी है बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिडर करना जब हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट की स्केल को डिज़ाइन करेंगे। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जब हम लोग स्केल को डिज़ाइन करते हैं तो ऐसे केस में सेंसिटिविटी को हम लोग ऑब्वियसली कंसिडर करते ही करते हैं। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की स्केल को डिज़ाइन करने के टाइम कौन सा ऐसा फैक्टर हम लोग कंसिडर करते हैं, सेंसिटिविटी को हम लोग कंसीडर करते हैं। यहां पर अगर हम लोग देखें इंस्ट्रूमेंट की जो स्केल होती है दो तरीके की होती है, पहली जो स्केल होती है वो होती है लीनियर स्केल और दूसरी जो स्केल होती है वो होती है नॉन लीनियर स्केल। तो जो लीनियर स्केल है वो हमें पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में मिलता है और जो नॉन लीनियर स्केल है ये हमें मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट या फिर जो थर्मोकपल हो गया उसमें हमें बेसिकली नॉन लीनियर स्केल मिलती है। तो स्केल हमारे पास दो टाइप की होती है, पहली होती है लीनियर स्केल और दूसरी जो स्केल होती है वो होती है नॉन लीनियर स्केल। जो लीनियर स्केल होती है वो हमें पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट हो गया, डायनोमीटर इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट में हमें बेसिकली लीनियर स्केल मिलती है, राइट। और जो नॉन लीनियर स्केल है ये हमें बेसिकली मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में मिलती है। तो नॉन लीनियर स्केल कौन से इंस्ट्रूमेंट में मिलती है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में मिलती है। इसको हम लोग कैसे याद रखें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये एन और यहाँ पर ये एम, मूविंग आयरन में अगर हम लोग देखें एम तो एम एन, तो अल्फाबेटिकली हमें पता है पहले एम आता है फिर उसके बाद एन आता है। तो जो नॉन लीनियर स्केल है वो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं और जो लीनियर स्केल है इसको हम लोग पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं और डायनोमीटर में हम लोग यूज़ करते हैं। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट और डायनोमीटर इसमें हम लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, कौन सी स्केल को यूज़ करते हैं, लीनियर स्केल को यूज़ करते हैं। और जब हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट की स्केल डिज़ाइन कर रहे थे, स्केल का मतलब क्या होता है इसके बारे में हमें पता ही होगा, स्पीडोमीटर अगर हम लोग देखें गाड़ी का उस पर स्पीड लिखी होती है उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्केल, राइट। तो जो स्केल होती है दो तरीके की होती है, पहली होती है लीनियर दूसरी होती है नॉन लीनियर। लीनियर जो स्केल होती है वो पीएमएमसी डायनोमीटर में हम लोग यूज़ करते हैं, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट डायनोमीटर में हम लोग लीनियर स्केल यूज़ करते हैं। नॉन लीनियर स्केल मूविंग आयरन हो गया, थर्मोकपल हो गया, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं नॉन लीनियर स्केल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें लीनियर स्केल का जो ग्राफ होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि ओरिजिन से पास हो रही होगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें लीनियर स्केल के लिए जो सेंसिटिविटी होती है वो कैसी होती है, 1 होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियर स्केल के लिए सेंसिटिविटी कितनी होती है, लीनियर स्केल के लिए जो सेंसिटिविटी होती है 1 होती है। तो यहाँ पर ये लीनियर स्केल के लिए अगर हम लोग देखें जो ग्राफ होगा वो हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिलेंगी जो कि ओरिजिन से पास हो रही होगी, और लीनियर स्केल के लिए जो सेंसिटिविटी होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है लीनियर स्केल के लिए सेंसिटिविटी कितनी होती है, लीनियर स्केल के लिए सेंसिटिविटी होती है 1। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इफ़ सेंसिटिविटी इज़ लेस देन 1 एंड इफ़ सेंसिटिविटी इज़ ग्रेटर देन 1 देन स्केल इज़ नॉन लीनियर। तो जैसे कि हमने बात किया लीनियर स्केल के लिए जो सेंसिटिविटी होगी वो कितनी होगी, वो होगी 1। सेंसिटिविटी अगर 1 से कम होती है या फिर सेंसिटिविटी अगर 1 से ज़्यादा होती है तो ऐसे केस में जो स्केल है वो है नॉन लीनियर। तो लीनियर स्केल के लिए सेंसिटिविटी 1 होगी, नॉन लीनियर स्केल के लिए जो सेंसिटिविटी होगी वो 1 नहीं होने वाली है, राइट। लीनियर स्केल के लिए जो टीटा होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, करंट के साथ, और नॉन टीटा का मतलब क्या होता है, जो टीटा होता है ये बेसिकली डिफ्लेक्शन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीटा है क्या, जो टीटा है वो है डिफ्लेक्शन। तो लीनियर स्केल के लिए जो डिफ्लेक्शन होता है करंट के साथ प्रोपोर्शनल होता है, नॉन लीनियर स्केल के लिए अगर हम लोग देखें जो डिफ्लेक्शन है वो करंट के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियर स्केल के लिए जो डिफ्लेक्शन होता है वो करंट के साथ प्रोपोर्शनल होता है, नॉन लीनियर स्केल के लिए जो डिफ्लेक्शन होता है किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है, करंट के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट।
तो लीनियर स्केल के लिए अगर हम लोग देखें, जो डिफ्लेक्शन होता है करंट के साथ प्रोपोर्शनल होता है, सेंसिटिविटी 1 होती है लीनियर स्केल के लिए। नॉन लीनियर स्केल के लिए जो डिफ्लेक्शन होता है करंट के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, इन ऑर्डर टू रिड्यूस लोडिंग इफेक्ट सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट शुड बी हाई। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एक इफेक्ट होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर ये जो लोडिंग इफेक्ट है इसको रिड्यूस करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट की जो सेंसिटिविटी है वो कैसी होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस लोडिंग इफेक्ट, लोडिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट की जो सेंसिटिविटी है वो कैसी होना चाहिए, हाई होना चाहिए। सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शुड भी हाई। तो जो लोडिंग इफेक्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट को जब हम लोग लोड करते हैं तो ऐसे कि इसमें जो इफेक्ट होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। जैसे कि हमने इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर के साथ कोई लोड कनेक्ट कर दिया, तो इसी को हम लोग बेसिकली रफली बोल सकते हैं लोडिंग इफेक्ट है, राइट। तो यहाँ पर ये जो लोडिंग इफेक्ट है इसको रिड्यूस करने के लिए इंस्ट्रूमेंट की जो सेंसिटिविटी है वो कैसी होना चाहिए, हाई होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो सेंसिटिविटी होती है वो रेसिप्रोकल होती है किसका, फुल स्केल डिफ्लेक्शन का। जो सेंसिटिविटी होती है वो रेसिप्रोकल होती है किसका, फुल स्केल डिफ्लेक्शन का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सेंसिटिविटी होती है वो रेसिप्रोकल होती है किसका, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का। सेंसिटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। जो सेंसिटिविटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट के साथ। तो जो सेंसिटिविटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट के साथ। तो सेंसिटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। सेंसिटिविटी किसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कौन, सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो सेंसिटिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, या फिर बोल सकते हैं सेंसिटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सेंसिटिविटी इज ऑल्सो नोन एज फिगर ऑफ मेरिट एंड इट इज एंड ऑल्सो नोन एज स्केल फैक्टर। जैसे हमने बात किया, जो सेंसिटिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट के साथ। सेंसिटिविटी को हम लोग फिगर ऑफ मेरिट भी बोलते हैं और इसको स्केल फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो सेंसिटिविटी को हम लोग फिगर ऑफ मेरिट भी बोलते हैं। सेंसिटिविटी इज ऑल्सो नोन एज फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट किसको बोला जाता है, सेंसिटिविटी को। सेंसिटिविटी को हम लोग फिगर ऑफ मेरिट भी बोलते हैं और इसको हम लोग स्केल फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो सेंसिटिविटी इज ऑल्सो नोन एज फिगर ऑफ मेरिट। सेंसिटिविटी को हम लोग फिगर ऑफ मेरिट भी बोलते हैं। सेंसिटिविटी को हम लोग स्केल फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो सेंसिटिविटी को फिगर ऑफ मेरिट भी बोला जाता है और इसको हम लोग स्केल फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो यहां से क्लियर हो गया, सेंसिटिविटी फिगर ऑफ मेरिट ऑल्सो नोन एज स्केल फैक्टर। सेंसिटिविटी किसके साथ एसोसिएटेड है, स्केल के साथ भी एसोसिएटेड है। स्केल अगर लीनियर सेंसिटिविटी 1, स्केल अगर नॉन लीनियर तो सेंसिटिविटी 1 से ज्यादा होगी या फिर 1 से कम होगी। यहां पर अगर हम लोग देखें, डिजिटल वोल्ट मीटर में जो रिजोल्यूशन होता है उसको हम लोग लिखते हैं 1/10^n। यहाँ पर ये जो n है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ बीट इंडिकेट करता है। नंबर ऑफ बीट अगर कम होगी तो ऐसे केस में जो रिजोल्यूशन होगा वो ज़्यादा होगा। जो रिजोल्यूशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ बीट के साथ। तो डिजिटल वोल्ट मीटर में जो रिजोल्यूशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिजिटल वोल्ट मीटर इसका मतलब डिजिटल सिग्नल जाएगा 1010, राइट। तो डिजिटल वोल्ट मीटर में जो रिजोल्यूशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, नंबर ऑफ बीट के साथ। जो n है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ बीट। तो डिजिटल वोल्ट मीटर में जो रिजोल्यूशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ बीट के साथ। नंबर ऑफ बीट अगर कम है तो रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा। रिजोल्यूशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बीट। नंबर ऑफ बीट कम है तो रिजोल्यूशन ज़्यादा। नंबर ऑफ बीट कम है, ज़्यादा है, तो ऐसे केस में जो रिजोल्यूशन होगा वो कम होने वाला है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो मैक्सिमम वैल्यू और जो मिनिमम वैल्यू होती है इंस्ट्रूमेंट में, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इंस्ट्रूमेंट में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो मैक्सिमम वैल्यू और जो मिनिमम वैल्यू है दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। समझ में आया रेंज का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। वोल्ट मीटर में मैक्सिमम वैल्यू है 10 वोल्ट, मिनिमम वैल्यू है 1 वोल्ट, तो 10 वोल्ट और 1 वोल्ट दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, सेंसिटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट के साथ। सेंसिटिविटी को हम लोग बेसिकली स्केल फैक्टर भी बोलते हैं और फिगर ऑफ मेरिट भी बोला जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, लार्जेस्ट चेंज इन इनपुट लार्जेस्ट चेंज इन इनपुट फॉर विच इज नो आउटपुट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज डेड जोन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमने एक इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया और जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हमने इनपुट दिया और जो इनपुट है उसमें इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है कि जो इंस्ट्रूमेंट का जो आउटपुट है वही हमें नहीं मिलता, जो आउटपुट है वो हमें जीरो मिलता है। इनपुट में इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है कि जो आउटपुट है वो हमें कैसा, जस्ट होल्ड ऑन फॉर सम टाइम।
जस्ट होल्ड ऑन फॉर सम टाइम। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया लार्जेस्ट चेंज इन इनपुट, इनपुट में अगर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है जिसके वजह से इंस्ट्रूमेंट हमें आउटपुट ही नहीं दे रहा है, इनपुट हमने दिया और इनपुट में इतना ज़्यादा चेंज हो गया कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमें आउटपुट ही नहीं दे पाया, तो ऐसे केस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेड जोन बोलते हैं, राइट। लॉन्गेस्ट चेंज, लार्जेस्ट चेंज इन इनपुट, इनपुट में इतना ज़्यादा चेंज हो गया कि इंस्ट्रूमेंट हमें आउटपुट ही नहीं दिया, फॉर विच देर इज़ नो आउटपुट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डेड जोन, राइट। यहाँ पर इसको हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। इनपुट मैग्नीट्यूड इज़ वेरी हाई इन सच ए वे, इनपुट का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमें आउटपुट ही नहीं देता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेड जोन। इसको हम लोग समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। यहाँ पर मैंने ग्राफ कंसिडर किया, वाई हम एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है आउटपुट, एक्स एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है इनपुट। तो हमने इनपुट दिया तो ये इनपुट के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर आउटपुट मिला, हमने इनपुट को और बढ़ाया तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर और आउटपुट मिला, हमने इनपुट को और बढ़ाया तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमें और आउटपुट मिला, हमने इनपुट और दे दिया तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें कोई आउटपुट ही नहीं मिला, और हमने इनपुट दिया तो यहाँ पर भी हमें कोई आउटपुट नहीं मिला, और हाई इनपुट दिया तो नो आउटपुट, यहाँ पर भी हमने और हाई इनपुट दिया तो आउटपुट हमें नहीं मिला, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने इनपुट दिया तो भी हमें आउटपुट नहीं मिला, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने इनपुट दिया तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट मिला। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कि हमें कोई आउटपुट ही नहीं दे रहा है इंस्ट्रूमेंट, इस ड्यूरेशन में हमने इनपुट को इतना ज़्यादा वेरी कर लिया कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमें आउटपुट ही नहीं दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे डेड जोन। डेड जोन एक ऐसा जोन होता है जिसमें जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो हमें आउटपुट ही नहीं देता है, जबकि हम लोग इंस्ट्रूमेंट को इनपुट दे रहे होते हैं, इनपुट में इतना ज़्यादा हम लोग इतना प्रोवाइड कर देते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमें आउटपुट ही नहीं दे पाता, और जिस ड्यूरेशन के बीच में इंस्ट्रूमेंट हमें आउटपुट ही नहीं दे पाता जो ड्यूरेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेड जोन बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें आफ्टर दिस टाइम इंस्ट्रूमेंट इज गिविंग आउटपुट, यहाँ पर ये डेड जोन के बाद जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो हमें क्या देगा, आउटपुट देगा, हैंस दिस टाइम इज नोन एज डेड टाइम। यहाँ पर ये जो डेड जोन के साथ एसोसिएटेड जो टाइम होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डेड टाइम। डेड टाइम स्टार्ट्स आफ्टर डेड जोन, जो डेड टाइम होता है वो स्टार्ट होता है किसके बाद, डेड जोन के बाद। पहला डेड जोन होता है, डेड जोन के बाद क्या होता है, डेड टाइम स्टार्ट होता है, राइट। जैसे कोई हमारे साथ खराब इंसिडेंट हो जाता है फिर उसके बाद हमारा खराब टाइम चालू हो जाता है, ऐसा हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं क्या नहीं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। तो पहला डेड जोन आएगा, डेड जोन आने के बाद डेड टाइम स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो डेड जोन का मतलब क्या होता है, जो डेड जोन होता है वो एक ऐसा जोन होता है जिस जोन में जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमें आउटपुट नहीं दे रहा होता है, जबकि हम लोग इंस्ट्रूमेंट को इनपुट दे रहे होते हैं, और डेड जोन के साथ एसोसिएटेड जो टाइम होता है उसको हम लोग कौन सा टाइम बोलते हैं, डेड टाइम बोलते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक इन इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक इन इंस्ट्रूमेंट, अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक इन इंस्ट्रूमेंट, जब भी हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करते हैं तो ऐसे केस में क्या डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक होती है और क्या अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वैसे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर हम लोग बनाएंगे तो जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा होना चाहिए, वो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज होना चाहिए, उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होना चाहिए, तो सिर्फ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक इन इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में एक्यूरेसी ज़्यादा होना चाहिए, प्रिसीशन ज़्यादा होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट की रिपीटेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी ज़्यादा होना चाहिए, रिजोल्यूशन भी ज़्यादा होना चाहिए। रिजोल्यूशन ज़्यादा होना चाहिए मतलब इससे हम लोग क्या समझते हैं, अगर इनपुट में अगर नेगलिजिबल अगर चेंज हो तो जो आउटपुट है उसमें भी नेगलिजिबल चेंज होना चाहिए, तब जाके रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा। इनपुट में नेगलिजिबल चेंज है मगर आउटपुट में ड्रास्टिक चेंज हमें दिख गया तो ऐसे कि इसमें रिजोल्यूशन कम होगा, तो इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन भी ज़्यादा होना चाहिए, लीनियरिटी भी ज़्यादा होना चाहिए, फिडेलिटी भी ज़्यादा होना चाहिए। तो इंस्ट्रूमेंट में जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक एक्यूरेसी ज़्यादा होना चाहिए, प्रिसीशन ज़्यादा होना चाहिए, रिपीटेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, रिजोल्यूशन ज़्यादा होना चाहिए, लीनियरिटी ज़्यादा होना चाहिए, फिडेलिटी ज़्यादा होना चाहिए। अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब क्या इंस्ट्रूमेंट में नहीं होना चाहिए, लिमिटिंग एरर कम से कम होना चाहिए, ऑब्वियसली एरर कम होगा तो ऐसे केस में होगा क्या, जो इंस्ट्रूमेंट है रिलेटिव लिमिटिंग एरर से हमने क्या समझा था, रिलेटिव लिमिटिंग एरर इज द रेशियो ऑफ RAT, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू हमने डिस्कस किया था। परसेंटेज रिलेटिव में हमने डिस्कस किया था एब्सोल्यूट अपॉन ट्रू इंटू 100%, जिसको हमने मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100% कंसिडर किया था, राइट। अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक लिमिटिंग एरर कम होना चाहिए, हिस्टेरेसिस एरर कम होना चाहिए, डेड जोन कम होना चाहिए, डेड टाइम कम होना चाहिए, नॉन लिनियरिटी कम होना चाहिए। तो ये अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है कोई भी इंस्ट्रूमेंट लिनियरिटी को फॉलो करना चाहिए, नॉन लिनियरिटी को फॉलो नहीं करना चाहिए। लिनियरिटी को फॉलो करना चाहिए इसका मतलब वो जो इंस्ट्रूमेंट है लिनियरिटी के बारे में हमने लिनियरिटी को अगर कोई इंस्ट्रूमेंट अगर फॉलो कर रहा है तो होमोजेनिटी और जो एडिटिविटी प्रिंसिपल है उसको भी फॉलो करेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी फॉलो करेगा। लिनियरिटी प्रिंसिपल को हमारा इंस्ट्रूमेंट फॉलो करना चाहिए, लीनियर उसका हमें कैरेक्टरिस्टिक मिलना चाहिए। हमने लीनियरिटी के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया कंट्रोल सिस्टम सिग्नल सिस्टम में, राइट। तो अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट में लिमिटिंग एरर, अनडिजायरेबल क्या क्या नहीं होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट में, लिमिटिंग एरर कम होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, हिस्टेरेसिस एरर कम होना चाहिए, डेड जोन टाइम कम होना चाहिए, डेड टाइम कम होना चाहिए, नॉन लिनियरिटी कम होना चाहिए, राइट।
फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, इफ़ इंस्ट्रूमेंट इज़ गिविंग टू डिफरेंट आउटपुट फॉर सेम इनपुट इज़ नोन एज हिस्टेरेसिस एरर। हिस्टेरेसिस एरर का मतलब क्या होता है? हिस्टेरेसिस एरर का मतलब क्या होता है? हमने एक इनपुट दिया, मगर वो एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग हमें दो आउटपुट दे रहा है इंस्ट्रूमेंट, राइट? इंस्ट्रूमेंट को हमने दिया एक सिंगल इनपुट, मगर वो सिंगल इनपुट के करस्पॉन्डिंग हमें दो आउटपुट मिल रहा है। तो ऐसे केस में जो एरर जो जनरेट हो रहा है उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे हिस्टेरेसिस एरर। हमने सिंगल इनपुट दिया मगर उसके करस्पॉन्डिंग हमें डबल आउटपुट मिल रहा है, दो आउटपुट मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें एरर है, तो जो एरर जो बन रहा है उसको हम लोग कौन सा एरर बोलेंगे? हिस्टेरेसिस एरर। इफ़ इंस्ट्रूमेंट इज़ गिविंग टू डिफरेंट आउटपुट फॉर सेम इनपुट, अगर इंस्ट्रूमेंट अगर हमें अलग अलग आउटपुट दे रहा है सेम इनपुट के लिए, तो जो एरर है इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे हिस्टेरेसिस एरर। ड्रिफ्ट इज़ ऑल्सो नोन एज एरर। जो ड्रिफ्ट है इसको भी हम लोग एरर बोलते हैं, मगर ये जो ड्रिफ्ट है वो कांस्टेंट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए। सिस्टमैटिक एरर भी कांस्टेंट होता है, एब्सोल्यूट एरर भी कांस्टेंट होता है। जो ड्रिफ्ट है ये भी एक एरर होता है जो कि कांस्टेंट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए। जो ड्रिफ्ट है ये भी एक तरीके का एरर है जो कि कांस्टेंट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए। सिस्टमैटिक एरर भी कांस्टेंट होता है, एब्सोल्यूट एरर भी कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। अभी बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में। हमारे पास बेसिकली दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पहला जो इंस्ट्रूमेंट है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मेजरमेंट में हम लोग ऑब्वियसली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास बेसिकली दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? वो है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, राइट? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट आता है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट आता है और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट आता है। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, राइट? तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट आता है और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट आता है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, राइट? यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का, वो क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट होता है, इंडक्शन इफेक्ट होता है, हॉल इफेक्ट होता है, राइट? तो जो इंस्ट्रूमेंट है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, इंस्ट्रूमेंट जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, इंडक्शन इफेक्ट, हॉल इफेक्ट प्रिंसिपल पर काम करे, तो ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में इंडिकेटिंग है, रिकॉर्डिंग है और इंटीग्रेटिंग है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट मेजर रीडिंग डायरेक्टली। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो होते वो क्या करते हैं? सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो जो रीडिंग है उसे डायरेक्टली मेजर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में, अगर हम लोग देखें हमारे पास है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास आता है एनर्जी मीटर। तो ये जो एनर्जी मीटर होता है जो कि हमारी एनर्जी को मेजर कर रहा होता है, ये बेसिकली एक तरीके का इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है और ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट किसकी कैटेगरी में आते हैं? सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आते हैं, राइट? तो यहाँ पर ये जो हमने जो एनर्जी मीटर जो कंसिडर किया ये रीडिंग को डायरेक्टली मेजर करता है, राइट? अगर आप वो एनर्जी मीटर को देखो तो आपको डायरेक्टली रीडिंग मिलेंगी, जैसे कि वोल्ट मीटर रीडिंग को डायरेक्टली मेजर करता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी मीटर है ये भी रीडिंग को कैसा मेजर करता है? डायरेक्टली मेजर करता है। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो रीडिंग को कैसा मेजर करते हैं? डायरेक्टली मेजर करते हैं। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट मेजर रीडिंग डायरेक्टली। जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है वो रीडिंग को डायरेक्टली मेजर करते हैं, और जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है वो किसी भी क्वांटिटी को डायरेक्टली मेजर नहीं करते, और ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है किसी भी रीडिंग को डायरेक्टली मेजर करते हैं, मगर जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है, जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट दोनों में डिफरेंस क्या है? जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है वो किसी भी रीडिंग को, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट किसी भी रीडिंग को कैसा मेजर करते हैं? डायरेक्टली मेजर करते हैं, मगर जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है किसी भी रीडिंग को डायरेक्टली मेजर नहीं करते। मगर जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है ये ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, मगर जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं कम एक्यूरेट होते हैं। तो यहाँ पर ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर ये जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये हमें डायरेक्ट रीडिंग देते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं डायरेक्टली मेजर करते हैं किसी भी क्वांटिटी को, हैंस जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है ये डायरेक्ट रीडिंग हमें देते हैं। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल के बारे में बात करें, डायनामोमीटर हो गया, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हो गया, PMMC हो गया, एनर्जी मीटर हो गया, राइट? तो ये सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट है ये है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। एनर्जी मीटर हमारा जो होता है वो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है, और हमें पता है जो इंटीग्रेटिंग है वो किसकी कैटेगरी में आता है? सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है, राइट? तो जो एनर्जी मीटर है ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आएगा। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो डायरेक्ट रीडिंग देते, मगर जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो डायरेक्ट रीडिंग नहीं देते। दिस इंस्ट्रूमेंट डू नॉट गिव डायरेक्ट रीडिंग, मगर यहाँ पर ये जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है ये इंस्ट्रूमेंट कॉन्स्टेंट के फॉर्म में हमें रीडिंग देते, बट इट गिव्स रीडिंग
इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट, ये जो इंस्ट्रूमेंट, ये जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट के फॉर्म में रीडिंग देते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, और ये जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है इसको हम लोग लैबोरेटरी में यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो है, ये बेसिकली एग्जांपल है किसका, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट से हमने क्या समझा, सबसे पहला एनालॉग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि बेसिकली हॉल इफेक्ट, इंडक्शन इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करते हैं। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट आई मीन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि डायरेक्ट रीडिंग नहीं देते, और जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि डायरेक्ट रीडिंग देते। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट थोड़े इनएक्यूरेट होते हैं, मगर जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। और जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है इसको हम लोग लैबोरेटरी में यूज़ करते हैं। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हो गया। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है ये डायरेक्ट रीडिंग नहीं देते, ये थोड़े इनएक्यूरेट होते हैं। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट तीन टाइप में कैटेगराइज किए गए, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रीडिंग इंस्ट्रूमेंट और ये इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। जो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं क्वांटिटी को, और जो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं क्वांटिटी को रिकॉर्ड करते हैं। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली इंडिकेट करते हैं किसी भी क्वांटिटी को। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, अगर हम लोग इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास है एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, राइट। हैंस जो एनर्जी मीटर ही हमारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के कैटेगरी में आएगा। तो आगे हम लोग बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिटेल में, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे, एनर्जी मीटर के बारे में बात करेंगे, राइट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में बात करेंगे। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग लैबोरेटरी में यूज़ नहीं करते, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। स्पीडोमीटर ये भी एक तरीके का कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है, और ये कौन सी कैटेगरी में आता है, इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग, रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटिंग की कैटेगरी में आता है। तो जैसे कि हमने बात किया एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के बारे में और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में, अभी हम लोग थोड़ा और डिटेल में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है इसको हम लोग तीन टाइप में कैटेगराइज करते हैं। पहला जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वही रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, और तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वही इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास तीन टाइप के इंस्ट्रूमेंट है, पहला इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, और तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वही इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अभी तीनों इंस्ट्रूमेंट के बीच के डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट और ये इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर ये जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ क्वांटिटी विच इज़ टू बी मेजर। जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को मेजर करते हैं। किसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को मेजर करते हैं, क्वांटिटी की। जिस क्वांटिटी को हमें मेजर करना है उस क्वांटिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को मेजर करते हैं कौन से इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, दिस इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ पॉइंटर एंड स्केल। जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें हमें क्या मिलता है, हमें पॉइंटर और स्केल मिलता है। यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रही है स्केल, और यहाँ पर ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, पॉइंटर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है इसमें हमें पॉइंटर और स्केल मिलता है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्टिंग टॉक होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, करंट के साथ। डिफ्लेक्टिंग टॉक इज प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्टिंग टॉक होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, प्रोपोर्शनल होता है करंट के साथ, प्रोपोर्शनल होता है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के जैसे कि हमने बात किया, डिफ्लेक्टिंग टॉक जो होता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में, जो डिफ्लेक्टिंग टॉक होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, करंट के साथ। डिफ्लेक्टिंग टॉक इज प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर हम लोग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल के बारे में बात करें तो जो एम मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, वाट मीटर हो गया, तो ये सारे के सारे है क्या एग्जांपल है किसके, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का जो एग्जांपल है वो एम मीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर। तो एम मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर ये किसका एग्जांपल है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल है। फिर उसके बाद हमारे पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर ये जो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है नाम से पता चल रहा है, जो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। किसको रिकॉर्ड करते हैं, जिस क्वांटिटी को मेजर करना है उसको रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, दिस इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड द मेजर क्वांटिटी। ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये क्या करते हैं, जिस भी क्वांटिटी को हमें मेजर करना है उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं बाय यूजिंग इंक पेन अलॉन्ग विद ग्राफ एंड पेपर। ग्राफ पेपर और इंक पेन के अलॉन्ग ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। सिर्फ इतना याद रखना है हमें, जो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, क्वांटिटी को रिकॉर्ड करते हैं जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर रहे होते हैं, राइट। जैसे कि अगर हम लोग देखें रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास एक्सरे रिकॉर्डर हो गया, सीआरओ रिकॉर्डर हो गया, पोटेंशियोमीटर टाइप रिकॉर्डर हो गया। तो ये एक्सरे रिकॉर्डर, सीआरओ रिकॉर्डर, पोटेंशियोमीटर टाइप रिकॉर्डर ये सारे के सारे है क्या, ये सारे के सारे रिकॉर्डिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट है। फिर उसके बाद हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या करता है, जिस क्वांटिटी को हमें मेजर करना होता है उसे क्या कर रहा होता है, इंटीग्रेट कर रहा होता है।
दिस इंस्ट्रूमेंट एड और कैन से इंटीग्रेट न्यू मेजर्ड वैल्यू विद एग्जिस्टिंग वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं जो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या करता है, जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर रहे होते हैं उसे इंटीग्रेट कर रहा होता है। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं जो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या करता है, जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है और जो न्यू वैल्यू है उसे ऐड करने का काम करता है। जैसे कि स्पीडोमीटर जो है वो हमारा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। जब हम लोग कार वार बाइक खरीदते हैं तो ऐसे केस में होता क्या, हमें बताता है कि हमने कितने किलोमीटर को ड्राइव किया है, राइट। तो यहाँ पर ये कितने किलोमीटर को ड्राइव किया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब तक के मैं 500 किलोमीटर को ड्राइव किया हूँ। एक मैं ऑटोमोबाइल मान लेते हैं, मेरे पास एक ऑटोमोबाइल है या फिर आपके पास एक ऑटोमोबाइल है, आपने 500 किलोमीटर ड्राइव किया, फिर आपने कल 10 किलोमीटर ड्राइव किया, तो जो 10 किलोमीटर होगा 500 किलोमीटर में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, राइट। तो टोटल 510 किलोमीटर आप लोग आप ड्राइव कर लिए होंगे, राइट। तो ये कैसा पता चला, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट से पता चला। तो जो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है वो एग्जिस्टिंग वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू उसे इंटीग्रेट करने का काम करता है। दिस इंस्ट्रूमेंट ऐड और कैन से इंटीग्रेट न्यू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू विद एग्जिस्टिंग वैल्यू। ये जो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है ये इंटीग्रेट करता है नई वैल्यू को और एग्जिस्टिंग वैल्यू को। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं जो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो ऐड करता है प्रेजेंट वैल्यू और पास्ट वैल्यू को, राइट। तो हम लोग इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बहुत से तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या करता है, जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर रहे होते हैं उसे इंटीग्रेट करने का काम करता है। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो मेजर वैल्यू और जो एग्जिस्टिंग वैल्यू उसे ऐड करने का काम करता है। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो पास्ट वैल्यू और जो न्यू वैल्यू उसे इंटीग्रेट करने का काम करता है, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट की अगर हम लोग एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, तो हमारे पास एनर्जी मीटर है एग्जाम्पल इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का। स्पीडोमीटर है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला स्पीडोमीटर आपको बताते हैं कि कितने किलोमीटर आपने, स्पीडोमीटर जो होता है इसमें भी आप देख सकते हो आपने कितना किलोमीटर ड्राइव किया है। तो एनर्जी मीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट है कौन से इंस्ट्रूमेंट है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, राइट। अभी हम लोग अलग अलग टॉक के बारे में बात करते हैं, कंपैरिजन मीन बिटवीन टॉक। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले डिफ्लेक्टिंग टॉक के बारे में, दूसरा हम लोग बात करेंगे कंट्रोलिंग टॉक के बारे में, तीसरा हम लोग बात करने वाले डैम्पिंग टॉक के बारे में। तो यहाँ पर ये टॉक के बीच का डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहला बात करते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉक के बारे में। डिफ्लेक्टिंग टॉक इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी विच इज़ टू बी मेजर। जो डिफ्लेक्टिंग टॉक होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, क्वांटिटी के साथ जिसको हम लोग मेजर कर रहे होते हैं, राइट। जैसे कि डिफ्लेक्टिंग टॉक करंट के साथ प्रोपोर्शनल हो सकता है, जो डिफ्लेक्टिंग टॉक है अलग अलग क्वांटिटी के साथ जिस भी क्वांटिटी को, जैसे कि फॉर एग्जांपल वोल्टेज को अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं तो ऐसे केस में डिफ्लेक्टिंग टॉक वोल्टेज के साथ प्रोपोर्शनल होगा। करंट को मेजर कर रहे हैं तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉक होगा किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा, करंट के साथ प्रोपोर्शनल होगा। तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉक होता है प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी के साथ जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर रहे होते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉक इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी विच इज टू बी मेजर। जिस क्वांटिटी को हमें मेजर करना होता है उसके साथ प्रोपोर्शनल होता है। कौन प्रोपोर्शनल होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉक। तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉक होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, क्वांटिटी के साथ जिसको हम लोग मेजर कर रहे होते हैं। जो डिफ्लेक्टिंग टॉक होता है वो एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉक होता है। जो डिफ्लेक्टिंग टॉक होता है कैसा होता है, एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉक होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉक। तो जैसे कि हमने बात किया, जो डिफ्लेक्टिंग टॉक होता है प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी के साथ जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर रहे होते हैं। जो डिफ्लेक्टिंग टॉक होता है वो एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉक होता है। डिफ्लेक्टिंग टॉक में जो पॉइंटर होता है वो स्टार्ट करने लगता है, स्टार्ट टू डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन इन एवरी रीडिंग। डिफ्लेक्टिंग टॉक में होता है कि जो पॉइंटर होता है वो अपने इनिशियल पोजीशन से डिफ्लेक्ट कर जाता है हर एक रीडिंग में। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देखो वोल्ट मीटर में, नीडल वाला जो वोल्ट मीटर होता है, तो नीडल वाले वोल्ट मीटर से, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने नीडल वाला वोल्ट मीटर लिया और वो वोल्ट मीटर से बैटरी का वोल्टेज आपने मेजर किया, जैसे आप बैटरी का वोल्टेज मेजर करोगे तो जो पॉइंटर होगा वो अपने इनिशियल पोजीशन से डिफ्लेक्ट कर जाएगा और बैटरी का वोल्टेज बताएगा। और जैसे आप बैटरी से वो वोल्ट मीटर को हटा दोगे तो जो नीडल होगी वो कहाँ पे चले जाएंगी, जो पॉइंटर होगा वो कहाँ पर चले जाएगा, अपने इनिशियल पोजीशन पे चले जाएगा। फिर आप वोल्टेज मेजर करते हो तो जो पॉइंटर होगा अपने इनिशियल पोजीशन से हटेगा और आपको वोल्टेज मेजर करेगा। फिर आप जिस भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो उसको हटा दोगे तो जो पॉइंटर होगा वो अपने इनिशियल पोजीशन पर चले जाएगा। तो यहाँ से आप लोग ऐसा समझ सकते हो डिफ्लेक्टिंग टॉक में जो पॉइंटर होता है वो हमेशा हर एक रीडिंग में अपने इनिशियल पोजीशन से क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। डिफ्लेक्टिंग टॉक में जो पॉइंटर होता है वो हमेशा अपनी इनिशियल पोजीशन से क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉक में जो पॉइंटर होता है वो हमेशा डिफ्लेक्ट करता है अपने इनिशियल पोजीशन से, हमेशा अपनी इनिशियल पोजीशन से उठ के आता है, हमेशा अपनी इनिशियल पोजीशन से डिफ्लेक्ट करता है, राइट। जैसे कि वेइंग स्केल भी होता है, वजन करने वाली जो मशीन होती है उस पर जब हम लोग कुछ भी वजन रखते हैं तो जो पॉइंटर होता है ये अपने इनिशियल पोजीशन से जाता है और वेट को शो करता है। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है और वो जो ऑब्जेक्ट है उसका जो वेट है कितना है, वो है 3 किलोग्राम, राइट। तो जैसे वो 3 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट आप ये क्या बोलते हैं ये वेइंग स्केल पर रखोगे तो जो पॉइंटर होगा वो अपने इनिशियल पोजीशन से 3 किलोग्राम को इंडिकेट करेगा, और वो 3 किलोग्राम का जब आप लोग ऑब्जेक्ट हटा दोगे तो जो पॉइंटर होगा वो अपने फिर से इनिशियल पोजीशन पर चले जाएगा। फिर आपने 4 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट रखा तो जो पॉइंटर होगा वो इनिशियल पोजीशन से उठेगा, 4 किलोग्राम को शो करेगा, और जैसे आप वो 4 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट हटा दोगे तो जो पॉइंटर होगा अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। तो डिफ्लेक्टिंग टॉक में जो पॉइंटर होता है वो हमेशा डिफ्लेक्ट करता है अपने इनिशियल पोजीशन से किसी भी रीडिंग में।
राइट, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी के साथ, जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर रहे होते हैं। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में जो पॉइंटर होता है वो हमेशा डिफ्लेक्ट करता है अपने इनिशियल पोजिशन से हर एक रीडिंग में। दूसरा हमारे पास जो टॉर्क है वो कौन सा टॉर्क है, कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क में क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क इज़ रिक्वायर्ड टू मेक पॉइंटर स्टॉप एट इट्स फाइनल पोजीशन। कंट्रोलिंग टॉर्क जैसे ही नाम से पता चल रहा है, कंट्रोलिंग टॉर्क की क्या रिक्वायरमेंट है, जो पॉइंटर है वो अपने फाइनल पोजीशन पर जाके क्या होना चाहिए, रुक जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वजन, एक हमारे पास 4 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग वजन कर रहे हैं, तो जब उसको हम लोग वजन वेइंग मशीन पर रखेंगे तो जो पॉइंटर होगा वो 4 किलोग्राम को शो करेगा। फिर उसके बाद पॉइंटर 4 किलोग्राम को शो ही करना चाहिए, फिर से अपने इनिशियल पोजीशन पर नहीं चले जाना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ही हमने वेइंग मशीन कंसिडर किया, 4 किलोग्राम का जो ऑब्जेक्ट है हमने ये वेइंग मशीन पर रखा। जैसे हम लोग 4 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को वेइंग मशीन पर रखेंगे तो जो पॉइंटर होगा ये उठ के कहाँ पर शो करेगा, 4 किलोग्राम को शो करेगा। अब जब तक कि हम लोग ऑब्जेक्ट को हटाते नहीं है, जो पॉइंटर है वो 4 किलोग्राम को ही शो करना चाहिए। राइट, तो 4 किलोग्राम को ही शो करेगा जब तक कि हम लोग वो 4 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को नहीं हटाएंगे। तो ये कैसा पॉसिबल हो सकता है, कंट्रोलिंग टॉर्क की वजह से पॉसिबल हो सकता है। तो जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो क्या करता है, पॉइंटर का जो फाइनल पोजीशन होता है उसे स्टॉप करने का काम करता है। कंट्रोलिंग टॉर्क इज़ रिक्वायर्ड टू मेक पॉइंटर स्टॉप एट फाइनल पोजीशन। पॉइंटर को फाइनल पोजीशन पर रुकाने का काम कौन करता है, जो पॉइंटर है उसको फाइनल पोजीशन पर रुकाने का काम कौन करता है, कंट्रोलिंग टॉर्क करता है। तो नाम से पता चल रहा है कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करता है, जो पॉइंटर है उसे फाइनल पोजीशन पर रुकाने का काम करता है। कंट्रोलिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू मेक पॉइंटर स्टॉप एट फाइनल पोजीशन। पॉइंटर को फाइनल पोजीशन पर रुकाने का काम करता है कौन, कंट्रोलिंग टॉर्क। पॉइंटर मूव फ्रॉम स्केल 1 एंड सेटल डाउन एट स्केल 4 एंड नॉट कमिंग बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन ड्यू टू कंट्रोलिंग टॉर्क। जैसे कि हमने बात किया, नाम से पता चल रहा है पॉइंटर को अपने फाइनल पोजीशन पर रुकाने के लिए जो कंट्रोलिंग टॉक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमें यही बोल रहा है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पॉइंटर है वो अभी 1 की रीडिंग को शो कर रहा है। 4 किलोग्राम का जब हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे तो जो पॉइंटर होगा ये 4 किलोग्राम, ये जो 4 की जो स्केल है इसे शो करेगा और शो करता रहेगा किसके वजह से, कंट्रोलिंग टॉक के वजह से। पॉइंटर मूव फ्रॉम स्केल 1 एंड 2 एंड सेटल डाउन एट स्केल 4। जो पॉइंटर है वो स्केल 1 से मूव होता है और सेटल डाउन हो जाता है स्केल 4 पर, और अब फिर से अपने इनिशियल पोजीशन पर नहीं आता किसके वजह से, कंट्रोलिंग टॉक के वजह से। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब कंट्रोलिंग टॉक और डैम्पिंग टॉक ये दोनों बराबर में हो जाते हैं, जब कंट्रोलिंग टॉक और डैम्पिंग टॉक, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कंट्रोलिंग टॉक और जो डिफ्लेक्शन टॉक होते हैं वो दोनों बराबर में होते हैं। कंट्रोलिंग टॉक में जो कंट्रोलिंग टॉक और जो डिफ्लेक्शन टॉक होते हैं वो दोनों बराबर में होते हैं। डिफ्लेक्शन टॉक क्या होता है, जो डिफ्लेक्शन टॉक होता है वो पॉइंटर को अपने इनिशियल पोजीशन से डिफ्लेक्ट करने के लिए काम आता है, और जो डिफ्लेक्शन टॉक होता है प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी जिसे हम लोग मेजर कर रहे हैं। कंट्रोलिंग टॉक क्या करता है, जो पॉइंटर है उसे अपने फाइनल पोजीशन पर स्टॉप करता है। कंट्रोलिंग टॉक में यहाँ पर अगर हम लोग देखें कंट्रोलिंग टॉक में जो डिफ्लेक्शन टॉक और जो कंट्रोलिंग टॉक है वो दोनों बराबर में होते हैं। तो कंट्रोलिंग टॉक में जो कंट्रोलिंग टॉक और जो डिफ्लेक्शन टॉक है वो दोनों बराबर में होते हैं। इन कंट्रोलिंग टॉक वी कैन यूज़, कंट्रोलिंग टॉक में हम लोग यूज़ कर सकते स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म, फिर उसके बाद दूसरा हम लोग यूज़ कर सकते ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म। कंट्रोलिंग टॉक प्रोवाइड करने के लिए हमें कुछ मैकेनिज्म यूज़ करना होगा, तो हमारे पास बेसिकली 2 तरीके का मैकेनिज्म है। पहला जो मैकेनिज्म है वो स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म, और दूसरा जो मैकेनिज्म है वो कौन सा मैकेनिज्म है, ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म। तो स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग स्प्रिंग का यूज़ करते हैं, और वो जो स्प्रिंग होती है फॉस्फरस ब्रॉन्ज से मिलकर बनी होती है। राइट, तो स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म में हम लोग बेसिकली स्प्रिंग का यूज़ करते हैं, और ये जो स्प्रिंग है किससे बनी होती है, फॉस्फरस ब्रॉन्ज से बनी होती है। और यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है इसका 3 फंक्शन होता है। सबसे पहले जो स्प्रिंग है कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करती है, और दूसरा ये जो स्प्रिंग है सप्लाई और कॉइल को कनेक्ट करने का भी काम करती है, तीसरा ये जो स्प्रिंग है वो कंडक्टिंग मटेरियल के तौर पे भी काम करती है। तो जैसे कि हमने बात किया, ये जो स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म है, जो स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म प्रोवाइड करने के लिए हम लोग स्प्रिंग यूज़ करते हैं, और जो स्प्रिंग है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज से मिलकर बनी होती है। स्प्रिंग का 3 फंक्शन होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क भी प्रोवाइड करती है, सप्लाई और कॉइल को भी कनेक्ट करती है, और तीसरा कंडक्टिंग मटेरियल के तौर पर भी काम करती है, ऑल्सो एक्ट एज अ कंडक्टिंग मटेरियल। राइट, फिर और ये जो स्प्रिंग है किससे मिलकर बनी होती है, किससे बनी होती है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज से। दूसरा स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास जो मेथडोलॉजी है वो है ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म। ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म में हम लोग बेसिकली 2 वेट का यूज़ करते हैं। ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म में हम लोग 2 वेट यूज़ करते हैं। दिस मेथड हैज़ 2 वेट। पहला जो वेट होता है वो होता है बैलेंस वेट, और दूसरा जो वेट होता है वो होता है कंट्रोल वेट। कंट्रोल वेट क्या करता है, जो ग्रेविटी उसे कंट्रोल करने का काम करता है। तो ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म में हम लोग 2 वेट का यूज़ करते हैं, पहला होता है बैलेंस वेट, दूसरा होता है कंट्रोल वेट, जो कि क्या करता है, ग्रेविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। कंट्रोल वेट विच कंट्रोल ग्रेविटी। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें तीसरा वाला जो टॉक होता है कौन सा टॉक होता है, वो होता है डैम्पिंग टॉक। अभी नाम से पता चल रहा है डैम्पिंग टॉक क्या है, पॉइंटर को फाइनल पोजीशन पर ले जाने का काम कौन करता है, फाइनल पोजीशन पर स्टॉप करने का काम कौन करता है, कंट्रोलिंग टॉक।
अभी पॉइंटर फाइनल पोजीशन पे तो आ गया, मगर फाइनल पोजीशन पर जो पॉइंटर है वो क्या कर रहा होता है, ऑसिलेट कर रहा होता है, और वो जो ऑसिलेशन है उसे हमें क्या करना होता है, डैम्प करना होता है। तो ऑसिलेशन को डैम्प करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। इन कंट्रोलिंग टॉर्क पॉइंटर इज स्टॉप टू इट्स फाइनल पोजीशन। कंट्रोलिंग टॉर्क में होता क्या है, जो पॉइंटर है वो अपने फाइनल पोजीशन पर आके रुक जाता है, बट इट विल बी ऑसिलेटिंग। डैम्पिंग टॉर्क में होता क्या है, जैसे कि हमने बात किया, कंट्रोलिंग टॉर्क में होता क्या है, जो पॉइंटर है, जैसे कि मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बोला, कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है वो पॉइंटर को अपने फाइनल पोजीशन पर ला के रुक देता है, मगर जो पॉइंटर होता है वो ऑसिलेट कर रहा होता है अपने पोजीशन से, और वो जो ऑसिलेशन है उसे हमें क्या करना होता है, डैम्प करना होता है। तो ऑसिलेशन को डैम्प करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डैम्पिंग टॉर्क। इन कंट्रोलिंग टॉर्क पॉइंटर इज स्टॉप टू इट्स फाइनल वैल्यू, बट इट विल बी ऑसिलेटिंग। जैसे हमने बात किया, कंट्रोलिंग टॉर्क में जो पॉइंटर होता है अपने फाइनल वैल्यू पर आके रुक जाता है, मगर ऑसिलेट कर रहा होता है पॉइंटर। तो ये जो डैम, तो यहाँ पर आप लोग देखो, ये जो ऑसिलेशन है इसको एलिमिनेट करने के लिए, टू एलिमिनेट दिस डैम्पिंग और कैन से ऑसिलेशन, डैम्पिंग टॉक इज इंपॉर्टेंट। तो जैसे हमने बात किया, इन कंट्रोलिंग टॉक पॉइंटर इज स्टॉप टू इट्स फाइनल वैल्यू, कंट्रोलिंग टॉक में जो पॉइंटर है अपने फाइनल वैल्यू पर स्टॉप हो जाता है, मगर होता क्या है, जो पॉइंटर है वो ऑसिलेट कर रहा होता है। तो ये जो ऑसिलेशन है इसे डैम्प करने के लिए हम लोग जो टॉक जो प्रोवाइड करते हैं, इसको हम लोग कौन सा टॉक बोलते हैं, डैम्पिंग टॉक, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो डैम्पिंग टॉक से आपको समझ में आ गया होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉक क्या करता है, पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करता है, कंट्रोलिंग टॉक पॉइंटर को अपने फाइनल पोजीशन पर ला के रुकाता है, डैम्पिंग टॉक क्या करता है, जो पॉइंटर का जो ऑसिलेशन हो रहा होता है फाइनल पोजीशन पर, उसे डैम्प करने का काम करता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो डैम्पिंग टॉक होता है, बेसिकली हमारे पास तीन तरीके की डैम्पिंग होती है। पहली जो डैम्पिंग होती है, जो डैम्पिंग जो होती है, तीन तरीके की डैम्पिंग टॉक होते हैं। पहले जो डैम्पिंग होती है वो होती है एडी करंट डैम्पिंग, दूसरी जो डैम्पिंग होती है वो होती है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, और तीसरी जो डैम्पिंग होती है कौन सी डैम्पिंग होती है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो यहाँ पर ये जो एडी करंट डैम्पिंग है इसको हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो। जैसे हमें पता है जो एडी करंट है किसके साथ एसोसिएटेड है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो जो एडी करंट डैम्पिंग है इसको हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। एडी करंट डैम्पिंग इज़ यूज वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है वहाँ पर हम लोग एडी करंट डैम्पिंग यूज़ करते हैं। तो डैम्पिंग टॉक तीन टाइप का है, एडी करंट डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। एडी करंट डैम्पिंग हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है। एडी करंट डैम्पिंग इज यूज वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं एडी करंट डैम्पिंग। फिर उसके बाद एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इज यूज वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज वीक, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है वहाँ पर हम लोग कौन सी डैम्पिंग यूज़ करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ करते हैं। तो एडी करंट डैम्पिंग हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है। सिमिलरली बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, अभी यहाँ जैसे कि हमने बात किया, एडी करंट डैम्पिंग को हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, एडी करंट डैम्पिंग को हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। फिर उसके बाद अपना एडी करंट डैम्पिंग वहाँ पर यूज़ होती है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और जो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग है उसको हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक है। जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है तो वहाँ पर हम लोग कौन सी डैम्पिंग यूज़ करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ करते हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इन एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग ऑसिलेशन इज एलिमिनेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर। जैसे कि हमने डिस्कस किया, एडी करंट डैम्पिंग को हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड स्ट्रॉन्ग होता है, मगर जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड स्ट्रॉन्ग ना हो वहाँ पर हम लोग कौन सी डैम्पिंग यूज़ करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ करते हैं। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में जो ऑसिलेशन होता है उसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं किसके हेल्प से, फ्रिक्शन के हेल्प से। किसके फ्रिक्शन के हेल्प से, एयर के फ्रिक्शन के हेल्प से। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में जो ऑसिलेशन होता है उसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, हमारे पास फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग है। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो डैम्पिंग है उसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं, डैम्पिंग या फिर बोल सकते हैं जो ऑसिलेशन है उसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। किसके फ्रिक्शन से, फ्लूइड के फ्रिक्शन से। इन फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग ऑसिलेशन इज एलिमिनेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफर बाय द फ्लूइड, राइट। इंस्ट्रूमेंट हैविंग फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, दैट इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज वर्टिकली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, जिस भी इंस्ट्रूमेंट में हमें फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग मिलती है, तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हमें कैसा यूज़ करना होता है, वर्टिकली यूज़ करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फ्लूइड जिस भी इंस्ट्रूमेंट में हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ कर रहे होते हैं, वो जो इंस्ट्रूमेंट है हमें कैसा यूज़ करना होता है, वर्टिकली यूज़ करना होता है। इंस्ट्रूमेंट हैविंग फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, इंस्ट्रूमेंट जिसमें हमें फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग मिलती है, वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हमें कैसा यूज़ करना होता है, वर्टिकली यूज़ करना होता है।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म, ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म जैसे कि हमने बात किया, हमारे पास ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म होता है कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए, और इस हमारे पास स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म होता है कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए। तो ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म में जो थीटा होता है डिफ्लेक्शन, वो कितना होता है, वो 90 डिग्री होता है। जो थीटा होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ग्रेविटी कंट्रोल, जो स्प्रिंग कंट्रोल, जो कंट्रोलिंग टॉर्क है उसको प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास दो तरीके, स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म, ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म। ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म में जो डिफ्लेक्शन होता है 90 डिग्री के बराबर में होता है, डिफ्लेक्शन 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता। ग्रेविटी कंट्रोल कंट्रोलिंग टॉक में जैसे कि हमने बात किया, जो ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म होता है इसमें जो कंट्रोलिंग टॉक होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, साइन ऑफ थीटा के साथ, राइट। और जो ग्रेविटी कंट्रोल स्केल है, ग्रेविटी कंट्रोल जो स्केल होती है वो कैसी होती है, नॉन लीनियर होती है नेचर में। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, जो कंट्रोलिंग टॉक है उसको प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास दो तरीके, सबसे पहले स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म और दूसरा जो मैकेनिज्म है वो है ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म। ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म में जो डिफ्लेक्शन होता है वो 90 डिग्री होता है, जो डिफ्लेक्शन होता है थीटा वो 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता। दूसरा, ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म में जो कंट्रोलिंग टॉक होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, साइन ऑफ थीटा के साथ। तीसरा, ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म में जो स्केल होती है वो कैसी होती है, नॉन लीनियर होती है। ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म में जो स्केल होती है वो कैसी होती है, नॉन लीनियर होती है नेचर में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग इज मोस्टली यूज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। जो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग है इसको हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसको हम लोग मोस्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में यूज़ करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, जो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग है इसको हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं कहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में। तो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग इज मोस्टली यूज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। जो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग है, जैसे कि हमने बात किया, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग को हमें वर्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज़ करना होता है, और जो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग है इसको हम लोग कौन से वोल्टमीटर में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, जो एडी करंट डैम्पिंग है इसकी जो इफेक्टिवनेस होती है वो ज़्यादा होती है। मतलब सबसे इफेक्टिव जो सबसे जो मतलब जो ज़्यादा जो मतलब जो डैम्पिंग प्रोवाइड करती है एडी करंट डैम्पिंग, इसकी जो इफेक्टिवनेस होती है वो ज़्यादा होती है। उससे कम जो इफेक्टिवनेस है वो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग की होती है, और सबसे कम इफेक्टिवनेस किसकी होती है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। जो इफेक्टिवनेस होती है एडी करंट डैम्पिंग की, ये सबसे ज़्यादा होती है। उससे करंट जो इफेक्ट, उससे कम जो इफेक्टिवनेस होती है वो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग की होती है, और सबसे कम इफेक्टिवनेस किसकी होती है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की होती है, राइट। अभी हम लोग बात करने वाले पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो जैसे हमने बात किया, एडी करंट डैम्पिंग की इफेक्टिवनेस सबसे ज़्यादा, उससे कम फ्लूइड फ्रिक्शन, उससे कम एयर फ्रिक्शन। अभी हम लोग बात करने वाले पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो पीएमएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। PMMC इंस्ट्रूमेंट इज परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। जो PMMC इंस्ट्रूमेंट होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें परमानेंट मैग्नेट लगा होता है और मूविंग कॉइल लगी होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया, यह PMMC इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर हमें परमानेंट मैग्नेट दिखाई दे रहा है नॉर्थ पोल, और यहाँ पर ये साउथ पोल, और यहाँ पर ये हमें मूविंग कॉइल दिखाई दे रही है, और यहाँ पर ये स्प्रिंग है, यहाँ पर ये ऊपर वाली स्प्रिंग, नीचे वाली स्प्रिंग, ये दोनों स्प्रिंग के साथ हम लोग सप्लाई कनेक्ट करते हैं। नीचे पिवोट होता है, यहाँ पर ये हमें कॉइल दिखाई दे रही है, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये पॉइंटर और यहाँ पर ये स्केल। तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में हमें क्या मिलता है, हमें परमानेंट मैग्नेट मिलता है अलॉन्ग विथ मूविंग कॉइल इनसाइड। परमानेंट मैग्नेट किसका बना होता है, एल निको का बना होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परमानेंट मैग्नेट है वो किसका बना होता है, जो परमानेंट मैग्नेट है वो एल निको का बना होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमने जो स्प्रिंग जो यूज़ किया है, जो स्प्रिंग है इसका दो फंक्शन होता है। सबसे पहला जो स्प्रिंग है ये क्या करती है, सप्लाई और जो कॉइल है उसे कनेक्ट करने का काम करती है। यहाँ पर ये हमने कॉइल कंसीडर किया है, ये स्क्वायर जैसा हमें जो दिखाई दे रहा है ये है बेसिकली कॉइल। तो यहाँ पर ये जो कॉइल और जो सप्लाई है उसको कनेक्ट करने का काम कौन करेंगी, ये स्प्रिंग करेंगी। और यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है वो क्या करेंगी, कंट्रोलिंग टॉर्क भी प्रोवाइड करेंगी। तो हमने क्या सीखा, यहाँ पर ये जो परमानेंट मैग्नेट है एल निको का बना होता है, और यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है इसका दो फंक्शन होता है। सबसे पहला ये कॉइल और सप्लाई को कनेक्ट करती है, दूसरा ये जो स्प्रिंग है कंट्रोलिंग टॉर्क भी प्रोवाइड करती है, राइट। कॉइल इज नोन एज मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल कैन मूव इन दी परमानेंट मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमने बात किया, यहाँ पर ये जो कॉइल है इसको हम लोग बेसिकली बोल रहे हैं मूविंग कॉइल, क्योंकि यहाँ पर ये जो कॉइल है ये परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर सकती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, क्वांटिटी टू बी मेजर इज कनेक्टेड विद टू टर्मिनल ऑफ स्प्रिंग, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जिस भी क्वांटिटी को हमें मेजर करना होता है वो जो क्वांटिटी है उसको हम लोग ये पॉजिटिव टर्मिनल और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, राइट। तो जिस भी क्वांटिटी को हमें मेजर करना है उसको हम लोग ये दोनों ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, राइट। तो अब तक हमने क्या क्या सीखा, यहाँ पर ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में हमें परमानेंट मैग्नेट मिलता है जिसमें कॉइल मूव हो रही होती है, तो ये रीज़न की वजह से इसको हम लोग पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में बोलते हैं। इसमें हमें बेसिकली दो स्प्रिंग मिलती है, स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉक प्रोवाइड करती है, दूसरा सप्लाई और जो कॉइल है उसको भी कनेक्ट करने का काम करती है। ये परमानेंट मैग्नेट किसका बना होता है, एल निको का बना होता है,
राइट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जिस भी क्वांटिटी को हमें मेजर करना होता है, क्वांटिटी है उसको हम लोग ये दोनों टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। क्वांटिटी टू बी मेजर इज कनेक्टेड विद टू टर्मिनल ऑफ स्प्रिंग दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज सेम एज डेट ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का वो सेम होता है एज डेट ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, लॉरेंस फोर्स होता है। तो जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है इसका भी जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो लॉरेंस फोर्स होता है। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस फोर्स, व्हेन लॉरेंस फोर्स के अकॉर्डिंग जब करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और वो जो फोर्स होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। और जो डायरेक्शन होता है फोर्स का उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। राइट। तो जो लॉरेंस फोर्स का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें लॉरेंस फोर्स एक्टिंग ओवर करंट कैरिंग, जहाँ पर अगर हम लोग देखें जो लॉरेंस फोर्स होता है वो ये वाले इक्वेशन के साथ एसोसिएटेड होता है। जो लॉरेंस फोर्स होता है वो कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है, और यहाँ पर ये करंट एलिमेंट हमने कंसिडर किया आई एल, यह है कि यहाँ पर ये आई है क्या करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, और यहाँ पर ये जो एल है वो है क्या लेंथ ऑफ द कॉइल, और यहाँ पर ये जो थीटा ये है क्या एंगल ऑफ करंट कैरिंग कॉइल विद रेस्पेक्ट टू करंट कैरिंग कॉइल, और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हमने कैसे शो किया है थीटा से शो किया है। तो यहाँ पर ये जो थीटा ये है क्या जो थीटा है वो एंगल है किसका बीच का एंगल है करंट कैरिंग कॉइल और जो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट कैरिंग कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है उसको हमने कैसे शो किया है थीटा से शो किया है। राइट। तो एफ एन बी आई एल साइन ऑफ थीटा। तो जो लॉरेंस फोर्स जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ एसोसिएटेड होता है उसको हम लोग ये वाले रिलेशनशिप शो करते हैं एफ एन बी आई एल, जो एन होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, आई होता है करंट, एल होता है लेंथ ऑफ द कॉइल, साइन ऑफ थीटा, थीटा क्या होता है एंगल बिटवीन करंट कैरिंग कॉइल एंड कंडक्टर, बी है क्या मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड, आई है क्या करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल, एल क्या लेंथ ऑफ द कॉइल, थीटा है क्या एंगल ऑफ कॉइल विद रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, और जो एन है वो है क्या नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेक्टिंग टॉक इज प्रोपोर्शनल टू करंट, जैसे कि हमने बात किया पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में होता क्या जो डिफ्लेक्टिंग टॉक होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ करंट के साथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डिफ्लेक्टिंग टॉक होता है प्रोपोर्शनल होता है करंट के साथ, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डिफ्लेक्शन होगा वो भी प्रोपोर्शनल होगा थीटा, वो किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा करंट के साथ। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्शन टॉक होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ करंट के साथ, डिफ्लेक्शन टॉक अगर करंट के साथ प्रोपोर्शनल है तो जो डिफ्लेक्शन होगा थीटा वो भी प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ करंट के साथ, जो कि हम लोग बात करेंगे डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू करंट। राइट। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्टिंग टॉक होता है प्रोपोर्शनल होता है करंट के साथ। इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म इज यूज फॉर कंट्रोलिंग टॉक, फॉर डैम्पिंग टॉक एटी करंट डैम्पिंग इज यूज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जैसे कि हमने बात किया था यहाँ पर ये जो हमने जो स्प्रिंग जो कंसिडर किया ये जो स्प्रिंग है ये बेसिकली कंट्रोलिंग टॉक भी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म हम लोग यूज़ करते हैं, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में हम लोग स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म यूज़ करते हैं फॉर कंट्रोलिंग टॉक। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोलिंग टॉक के लिए हम लोग कौन सा मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, स्प्रिंग कंट्रोल या फिर डैम्पिंग ग्रेविटी कंट्रोल, स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म हम लोग यूज़ करते हैं, और डैम्पिंग टॉक के लिए हम लोग कौन सी डैम्पिंग यूज़ करते हैं एडी करंट डैम्पिंग हम लोग यूज़ करते हैं। करंट कैरिंग कॉइल इज यूज अलॉन्ग विद फॉर्मर, फॉर्मर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर अगर हम लोग एल्यूमिनियम यहाँ पर ये जो कॉइल है इसको हम लोग किसके साथ यूज़ करते हैं फॉर्मर के साथ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें करंट कैरिंग कॉइल इज यूज अलॉन्ग विद फॉर्मर, जो करंट कैरिंग कॉइल है उसको हम लोग किसके साथ यूज़ करते हैं फॉर्मर के साथ, और जो फॉर्मर होता है किसका बना होता है एल्यूमिनियम का बना होता है। तो यहाँ पर ये जो करंट कैरिंग कॉइल हमें जो दिखाई दे रही है यहाँ पर ये जो कॉइल है इसको हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं करंट कैरिंग कॉइल को हम लोग किसके साथ यूज़ करते हैं फॉर्मर के साथ यूज़ करते हैं, और ये जो फॉर्मर है किससे बना होता है एल्यूमिनियम से बना होता है। तो करंट कैरिंग कॉइल इज़ यूज अलॉन्ग विद फॉर्मर, जो करंट कैरिंग कॉइल है उसको हम लोग फॉर्मर के साथ यूज़ करते हैं, और जो फॉर्मर होता है वो एल्यूमिनियम का बना होता है। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट डज नॉट रिक्वायर एनी मैग्नेटिक शील्डिंग, जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है इसमें मैग्नेटिक शील्डिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट डज नॉट रिक्वायर एनी मैग्नेटिक शील्डिंग, जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है इसमें कोई मैग्नेटिक शील्डिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट डज नॉट रिक्वायर मैग्नेटिक शील्डिंग, जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें मैग्नेटिक शील्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है क्या, नहीं होती है। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट डज नॉट रिक्वायर मैग्नेटिक शील्डिंग। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में हमें लीनियर स्केल मिलती है, जैसे कि हमने बात किया जो डिफ्लेक्शन होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, जैसे कि हमने बात किया डिफ्लेक्शन करंट के साथ प्रोपोर्शनल होता है, तो ये रीज़न की वजह से जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है इसमें हमें लीनियर स्केल मिलती है। और पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में मैग्नेटिक शील्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में मैग्नेटिक शील्डिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट डज नॉट रिक्वायर मैग्नेटिक शील्डिंग, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में हमें लीनियर स्केल मिलती है। फिर अगर हम लोग देखें
यहाँ पर अगर हम लोग देखें अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में स्टेडी स्टेट कंडीशन पर कंट्रोलिंग टॉक और जो डिफ्लेक्शन टॉक होता है वो दोनों बराबर में होते हैं। अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन कंट्रोलिंग टॉक रिमेन इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉक। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो कंट्रोलिंग टॉक और जो डिफ्लेक्टिंग टॉक होते हैं वो दोनों बराबर में होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेडी स्टेट कंडीशन में कंट्रोलिंग टॉक और जो डिफ्लेक्शन टॉक है दोनों बराबर में होते हैं। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्शन होता है नीडल का वो प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, करंट के साथ। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्शन होता है नीडल का वो प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, करंट के साथ। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं डिफ्लेक्शन और जो करंट है प्रोपोर्शनल है, तो दोनों के बीच का जो ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर ओनली डीसी एवरेज करंट। जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हमने बात किया पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्शन होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, करंट के साथ। और जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है ये सिर्फ मेजर कर सकता है एवरेज डीसी करंट। क्या मेजर कर सकता है? एवरेज डीसी करंट मेजर कर सकता है। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या मेजर कर सकता है? एवरेज डीसी करंट मेजर कर सकता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, व्हेन एसी इज कनेक्टेड विद द पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट देन पॉइंटर कीप्स ऑन वाइब्रेटिंग फ्रॉम इट्स एक्सिस बट इट कैन नॉट रोटेट फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट डीसी करंट को मेजर करेगा या फिर एसी करंट को डीसी करंट को मेजर करेगा, डीसी करंट की कौन सी वैल्यू को मेजर करेगा? एवरेज वैल्यू को मेजर करेगा। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर हम लोग एसी कनेक्ट करें तो ऐसे केस में होगा क्या, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का जो नीडल होगा वो क्या करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा अपने पोजीशन से, ऑसिलेट करने लगेगा, मगर एक स्केल से दूसरे स्केल मूव नहीं कर पाएगा। व्हेन एसी इज कनेक्टेड विद पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, जब पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के साथ हम लोग एसी कनेक्ट करेंगे तो जो पॉइंटर होगा ऑसिलेट करते रहेगा, वाइब्रेट करते रहेगा अपनी एक्सिस के अबाउट, मगर जो पॉइंटर होगा वो रोटेट नहीं कर पाएगा एक स्केल से दूसरे स्केल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है कितना होता है, वो होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है कितना होता है, वो होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट कितना होता है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो कंट्रोलिंग टॉक है उसके लिए हमारे पास ये वाला रिलेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। दूसरा, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में मैग्नेटिक शील्डिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में हम लोग स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म यूज़ करते हैं फॉर कंट्रोलिंग टॉक। डैम्पिंग टॉक के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एडी करंट डैम्पिंग। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्शन होता है प्रोपोर्शनल होता है करंट के साथ, राइट। और पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो कंट्रोलिंग टॉक है उसके लिए हमारे पास ये वाला रिलेशन होता है टीसी इज इक्वल टू के टाइम्स थीटा, राइट। वैन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, जब पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग एसी के साथ कनेक्ट करते हैं तो ऐसे किस में जो पॉइंटर होता है वो ऑसिलेट कर रहा होता है अपने एक्सिस के अबाउट, मगर एक स्केल से दूसरे स्केल मूव नहीं कर पाता। वैन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज कनेक्टेड विद लोड इन सीरीज देन इट विल बिहेव लाइक एन एमीटर। तो यहाँ से हमने क्या समझा, जब हम लोग पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को लोड के साथ सीरीज में, जैसे कि हमने बात किया पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, करंट को मेजर करेगा। कौन से करंट को? डीसी करंट को। डीसी करंट के कौन सी वैल्यू को? एवरेज वैल्यू को, या फिर कौन सी वैल्यू को? एवरेज वैल्यू को मेजर करेगा, आरएमएस वैल्यू तो नहीं होती। तो यहाँ से जब हम लोग पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट किसके साथ एसोसिएटेड हो गया? करंट के साथ। तो जब पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट किसके तौर पर काम करता है? एमीटर के तौर पर काम करता है। तो व्हेन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज कनेक्टेड विद द लोड, जो हम लोग पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को लोड के साथ कनेक्ट करते हैं सीरीज में, तो जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है किसके तौर पर बिहेव करता है? एमीटर के तौर पर बिहेव करता है। सिमिलरली बात करते हैं जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है एमीटर का, वो मिली ओम में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी बारे में हमने बात किया था अपना नेटवर्क के कॉन्सेप्ट में। जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, किसका इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। तो जैसे हमने बात किया था जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है एमीटर का वो बहुत कम होता है, मिली ओम में होता है, राइट। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ओम मीटर का वो मिली ओम में होता है, बहुत कम होता है। अगर रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो ज़्यादा करंट फ्लो कर पाएगा, और जो एमीटर होगा वो करंट को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है एमीटर का वो बहुत कम होता है, मिली ओम के रेंज में होता है। जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वोल्ट मीटर का वो मेगा ओम के रेंज में होता है, राइट। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वोल्ट मीटर का वो ज़्यादा होता है। किसी एक का याद रख सकते हो, जो एमीटर है इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। क्यों कम होता है? अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा ज़्यादा करंट फ्लो होगा, जो एमीटर होगा करंट को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा अगर इंटरनल रेजिस्टेंस अगर कम होता है। तो जो एमीटर है इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है कम होता है, मगर जो वोल्ट मीटर है इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज़ हाई, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वोल्ट मीटर का वो ज़्यादा होता है, जो कि मेगा ओम के रेंज में होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें व्हेन पीएमएमसी इज कनेक्टेड पैरेलली विद द लोड देन वी विल गेट वोल्ट मीटर। जब हम लोग पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को पैरेलली कनेक्ट करें लोड के साथ तो ऐसे केस में हमें क्या मिल जाएगा, ऐसे केस में हमें मिल जाएगा वोल्ट मीटर।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लोग PMMC इंस्ट्रूमेंट को पैरेलली कनेक्ट करेंगे किसके साथ, लोड के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा वोल्ट मीटर। तो PMMC को हमें कैसा कनेक्ट करना होगा, पैरेलली कनेक्ट करना होगा किसके साथ, लोड के साथ। तो PMMC को जब हम लोग परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट को जब हम लोग लोड के साथ पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वोल्ट मीटर मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, वोल्ट मीटर मेजर ओपन सर्किट वोल्टेज एंड एमीटर मेजर शॉर्ट सर्किट करंट। जो वोल्ट मीटर होता है वो क्या करता है, ओपन सर्किट वोल्टेज को मेजर करता है, और जो एमीटर होता है वो क्या करता है, शॉर्ट सर्किट करंट को मेजर करता है। तो जो वोल्ट मीटर है वो ओपन सर्किट वोल्टेज को मेजर करता है, और जो एमीटर है वो शॉर्ट सर्किट करंट का मेजरमेंट लेता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मेजरिंग ऑफ हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, अ स्मॉल सर्किट मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर इन द एग्जिस्टिंग सर्किट एंड इट इज़ नोन एज एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ से हमने क्या समझा, हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, हाई मैग्नीट्यूड का जो वोल्टेज और करंट है, अगर उसे हमें कैलकुलेट करना हो, हाई मैग्नीट्यूड का वोल्टेज और करंट है उसे अगर हमें कैलकुलेट करना हो, तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, सर्किट में हमें मॉडिफिकेशन करना होगा। तो जो एग्जिस्टिंग सर्किट में हम लोग जो मॉडिफिकेशन करेंगे, जैसे कि हमें पता है एमीटर एज एन वोल्ट हमने डिस्कस किया है, गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर, गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर। तो हम लोग करते क्या थे, जो गैल्वेनोमीटर है उसमें हम लोग बेसिकली मॉडिफिकेशन करते थे, जिसके हल से जो गैल्वेनोमीटर है उसको हम लोग एमीटर के तौर पर यूज़ कर पाते थे और वोल्ट मीटर के तौर पर यूज़ कर पाते थे, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देखो, मेजरिंग हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट की हाई वैल्यू को मेजर करने के लिए सर्किट में हमें छोटा सा मॉडिफिकेशन करना होता है, एग्जिस्टिंग सर्किट में मॉडिफिकेशन करना होता है। और ये जो हम लोग जो मॉडिफिकेशन करते हैं एग्जिस्टिंग सर्किट में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ एमीटर वी यूज शंट रेसिस्टेंस। एमीटर की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हम लोग शंट रेसिस्टेंस को यूज़ करते हैं एमीटर के साथ पैरेलली, जिसके वजह से होता क्या, जो 90% ऑफ करंट होता है वो शंट रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर जाता है, और जो 10% ऑफ करंट है वो एमीटर के थ्रू फ्लो कर जाता है। इन दिस वे जो एमीटर होता है हाई अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो एमीटर है इसके हेल्प से हम लोग हाई अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सकते हैं। कैसा मेजर कर सकते हैं, एमीटर के थ्रू हम लोग हाई अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सकते हैं। कैसा मेजर कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो एमीटर है इसके साथ हम लोग पैरेलली रेसिस्टेंस लगा देंगे, और ये जो रेसिस्टेंस है इसको हम लोग कौन सा रेसिस्टेंस बोलेंगे, शंट रेसिस्टेंस बोलेंगे। और ये जो शंट रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी। ये शंट रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत बहुत कम होने की वजह से होगा क्या, जो करंट होगा मैक्सिमम करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा। मतलब अगर 10 एम्पियर करंट अगर है तो जो 10 एम्पियर का 90% होगा, मतलब जो 8-9 एम्पियर होगा वो ये शंट रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर जाएगा, और बाकी का जो करंट होगा ये एमीटर के थ्रू फ्लो कर जाएगा, जिसके वजह से होगा क्या, जो एमीटर होगा जो 10 एम्पियर का जो करंट है इसे क्या कर लेगा, मेजर कर लेगा, राइट। और यहाँ पर ये जो शंट रेसिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, और ये जो शंट रेसिस्टेंस है इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है, शंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पर ये RM है क्या, मीटर रेसिस्टेंस, और डिनोमिनेटर में M-1। जो RM है ये है क्या, ये है मीटर रेसिस्टेंस, और यहाँ पर ये जो M है ये है क्या, ये है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, राइट। जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है M, ये बराबर में होता है मेजर्ड करंट अपॉन मीटर करंट। तो जो RSH है ये है क्या, ये है शंट रेसिस्टेंस, और ये बराबर में होता है मल्टीप्लिकेशन। RM ये है क्या, ये जो RM है ये है मीटर रेसिस्टेंस, और डिनोमिनेटर में M-1 RSH, और यहाँ पर ये RM। मीटर का रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो शंट रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, मीटर का रेसिस्टेंस अगर कम होगा तो शंट रेसिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ से आप लोग रिलेट कर सकते हो, तो RSH = RM, RS है क्या शंट रेसिस्टेंस, RM मीटर रेसिस्टेंस, और यहाँ पर ये M-1। RM है क्या मीटर रेसिस्टेंस, और ये जो M है ये है क्या स्मॉल लेटर M, ये है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। शंट मीटर रेसिस्टेंस ज़्यादा तो शंट रेसिस्टेंस ज़्यादा, मीटर रेसिस्टेंस कम तो शंट रेसिस्टेंस कम, इतना आप लोग याद रखोगे। यहाँ पर ये मीटर रेसिस्टेंस ज़्यादा तो शंट रेसिस्टेंस ज़्यादा, मीटर रेसिस्टेंस कम तो शंट रेसिस्टेंस कम, ये आप लोग को याद रखना होगा। ये फॉर्मूला आप लोग एक बार लिख लो, राइट। तो जो शंट रेसिस्टेंस होता है इसको कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला है, मीटर रेसिस्टेंस अपॉन M-1। ये जो RM है ये है क्या मीटर रेसिस्टेंस, और जो M है ये है क्या, ये है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। और जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है वो रेशियो होता है किसका, मेजर्ड करंट का और मीटर करंट का। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो मेजर करंट है इसको हम लोग कैसे शो करते हैं, मेजर्ड करंट को हम लोग शो करते हैं I से, और जो मीटर करंट है इसको हम लोग शो करते हैं IM से। तो जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है वो रेशियो होता है किसका, मेजर्ड करंट का और मीटर करंट का। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रेशियो होता है किसका, मेजर्ड करंट का और ये मीटर करंट का। तो जो शंट रेसिस्टेंस होता है बराबर में होता है मीटर रेसिस्टेंस अपॉन M-1। जो RM है ये है मीटर रेसिस्टेंस, M है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, और जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर M होता है ये बराबर में होता है किसके, मेजर्ड करंट अपॉन मीटर करंट के, राइट। तो यहाँ पर हम लोग एमीटर के हेल्प से हाई वैल्यू ऑफ करंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग शंट रेसिस्टेंस। शंट रेसिस्टेंस की जो वैल्यू कम से कम होना चाहिए।
फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ओवर इंस्ट्रूमेंट वी यूज़ स्वैम्प रेसिस्टेंस इन सीरीज़ विद मीटर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है उसे अगर हमें रिड्यूस करना हो, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ओवर इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो टेम्परेचर इफेक्ट है उसे अगर हमें रिड्यूस करना हो तो हम लोग एक रेसिस्टेंस का यूज़ करते हैं, और वो जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग कौन सा रेसिस्टेंस बोलते हैं, स्वैम्प रेसिस्टेंस बोलते हैं। और जो स्वैम्प रेसिस्टेंस है उसको हम लोग कैसा कनेक्ट करते हैं, मीटर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो इफेक्ट है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है उसको अगर रिड्यूस करना है तो ऐसे केस में हम लोग बेसिकली रेसिस्टेंस का यूज़ करते हैं, और वो जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्वैम्प रेसिस्टेंस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एमीटर है उसकी रेंज को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, शंट रेसिस्टेंस लगा रहे थे। सिमिलरली वोल्ट मीटर की रेंज को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग लगा देंगे सीरीज रेसिस्टेंस। टू एक्सटेंड रेंज ऑफ वोल्ट मीटर वी यूज़ सीरीज रेसिस्टेंस, वोल्ट मीटर की रेंज को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सीरीज रेसिस्टेंस। दैट इज़ वी नीड टू कनेक्ट रेसिस्टेंस इन सीरीज विथ वोल्ट मीटर, हमें क्या करना होगा वोल्ट मीटर के साथ रेसिस्टेंस को कनेक्ट करना होगा सीरीज में। और यहाँ पर ये जो सीरीज रेसिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर बोलते हैं। ये जो सीरीज रेसिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर ये जो वोल्ट मीटर है इसके हेल्प से हमें हाई वोल्टेज को मेजर करना है। मान लेते हैं जो वोल्ट मीटर है 20 वोल्ट को मेजर करता है, मगर हमें 200 वोल्ट को मेजर करना है। तो जो वोल्ट मीटर है इसके साथ हम लोग कुछ इस तरीके से एक रेसिस्टेंस लगा देंगे सीरीज़ का, सीरीज़ रेसिस्टेंस हम लोग लगा देंगे। और ये जो सीरीज़ रेसिस्टेंस है इसको हम लोग बेसिकली मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। तो ये रेसिस्टेंस लगाने की वजह से होगा क्या, जो 20 वोल्ट का 200 वोल्ट का जो वोल्टेज है जिसे हमें मेजर करना है वोल्ट मीटर के हेल्प से, वो 200 वोल्ट का जो वोल्टेज है उसका जो 90% होगा वो ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, और बाकी का जो वोल्टेज होगा 10% वोल्टेज ये वोल्ट मीटर क्या होगा, क्या करेगा, मेजर कर लेगा, राइट। तो यहाँ पर ये जो हमने जो रेसिस्टेंस जो लगाया इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सीरीज रेसिस्टेंस, इसका एक और एक नाम होता है जिसको हम लोग मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो सीरीज रेसिस्टेंस है इसको कैलकुलेट करने के लिए सीरीज रेसिस्टेंस ऑल्सो नोन एज मल्टीप्लायर, और ये सीरीज रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, सीरीज रेसिस्टेंस इज इक्वल टू मीटर रेसिस्टेंस अपॉन एम माइनस वन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एम मीटर के केस में हम लोग क्या कर रहे थे, एम मीटर के केस में जो मीटर रेसिस्टेंस है, जो मीटर रेसिस्टेंस है उसके साथ हम लोग एम माइनस वन को क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। एम मीटर के केस में जो मीटर रेसिस्टेंस है उसके साथ हम लोग एम माइनस वन को डिवाइड कर रहे थे, मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें वोल्ट मीटर के केस में जो मीटर रेसिस्टेंस है उसके साथ हम लोग एम माइनस वन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको रिलेशन मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखो करंट को हम लोग डिवाइड कर रहे थे, एम मीटर के साथ एसोसिएटेड क्या होता है, करंट होता है, राइट। और जब करंट किसी जंक्शन पर जाता है तो जो करंट है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो जो डिवीज़न होगा किसके साथ एसोसिएटेड होगा, करंट के साथ एसोसिएटेड होगा जो डिवीज़न होगा। इसको हम लोग कैसे याद रखें, एम मीटर के में जो m माइनस वन है इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, और जो वोल्ट मीटर है उसके केस में जो m माइनस वन है इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम लोग कैसा याद रखें, इसको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें m मीटर में क्या एसोसिएटेड होता है, m मीटर क्या करता है, करंट को मेजरमेंट करता है, वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को मेजरमेंट करता है, राइट। तो जो m मीटर है वो क्या करता है, करंट को मेजरमेंट करता है, और जो करंट होता है किसी भी जंक्शन पर जाता है तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो जो डिवीज़न जो टर्म है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, करंट के साथ, राइट। तो एम मीटर से करंट, करंट के साथ डिवीज़न, डिवीज़न में हम लोग क्या करेंगे, एम माइनस वन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसके साथ, मीटर रेसिस्टेंस के साथ, राइट। और यहाँ पर आप लोग देखो वोल्ट मीटर में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर के केस में जो एम माइनस वन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर रेसिस्टेंस के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर ये जो एम होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर इंक्रीज इज देन वैल्यू ऑफ सीरीज रेसिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज, जैसे हमने बात किया जब हम लोग वोल्ट मीटर की रेंज को इंक्रीज करेंगे तो ऐसे केस में जो सीरीज रेसिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू होगी इसको भी हमें क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। तो जो वैल्यू होती है सीरीज रेसिस्टेंस की प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, वोल्ट मीटर की रेंज के साथ। तो जो वैल्यू होती है सीरीज रेसिस्टेंस की प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, प्रोपोर्शनल होती है जो वोल्ट मीटर है उसके रेंज के साथ प्रोपोर्शनल होती है। तो जो वैल्यू होती है सीरीज रेसिस्टेंस की प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, वोल्ट मीटर के रेंज के साथ। सिमिलरली अगर हम लोग देखें रेंज ऑफ करंट इन एमीटर, यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन केस ऑफ एमीटर एज द रेंज ऑफ एमीटर इंक्रीजेस देन वैल्यू ऑफ शंट रेसिस्टेंस डिक्रीजेस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने बात किया जो वोल्ट मीटर में जो वोल्टेज की जो रेंज होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, ये जो सीरीज रेसिस्टेंस है इसके साथ। या फिर आप लोग ऐसा बोल सकते हो ये जो सीरीज रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होती है ये प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, वोल्ट मीटर के वोल्टेज के साथ,
राइट, अगर वोल्ट मीटर का वोल्टेज अगर ज़्यादा होगा तो ऐसे केस में जो सीरीज रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। सिमिलरली अगर वोल्ट मीटर का वोल्टेज रेंज ऑफ वोल्टेज इन वोल्ट मीटर अगर ये कम होगा तो ऐसे केस में जो सीरीज रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो कम होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें वोल्ट मीटर और यहाँ पर ये जो सीरीज ये जो रेजिस्टेंस है दोनों कैसे लगे, बैक टू बैक लगे, राइट। तो अगर ये वोल्ट मीटर का अगर वोल्टेज कम होगा तो ये जो सीरीज रेजिस्टेंस है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी कम होगा। सिमिलरली वोल्ट मीटर का वोल्टेज अगर ज़्यादा होगा तो ये जो सीरीज रेजिस्टेंस है इसका जो वोल्टेज मैग्नीट्यूड होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम लोग रिलेट कर सकते हैं जो वैल्यू होगा सीरीज रेसिस्टेंस की जो प्रोपोर्शनल होगी रेंज ऑफ वोल्टेज इन वोल्ट मीटर, वैल्यू जो सीरीज रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो प्रोपोर्शनल होगी वोल्ट मीटर में जो वोल्टेज की जो रेंज है उसके साथ। मगर अगर हम लोग देखें कैसा प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, राइट। मगर एम मीटर के केस में होगा क्या, जो एम मीटर के केस में जो करंट की जो रेंज होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके साथ, शंट रेसिस्टेंस के साथ। तो एम मीटर में जो करंट की जो रेंज होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी शंट रेसिस्टेंस के साथ, या फिर बोल सकते हैं जो शंट रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके साथ, एम मीटर की करंट के रेंज के साथ। आप लोग इसको सिंपल सा ये वाली ट्रिक से हेल्प याद कर सकते हो। वोल्ट मीटर में जो सीरीज जो रेसिस्टेंस है उसको हमने कैसा लगाया, सीरीज में लगाया। वोल्ट मीटर का वोल्टेज मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो ये सीरीज रेसिस्टेंस की वोल्ट मीटर की वैल्यू बढ़ेगी, सीरीज रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। वोल्ट मीटर की वैल्यू कम होगी तो सीरीज रेसिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। तो जो वैल्यू ऑफ सीरीज रेसिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, रेंज ऑफ वोल्टेज इन वोल्ट मीटर। मगर एम मीटर के केस में अपोजिट होगा। एम मीटर के केस में अगर करंट की रेंज अगर ज़्यादा होगी तो ऐसे केस में जो सीरीज रेसिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू होगी वो कम होगी। सिमिलरली करंट की रेंज अगर कम होगी तो ऐसे केस में जो सीरीज रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी, राइट। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं जो करंट की जो रेंज होगी एम मीटर में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी वैल्यू ऑफ शंट रेसिस्टेंस। अगर एम मीटर में करंट की रेंज अगर ज़्यादा है तो जो शंट रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो कम से कम होना चाहिए, राइट। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग बात करने वाले मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अभी ये जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये भी बहुत इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इससे पहले हमने बात किया था परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, अभी हम लोग बात करने वाले मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिलक्टेंस मोटर। जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है वो रिलक्टेंस मोटर के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है वो रिलक्टेंस मोटर के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिलक्टेंस मोटर। तो जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है वो रिलक्टेंस मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल के बेसिस पर काम करते हैं, राइट। तो यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है पीएमएमसी का इंस्ट्रूमेंट क्या था, लॉरेंस फोर्स था। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, वह है रिलक्टेंस मोटर। अभी बात करते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है रिलक्टेंस मोटर के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है वो एसी और डीसी दोनों पे काम करते हैं, मगर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ डीसी पे काम कर रहा था। मगर जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है ये दोनों पे काम करते हैं। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। तो जैसे कि हमने बात किया जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है ये रिलक्टेंस मोटर के प्रिंसिपल पर काम करते हैं, और जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है दोनों पे काम करते हैं, एसी डीसी दोनों पे काम करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने बात किया परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ और सिर्फ डीसी पे काम कर रहा था, मगर जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है वो दोनों पे काम करते हैं, एसी पे भी काम करते हैं, डीसी पे भी काम करते हैं, राइट। जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है वो आरएमएस वैल्यू को मेजर करते हैं किसकी, करंट के। तो जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है ये आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है किसके, आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है करंट के, आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है, राइट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हम लोग स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म यूज़ करते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए, और एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम लोग यूज़ करते हैं। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म यूज़ कर रहे थे, मगर हमारा जो डैम्पिंग है उसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे थे बेसिकली एडी करंट डैम्पिंग यूज़ कर रहे थे, राइट। मगर आप लोग देखो यहाँ पर जो डैम्पिंग जो टॉर्क है पर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में कौन सी डैम्पिंग हम लोग यूज़ करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्टिंग टॉक होता है वो ये वाले रिलेशन के साथ एसोसिएटेड होता है। जो डिफ्लेक्टिंग टॉक होता है वो आरएमएस करंट के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पर ये डीएल बाय डीटी के साथ प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अब तक के हमने क्या क्या समझा, जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है वो रिलक्टेंस मोटर के प्रिंसिपल पर काम करते हैं, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एसी डीसी दोनों पर काम करते हैं, मगर जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट था वो सिर्फ और सिर्फ डीसी पे काम कर रहा था। जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है इसमें स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म यूज़ करते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए, और डैम्पिंग प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है ये वाले रिलेशन के साथ एसोसिएटेड होता है, आरएमएस करंट का स्क्वायर कंसिडर करते हैं डीएल बाय डीटी। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो ये वाले रिलेशन के साथ एसोसिएटेड होता है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है बराबर में होता है के सी टीटा के।
यहाँ पर आप लोग देखो, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है ये वाले रिलेशन के साथ एसोसिएटेड होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू के सी इंटू टीटा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है किसके बराबर में होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर में होता है। यहाँ पर ये जो टीटा ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, डिफ्लेक्शन इंडिकेट कर रहा है। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो कंट्रोलिंग टॉर्क, यहाँ पर आप लोग देखो स्टेडी स्टेट कंडीशन में यहाँ पर ये जो टी सी है ये है क्या, ये है कंट्रोलिंग टॉर्क। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए हमारे पास मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए हमारे पास ये वाला रिलेशन है, इसको हमें लिखना होगा एक बार, हाफ आई स्क्वायर आर एम एस डी एल अपॉन डी टी। और जैसे कि हमने बात किया जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसके लिए ये वाला रिलेशन है टी डी इज इक्वल टू हाफ आई स्क्वायर आर एम एस डी एल बाई डी टी। और जो कंट्रोलिंग टॉर्क है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए ये वाला रिलेशन है, कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए ये वाला रिलेशन है टी सी इज इक्वल टू के सी थीटा। और स्टेडी स्टेट कंडीशन में होता क्या है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो कंट्रोलिंग टॉर्क और जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है दोनों बराबर में होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, आरएमएस करंट के स्क्वायर के साथ। जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है एसी डीसी दोनों को मेजर कर सकता है, राइट। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्शन होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, करंट के स्क्वायर के साथ। तो इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, करंट के स्क्वायर के साथ। जिसके वजह से होता क्या है, जो स्केल होती है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की वो कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्शन होता है टीटा वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के साथ। जिसके वजह से जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, यहाँ पर आप लोग देखो जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है इसमें जो टीटा वो प्रोपोर्शनल है किसके साथ, करंट के स्क्वायर के साथ। टीटा है क्या, डिफ्लेक्शन है। तो हम लोग बोल सकते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्शन होता है नीडल का वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के साथ। जिसके वजह से जो स्केल होती है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की वो कैसी होती है, वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। ड्यू टू विच द स्केल ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट रिमेन नॉन यूनिफॉर्म। जो स्केल होती है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की वो कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास दो टाइप का होता है, पहला होता है अट्रैक्शन टाइप और दूसरा होता है रिपल्शन टाइप, राइट। जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है दो टाइप का होता है, पहला होता है अट्रैक्शन टाइप दूसरा होता है रिपल्शन टाइप। जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है ये बेसिकली यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रोवाइड करता है, एक ही डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रोवाइड करता है। तो जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है ये बेसिकली यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रोवाइड करता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड करता है। तो जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड करता है। जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास दो टाइप का होता है, पहला होता है अट्रैक्शन टाइप का मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट और दूसरा होता है रिपल्शन टाइप का मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो जो अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है ये बेसिकली काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन प्रिंसिपल पर, और जो रिपल्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है ये बेसिकली मैग्नेटिक रिपल्शन प्रिंसिपल पर काम करता है। जैसे कि हमने बात किया जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रोवाइड करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्शन होता है करंट के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होता है, जिसके वजह से जो स्केल होती है नॉन यूनिफॉर्म होती है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट है, अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो जो अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है ये अट्रैक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है, रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट ये बेसिकली रिपल्शन प्रिंसिपल पर काम करता है, राइट। कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, रिपल्शन प्रिंसिपल पर काम करता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है अट्रैक्शन टाइप अट्रैक्शन प्रिंसिपल पर काम करेगा, रिपल्शन टाइप रिपल्शन प्रिंसिपल पर काम करेगा। अट्रैक्शन टाइप में हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ करते हैं और रिपल्शन टाइप में भी हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ करते हैं। मूविंग आयरन में कौन सी हम लोग डैम्पिंग यूज़ करते हैं, कौन सा डैम्पिंग टॉक प्रोवाइड करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, कंट्रोलिंग टॉक स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉक होता है। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो डैम्पिंग होती है वो होती है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। अट्रैक्शन टाइप जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, रिपल्शन टाइप जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है इसमें भी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। यहाँ पर आप लोग देखो मूविंग अट्रैक्शन टाइप जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स आर फॉर्म बिटवीन सोलोनाइट एंड आयरन, रिपल्शन मैग्नेटिक पोल्स आर फॉर्म बिटवीन सोलोनाइट एंड आयरन। तो यहाँ पर ये लास्ट वाले स्टेटमेंट से हम लोग क्या समझते हैं, तो जो अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है, अट्रैक्शन टाइप का जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें सोलोनाइट और आयरन के बीच में जो मैग्नेटिक पोल्स बनते हैं वो अट्रैक्शन टाइप के मैग्नेटिक पोल्स बनते हैं, राइट। मतलब अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स बनते हैं। मगर जो रिपल्शन टाइप का जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें सोलोनाइट और आयरन के बीच में जो मैग्नेटिक पोल्स बनते हैं वो कौन से मैग्नेटिक पोल्स बनते हैं, रिपल्शन अपोजिट मैग्नेट सेम मैग्नेटिक पोल्स बनते हैं, जिसके वजह से होता क्या है, रिपल्शन फोर्स क्रिएट होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है सोलेनोइड और आयरन के बीच में, और ये जो रिपल्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है इसमें रिपल्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है सोलेनोइड और आयरन के बीच में। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, बाय एक्सटेंडिंग रेंज ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट वी कैन यूज़ इट एज बोथ एमीटर एंड वोल्टमीटर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की रेंज को एक्सटेंड करते हुए
जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है इसको हम लोग बेसिकली एमीटर और वोल्ट मीटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को हम लोग एमीटर वोल्ट मीटर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को हम लोग एज ए एमीटर वोल्ट मीटर यूज़ कर सकते हैं, मगर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की जो रेंज होगी उसे हमें क्या करनी होगी, इंक्रीज़ करनी होगी। बाय एक्सटेंडिंग रेंज ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की रेंज को एक्सटेंड करते हुए हम लोग मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को एमीटर वोल्ट मीटर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम लोग एमीटर डिज़ाइन करेंगे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से, तो जो एमीटर होगा 50 एम्पियर तक के करंट को मेजर करेगा, और जब हम लोग वोल्ट मीटर डिज़ाइन करेंगे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से, तो जो वोल्ट मीटर होगा 750 वोल्ट तक के जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग उसको मेजर कर पाएंगे। तो यहाँ से हमने क्या समझा, जब हम लोग मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम लोग जब एमीटर बनाएंगे तो जो एमीटर होगा 50 एम्पियर तक के करंट को मेजर कर पाएगा, और जब हम लोग ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से वोल्ट मीटर को बनाएंगे तो जो वोल्ट मीटर होगा 750 वोल्ट तक के जो वोल्टेज होगा उसे मेजर कर लेगा। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग बात करें, जैसे कि हमने बात किया जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है इसके हेल्प से हम लोग क्या बना सकते हैं, एमीटर बना सकते हैं, वोल्ट मीटर बना सकते हैं। मूविंग आयरन से अगर एमीटर बना रहे तो 50 एम्पियर तक के करंट मेजर हो जाएगा, वोल्ट मीटर बना रहे तो 750 वोल्ट तक के जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग मेजर कर लेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है इसकी जो रेंज होगी उसको हम लोग कैसे एक्सटेंड करेंगे। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एज एमीटर, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एज वोल्ट मीटर। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर हम लोग एज ए एमीटर के तौर पर यूज़ करेंगे, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को एज ए हम लोग यहाँ पर वोल्ट मीटर के तौर पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बाय एक्सटेंडिंग रेंज ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इट कैन वर्क एज एन एमीटर, जैसे कि हमने बात किया जब हम लोग मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की रेंज को एक्सटेंड करेंगे तो ऐसे केस में जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है इसको हम लोग एज ए एमीटर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। बाय एक्सटेंडिंग रेंज ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इसको हम लोग एज अ वोल्ट मीटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। रेंज को एक्सटेंड कर रहे हैं इसका मतलब जो सर्किट है उसमें हम लोग मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, और मॉडिफिकेशन करने के बाद जो इंस्ट्रूमेंट है उसके हेल्प से हम लोग हाई वोल्टेज हाई करंट को मेजर कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देखो, बाय एक्सटेंडिंग रेंज ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की रेंज को एक्सटेंड करते हुए हम लोग एज ए एमीटर यूज़ कर सकते हैं, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की रेंज को एक्सटेंड करते हुए हम लोग एज अ वोल्ट मीटर यूज़ कर सकते हैं। जो एमीटर होगा वो उसके हेल्प से हम लोग 50 एम्पियर तक के करंट को मेजर कर पाएंगे जैसे कि हमने बात किया, और वोल्ट मीटर के हेल्प से हम लोग 750 वोल्टेज जो है 750 वोल्ट तक के जो वोल्टेज है उसको हम लोग मेजर कर पाएंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, वोल्टेज अगर ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा वो ज़्यादा होगा। तो जब हम लोग मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को एज अ वोल्ट मीटर यूज़ करेंगे तो वो हाई वोल्टेज हम लोग मेजर कर पाएंगे 750 वोल्ट, तो वोल्टेज ज़्यादा है तो ऐसे केस में कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स की जो रिक्वायरमेंट होगी वो ज़्यादा होगी, राइट। और जब हम लोग मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को एज अ एमीटर के तौर पर यूज़ करेंगे तो ऐसे केस में जो कॉइल होगी उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो कम होंगे, मगर कॉइल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो ज़्यादा होगा, राइट। तो जो कॉइल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा या फिर जो कंडक्टर की जो थिकनेस होगी वो ज़्यादा होगी जब हम लोग मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एज अ एमीटर के तौर पर यूज करेंगे, क्योंकि एमीटर मेजर करेगा करंट, करंट 50 एम्पियर तक के मेजर करेगा, और करंट के केस में जो कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो ज्यादा होता है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम होता है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो कंडक्टर की जो थिकनेस होगी वो कम होगी जब हम लोग मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को एज अ वोल्ट मीटर के तौर पर यूज करेंगे। और जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पर जो कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंडक्टर की जो थिकनेस है वो ज़्यादा है जब हम लोग मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को एज ए एमीटर के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे केस में 50 एम्पियर तक के करंट मेजर हो रहा है, करंट अगर ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा कंडक्टर का वो ज़्यादा होगा, मगर अगर वोल्टेज अगर ज़्यादा होता है तो जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कंडक्टर के वो ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, करंट ज़्यादा है तो इसका मतलब जो कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो ज़्यादा रहेगा, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है इसका मतलब कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होने वाला है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है मतलब कंडक्टर की थिकनेस ज़्यादा है इसका मतलब जो रेसिस्टेंस होगा वो कम होगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब हम लोग मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को एज अ वोल्ट मीटर के तौर पर यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स से ज़्यादा जाएगा, कॉपर कंडक्टर की थिकनेस कम होगी, रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो जो रेसिस्टेंस होगा कैसा होगा, वो ज़्यादा होगा जब हम लोग मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को एज अ वोल्ट मीटर के तौर पर यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें बेसिकली हमें एक एरर मिलता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एरर। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एसी को भी मेजर कर सकता है, डीसी को भी मेजर कर सकता है। एसी को मेजर कर रहा है तो एसी के साथ एसोसिएटेड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी में हमें एरर मिलता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हमें जो फ्रीक्वेंसी में जो एरर मिलता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एरर।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें फॉर मेजरिंग सेम इनपुट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड एरर, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे हमने बात किया फ्रीक्वेंसी एरर हमें कौन से इंस्ट्रूमेंट में मिलता है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में मिलता है। तो जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है इसमें हमें बेसिकली फ्रीक्वेंसी एरर मिलता है। अभी फ्रीक्वेंसी एरर का मतलब क्या होता है, फॉर मेजरिंग सेम इनपुट हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर हम लोग सेम इनपुट को मेजर कर रहे हैं जिसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो, तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में एरर होता है, और वो जो एरर होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एरर। तो फ्रीक्वेंसी एरर का मतलब क्या होता है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जब हम लोग सेम इनपुट को मेजर कर रहे होते हैं, सेम इनपुट को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर, एक पर्टिकुलर इनपुट को जब हम लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर मेजर कर रहे होते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में, तो एक एरर जनरेट होता है, और वो जो एरर होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एरर। तो फ्रीक्वेंसी एरर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हमें मिलता है। तो एरर इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हमें कौन कौन सा एरर मिलता है, पहला जो एरर होता है कौन सा एरर होता है, फ्रिक्शनल एरर होता है। दूसरा जो एरर होता है वो होता है टेम्परेचर एरर। तीसरा जो एरर होता है कौन सा एरर होता है, फ्रीक्वेंसी एरर होता है। चौथा जो एरर होता है वो होता है स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर, राइट। तो फ्रीक्वेंसी एरर किसके साथ एसोसिएटेड है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएटेड है। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास फ्रिक्शनल एरर है, टेम्परेचर एरर है, फ्रीक्वेंसी एरर है, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर है, राइट। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास कौन कौन सा एरर है, फ्रीक्वेंसी एरर है, टेम्परेचर एरर है, फ्रिक्शनल एरर है, टेम्परेचर एरर है, फ्रीक्वेंसी एरर है, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर है। तो हर एक एरर के बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शनल एरर के बारे में। तो जो फ्रिक्शनल एरर होता है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में ये कम होता है, मगर जो PMMC इंस्ट्रूमेंट है इसमें जो फ्रिक्शनल एरर होता है वो ज़्यादा होता है, राइट। तो जैसे कि हमने बात किया मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सा एरर होता है, हमारे पास फ्रिक्शनल एरर होता है, टेम्परेचर एरर होता है, फ्रीक्वेंसी एरर होता है, सेम इनपुट को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर मेजर करें तो ऐसे किस में एरर बनता है, फ्रीक्वेंसी एरर। फिर उसके बाद स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शनल एरर के बारे में। हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट अब तक के हमने बात किया, PMMC इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात किया, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात किया। तो जो PMMC इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें जो फ्रिक्शनल एरर होता है वो ज़्यादा होता है, मगर जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें जो फ्रिक्शनल एरर होता है वो कम होता है। तो जो फ्रिक्शनल एरर होता है PMMC में, ये ज़्यादा होता है, और जो फ्रिक्शनल एरर होता है मूविंग आयरन में ये कम होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फ्रिक्शनल एरर होता है PMMC में ये ज़्यादा होता है, और जो फ्रिक्शनल एरर होता है मूविंग आयरन में ये कम होता है। मगर अगर हम लोग देखें जो सेंसिटिविटी होती है मूविंग आयरन की ये ज़्यादा होती है, और जो मूविंग कॉइल की जो सेंसिटिविटी होती है वो कम होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर एरर अगर कम होगा तो ऐसे केस में जो सेंसिटिविटी होगी वो ज़्यादा होगी, जैसे कि हमने बात किया था इससे पहला। अगर एरर अगर कम होता है तो ऐसे केस में सेंसिटिविटी और जो एक्यूरेसी होगी वो ज़्यादा होगी। तो जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है इसमें जो फ्रिक्शनल एरर होता है वो कम होता है, जिसके वजह से इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो जो फ्रिक्शनल एरर होता है मूविंग आयरन में वो कम होता है, और PMMC में जो फ्रिक्शनल एरर होता है वो ज़्यादा होता है, जिसके वजह से जो सेंसिटिविटी होती है मूविंग कॉइल की वो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की ये कम होती है, और जो मूविंग आयरन की जो सेंसिटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें टू अवॉइड एलिमिनेट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ओवर इंस्ट्रूमेंट वी यूज स्वैम्प रेसिस्टेंस। जैसे कि हमने बात किया टेम्परेचर एरर भी होता है हमारे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में, तो ये जो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है इसे एलिमिनेट करने के लिए हम लोग एक रेसिस्टेंस का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्वैम्प रेसिस्टेंस, राइट। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट और अपना PMMC इंस्ट्रूमेंट दोनों में फ्रिक्शनल एरर किस में ज़्यादा होता है, PMMC में होता है, जिसकी वजह से PMMC की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है मूविंग आयरन की जो सेंसिटिविटी है, जैसे कि मैंने आपको बोला जो फ्रिक्शनल एरर होता है वो ज़्यादा होता है PMMC में, और मूविंग आयरन में कम होता है, जिसकी वजह से जो सेंसिटिविटी होती है मूविंग आयरन की वो ज़्यादा होती है। आप लोग ऐसा याद कर सकते हो फ्रिक्शनल एरर किस में ज़्यादा होता है, PMMC में ज़्यादा होता है, जिसके वजह से PMMC की सेंसिटिविटी कम होती है और मूविंग आयरन की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि मूविंग आयरन में जो फ्रिक्शनल एरर होता है वो कम होता है। जैसे कि हमने बात किया फ्रिक्शनल एरर इन मूविंग आयरन ये कम होता है, जिसकी वजह से इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। और जैसे हमने बात किया टेम्परेचर का जो इफेक्ट है उसे एलिमिनेट करने के लिए हम लोग एक रेसिस्टेंस का यूज़ करते हैं, और वो जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं स्वैम्प रेसिस्टेंस। तो एलिमिनेट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो टेम्परेचर इफेक्ट है उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग एक रेसिस्टेंस यूज़ करते हैं, और वो जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं स्वैम्प रेसिस्टेंस। एसी में अगर हम लोग देखें जो स्वैम्प रेसिस्टेंस है किसका बना होता है, मैग्नीन का बना होता है, राइट। और डीसी में अगर हम लोग देखें जो स्वैम्प रेसिस्टेंस है किसका बना होता है, कॉन्स्टेंट एन का बना होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसी में जो स्वैम्प रेसिस्टेंस है किसका बना होता है, मैग्नीन का, और डीसी में जो स्वैम्प रेसिस्टेंस है किसका बना होता है, कॉन्स्टेंट एन का बना होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
तो एसी में जो स्वयं रेसिस्टेंस है मैग्नेट का बना होता है, डीसी में जो स्वयं रेसिस्टेंस है वो किसका बना होता है, कांस्टेंट टेन का बना होता है। किसका बना होता है, कांस्टेंट टेन का बना होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डीसी में जो स्वयं रेसिस्टेंस है कांस्टेंट, डीसी जो करंट है कौन सा करंट है, कांस्टेंट करंट है, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डीसी में जो स्वयं रेसिस्टेंस है कांस्टेंट टेन का बना होता है, एसी में जो स्वयं रेसिस्टेंस है मैग्नेन का बना होता है। एम मीटर और वोल्ट मीटर, यहाँ पर अगर हम लोग देखें एम मीटर में जो फ्रिक्वेंसी एरर है इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग शंट कैपेसिटर, और वोल्ट मीटर में अगर हम लोग देखें जो फ्रिक्वेंसी एरर है इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं सीरीज कैपेसिटर के हेल्प से। जब हम लोग मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को ऐसा एम मीटर के तौर पर यूज़ करते हैं, जब हम लोग मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को जब हम लोग ऐसे एम मीटर के तौर पर यूज़ करते हैं, तो ऐसे केस में जो फ्रिक्वेंसी एरर होता है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग शंट कैपेसिटर, राइट। और जब हम लोग मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को एज अ वोल्ट मीटर के तौर पर यूज़ करते हैं, तो वोल्ट मीटर में जो रेसिस्टेंस होता है कैसा लगता है, सीरीज़ में लगता है, एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट के कॉन्सेप्ट में हमने बात किया थोड़ा टाइम पहले, राइट। तो वोल्ट मीटर जब हम लोग मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को एज अ वोल्ट मीटर के तौर पर यूज़ करते हैं, ऐसे केस में जो फ्रिक्वेंसी एरर होता है इसको हम लोग रिड्यूस करते हैं बाय यूजिंग सीरीज कैपेसिटर। एम मीटर के साथ शंट होता है, वोल्ट मीटर के साथ सीरीज होता है, ये पता होना चाहिए। अभी बात करते हैं फ्रिक्शनल एरर के बारे में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें फ्रिक्शनल एरर, एरर ड्यू टू फ्रिक्शन एक्जिस्टिंग इन बिटवीन मूविंग पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज फ्रिक्शनल एरर। फ्रिक्शनल एरर का मतलब क्या होता है, जैसे हमने बात किया जो मूविंग पार्ट के बीच में जो एरर जो क्रिएट हो रहा होता है उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं फ्रिक्शनल एरर। मूविंग पार्ट के बीच में जो एरर जो बन रहा होता है उसको हम लोग कौन सा एरर बोलते हैं, फ्रिक्शनल एरर बोलते हैं। मूविंग आयरन में जो फ्रिक्शनल एरर होता है वो कैसा होता है, मूविंग आयरन में जो फ्रिक्शनल एरर होता है वो कम होता है, और पीएमएमसी में जो फ्रिक्शनल एरर होता है वो ज़्यादा होता है। तो मूविंग पार्ट के वजह से जो एरर जो बनता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फ्रिक्शनल एरर। टेम्परेचर के वजह से जो एरर जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर एरर, राइट। और फ्रीक्वेंसी एरर से हमने क्या डिस्कस किया, अगर हम लोग सेम इनपुट को मेजर करते हैं अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर तो ऐसे किसमें एरर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। तो जैसे कि हमने यहाँ पर बात किया, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें टेम्परेचर के वजह से जो एरर जो बनेगा उसको हम लोग कौन सा एरर बोलेंगे, टेम्परेचर एरर बोलेंगे। सिमिलरली दूसरा जो एरर है हमारे पास कौन सा एरर है, फ्रिक्शनल एरर है। फ्रिक्शनल एरर का मतलब क्या होता है, मूविंग पार्ट के वजह से जो एरर जो बनेगा उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फ्रिक्शनल एरर। फिर उसके बाद हमने कौन से एरर के बारे में बात किया, फ्रिक्वेंसी एरर के बारे में। अगर हम लोग सेम इनपुट को मेजर करते हैं अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर तो ऐसे केस में जो एरर जो बनेगा उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे फ्रिक्वेंसी एरर। फॉर मेजरिंग सेम इनपुट हैविंग डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, अगर हम लोग सेम इनपुट को मेजर करते हैं अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर तो जो एरर फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे फ्रिक्वेंसी एरर, राइट। अभी हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, अभी सिमिलरली बात करते हैं स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एरर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ओवर इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर का मतलब क्या है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो इम्पैक्ट होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो इम्पैक्ट होगा इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, तो ऐसे केस में जो एरर जो बनेगा उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर। तो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर इज नथिंग, इट इज़ अ एरर ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ओवर इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंस्ट्रूमेंट को अगर हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अगर प्रिवेंट करना है तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में हम लोग शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं इंस्ट्रूमेंट को, टू प्रिवेंट इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इंस्ट्रूमेंट को अगर हमें प्रिवेंट करना है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एरर से, जिसको हम लोग बेसिकली स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर भी बोलते हैं, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट में हम लोग मैग्नेटिक शील्डिंग का यूज़ करते हैं, राइट। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने बात किया मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में और पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, इसमें अगर हम लोग 5-6 डिफरेंस के बारे में बात करें तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट ये सिर्फ और सिर्फ डीसी करंट को मेजर कर सकता है, मगर जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है डीसी एसी दोनों को मेजर कर सकता है। जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है लॉरेंस प्रिंसिपल पर काम करता है, मगर ये जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है ये रिपल्शन प्रिंसिपल पर काम करता है। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में लीनियर स्केल मिलती है और ये जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है इसमें हमें नॉन लीनियर स्केल मिलती है। जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है इसमें जो डिफ्लेक्शन होता है प्रोपोर्शनल होता है करंट के साथ, मगर जो मूविंग आयरन है इसमें जो डिफ्लेक्शन है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, करंट के स्क्वायर के साथ। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो फ्रिक्शनल एरर होता है वो ज़्यादा होता है, मूविंग आयरन में जो फ्रिक्शनल एरर होता है वो कम होता है। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की जो सेंसिटिविटी होती है वो कम होती है, मगर जो मूविंग आयरन है इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो कंट्रोलिंग टॉक है वो स्प्रिंग कंट्रोल के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, और मूविंग आयरन में भी स्प्रिंग कंट्रोलिंग के थ्रू हम लोग कंट्रोलिंग टॉक प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद जो डैम्पिंग टॉक है वो एडी करंट डैम्पिंग है इन केस ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट
मगर जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है इसमें हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। और यहाँ पर ये जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है ये बेसिकली यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमने बात किया था। और जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है एसी डीसी दोनों को मेजर कर सकता है, राइट। और ये जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है इसमें हमें बेसिकली एरर मिलता है, फ्रीक्वेंसी एरर मिलता है, टेम्परेचर एरर मिलता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एरर मिलता है, राइट। अभी अगर हम लोग देखें जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है इसमें ड्रॉबैक क्या हो रहा था, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली ड्रॉबैक ये हो रहा था कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ डीसी को ही मेजर कर पा रहा था, जैसे कि हमने बात किया। मगर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर हम लोग एसी को कनेक्ट करें तो एसी करंट को पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट मेजर नहीं कर पाएगा। जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की जो नीडल होगी वो क्या होने लगेंगी, ऑसिलेट करने लगेंगी अपनी एक्सिस के अबाउट, मगर जो एक पोजिशन से दूसरे पोजिशन है वहाँ पर मूव नहीं कर पाएंगी, राइट। तो जो ड्रॉबैक है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का वो ये है कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है वो एसी करंट को मेजर नहीं कर सकता, राइट। ड्रॉबैक ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, इट कैन नॉट बी यूज फॉर एसी, बट इफ़ यू यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट इन पीएमएमसी देन इट विल वर्क फॉर एसी ऑल्सो एंड सच इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर। तो जैसे हमने बात किया जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है वो एसी को मेजर नहीं कर सकता, मगर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट को अगर हम लोग यूज़ कर दें तो जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होगा वो एसी को भी मेजर कर पाएगा। और ऐसे केस में जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग क्या बुलाएंगे, इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर बुलाएंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पीएमएमसी अलोंग विद इलेक्ट्रोमैग्नेट इज नोन एज इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर। पीएमएमसी को जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ यूज़ करें तो ऐसे केस में हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर मिल जाएगा। तो पीएमएमसी अलोंग विद इलेक्ट्रोमैग्नेट इज नोन एज इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर, राइट। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर के बारे में बात करने वाले। तो जो इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर है ये है क्या, इट इज़ पीएमएमसी अलोंग विद इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट इज़ अ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट अलोंग विद इलेक्ट्रोमैग्नेट इंस्टेड ऑफ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट के पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में परमानेंट मैग्नेट हटा के अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दें तो ऐसे केस में हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर मिल जाएगा। इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर में जो स्प्रिंग कंट्रोल, जो कंट्रोलिंग टॉक है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं विद दी हेल्प ऑफ स्प्रिंग कंट्रोल। और अगेन जो डैम्पिंग टॉक है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं विद दी हेल्प ऑफ एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट ये सिर्फ और सिर्फ डीसी को मेजर कर रहा था, मगर मूविंग आयरन हो गया और इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर हो गया, ये दोनों डीसी एसी दोनों को मेजर कर रहे थे। तो इंस्ट्रूमेंट जो कि डीसी एसी दोनों को मेजर करे तो इसमें बेसिकली स्प्रिंग कंट्रोल और एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हमें मिलेंगी। स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म हम लोग यूज़ करेंगे फॉर कंट्रोलिंग टॉक और हम लोग एयर फ्रिक्शन मैकेनिज्म यूज़ करेंगे फॉर डैम्पिंग टॉक, राइट। तो स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म हम लोग यूज़ करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग कंट्रोलिंग टॉक और एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम लोग यूज़ करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग डैम्पिंग टॉक इन केस ऑफ इलेक्ट्रोडायनोमीटर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगेन जो इलेक्ट्रोडायनोमीटर है लॉरेंस प्रिंसिपल पर काम करता है और जो इलेक्ट्रोडायनोमीटर है इसको हम लोग एज ए एमीटर के तौर पर काम करा सकते हैं, वोल्ट मीटर के तौर पर काम करा सकते हैं और अगेन वॉट मीटर के तौर पर काम करा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोडायनोमीटर है एमीटर के तौर पर काम करेगा, वोल्ट मीटर के तौर पर काम कर सकता है और वॉट मीटर के तौर पर भी काम कर सकता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डिफ्लेक्टिंग टॉक होता है इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर में वो ये वाले रिलेशन के साथ एसोसिएटेड होता है। जो डिफ्लेक्टिंग टॉक होता है इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर में ये वाले रिलेशन के साथ एसोसिएटेड होता है, आई वन करंट इंटू आई टू करंट कोसाइन ऑफ फाई है क्या, ये है पावर फैक्टर और डी एम बाई डी थीटा, राइट। यहाँ पर ये जो फाई है क्या, ये है फेस एंगल बिटवीन करंट आई वन एंड आई टू और यहाँ पर ये डी एम बाई डी थीटा, राइट। तो यहाँ पर ये डिफ्लेक्टिंग टॉक के लिए रिलेशन हो गया इन केस ऑफ इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रोडायनोमीटर जो डिफ्लेक्शन होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, आई वन और जो आई टू जो करंट है उसके साथ प्रोपोर्शनल होता है। आई वन आई टू करंट किसका है, आई वन और जो आई टू जो करंट है ये करंट है जो कि फील्ड कॉइल से फ्लो है, कॉइल नंबर वन और कॉइल नंबर टू। बेसिकली इलेक्ट्रोडायनोमीटर में हमें दो कॉइल मिलते हैं, कॉइल नंबर वन और कॉइल नंबर टू। तो दोनों कॉइल में से जो करंट है जो फ्लो होता है उसको हम लोग शो करते हैं आई वन और आई टू से। जो आई वन है ये बेसिकली करंट है जो कि बेसिकली फील्ड नंबर वन से फ्लो होगा और जो आई टू है ये है करंट जो कि जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। जो I1 है ये बेसिकली करंट है जो कि फील्ड कॉइल 1 से फ्लो होगा और जो I2 है ये है करंट जो कि फील्ड कॉइल 2 से फ्लो होगा। तो I1 और ये जो I2 है ये बेसिकली करंट है जो कि अलग अलग फील्ड कॉइल से फ्लो होते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देखो I1 I2, I1 फील्ड करंट फ्रॉम फील्ड कॉइल 1, I2 करंट फ्रॉम फील्ड कॉइल 2, फाई है क्या एंगल है फील्ड I1 और I2 के बीच का डी एम बाई डी थीटा। इलेक्ट्रोडायनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, I1 और I2 के साथ। तो जो डिफ्लेक्शन होता है प्रोपोर्शनल होता है दोनों फील्ड का जो करंट है उसके साथ, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रोडायनोमीटर है उसको हम लोग एमीटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, वोल्ट मीटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, वॉट मीटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस जो इलेक्ट्रोडायनोमीटर है उसको हम लोग वॉट मीटर के तौर पर यूज़ करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोडायनोमीटर है उसको हम लोग एज एमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, वोल्ट मीटर भी यूज़ कर सकते हैं, वॉट मीटर भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस जो इलेक्ट्रोडायनोमीटर है उसको हम लोग वॉट मीटर के तौर पर यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वॉट मीटर है जो इलेक्ट्रोडायनोमीटर है ये दोनों पर काम कर सकता है एसी डीसी, मगर ये जो इलेक्ट्रोडायनोमीटर है इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो कम होती है किसके कंपैरिजन में, पीएमएमसी के कंपैरिजन में, राइट।
तो यहाँ पर आप लोग देखें जो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर है एसीडीसी दोनों पे काम कर सकता है। इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो कम होती है किसके कंपैरिजन में, पीएमएमसी के कंपैरिजन में। हैज़ इफेक्ट ऑफ स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर शील्डिंग इज रिक्वायर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर के ऊपर, तो यही रीज़न की वजह से इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में हमें मैग्नेटिक शील्डिंग चाहिए होती है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में भी जो स्केल होती है नॉन लीनियर होती है, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देखो जो स्केल होती है वो नॉन लीनियर होती है फॉर द इंस्ट्रूमेंट जो कि एसीडीसी दोनों को मेजर करता है। मूविंग आयरन में नॉन लीनियर स्केल मिल रही थी, सिमिलरली जो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर है ये भी एसीडीसी दोनों को मेजर करता है, तो इसमें भी जो स्केल होगी वो नॉन लीनियर होगी। जो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर है एसीडीसी दोनों पे काम करता है, इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो कम होती है, राइट, पीएमएमसी से। तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी किसकी होती है, मूविंग आयरन की होती है, उससे कम सेंसिटिविटी पीएमएमसी की, और सबसे पीएमएमसी की होती है, फिर उससे कम सेंसिटिविटी किसकी होती है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर की। मतलब इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, उससे कम फ्रिक्शन होता है अपना, फ्रिक्शनल एरर होता है अपना पीएमएमसी में, और सबसे कम फ्रिक्शनल एरर किस में होता है अपना मूविंग आयरन में। यही रीज़न की वजह से मूविंग आयरन की जो सेंसिटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, राइट। और ये जो जो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर है इसमें बेसिकली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का भी इफेक्ट होता है, तो यही रीज़न की वजह से मैग्नेटिक शील्डिंग भी हमें देना होता है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में। और जो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर है इसकी जो स्केल होती है वो कैसी होती है, नॉन लीनियर होती है। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में जो स्केल होती है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर की वो कैसी होती है, नॉन लीनियर होती है, राइट। और जो डिफ्लेक्टिंग टॉक होता है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में उसके लिए ये वाला रिलेशन होता है I1 I2 कोसाइन ऑफ फाई dm बाई डी थीटा, राइट। तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉक होता है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में उसके लिए हमारे पास ये वाला रिलेशन होता है I1 I2 कोसाइन ऑफ फाई dm बाई डी थीटा। फाई क्या होता है, फेस एंगल होता है करंट के बीच में, I1 और I2 करंट के बीच में। तो जैसे कि हमने यहाँ पर बात किया, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें टेम्परेचर के वजह से जो एरर जो बनेगा उसको हम लोग कौन सा एरर बोलेंगे, टेम्परेचर एरर बोलेंगे। सिमिलरली दूसरा जो एरर है हमारे पास कौन सा एरर है, फ्रिक्शनल एरर है। फ्रिक्शनल एरर का मतलब क्या होता है, मूविंग पार्ट के वजह से जो एरर जो बनेगा उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फ्रिक्शनल एरर। फिर उसके बाद हमने कौन से एरर के बारे में बात किया, फ्रिक्वेंसी एरर के बारे में। अगर हम लोग सेम इनपुट को मेजर करते हैं अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर, तो ऐसे केस में जो एरर जो बनेगा उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे फ्रिक्वेंसी एरर। फॉर मेजरिंग सेम इनपुट हैविंग डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, अगर हम लोग सेम इनपुट को मेजर करते हैं अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर, तो जो एरर फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे फ्रिक्वेंसी एरर, राइट। अभी हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, अभी सिमिलरली बात करते हैं स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एरर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ओवर इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर का मतलब क्या है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो इम्पैक्ट होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो इम्पैक्ट होगा इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, तो ऐसे केस में जो एरर जो बनेगा उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर। तो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर इज नथिंग, इट इज़ अ एरर ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ओवर इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंस्ट्रूमेंट को अगर हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अगर प्रिवेंट करना है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में हम लोग शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं इंस्ट्रूमेंट को, टू प्रिवेंट इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इंस्ट्रूमेंट को अगर हमें प्रिवेंट करना है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एरर से, जिसको हम लोग बेसिकली स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर भी बोलते हैं, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट में हम लोग मैग्नेटिक शील्डिंग का यूज़ करते हैं, राइट। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने बात किया मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में और पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, इसमें अगर हम लोग 5-6 डिफरेंस के बारे में बात करें, तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट ये सिर्फ और सिर्फ डीसी करंट को मेजर कर सकता है, मगर जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है डीसी एसी दोनों को मेजर कर सकता है। जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है लॉरेंस प्रिंसिपल पर काम करता है, मगर ये जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है ये रिपल्शन प्रिंसिपल पर काम करता है। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में लीनियर स्केल मिलती है, और ये जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है इसमें हमें नॉन लीनियर स्केल मिलती है। जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है इसमें जो डिफ्लेक्शन होता है प्रोपोर्शनल होता है करंट के साथ, मगर जो मूविंग आयरन है इसमें जो डिफ्लेक्शन है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, करंट के स्क्वायर के साथ। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो फ्रिक्शनल एरर होता है वो ज़्यादा होता है, मूविंग आयरन में जो फ्रिक्शनल एरर होता है वो कम होता है। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की जो सेंसिटिविटी होती है वो कम होती है, मगर जो मूविंग आयरन है इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो कंट्रोलिंग टॉक है वो स्प्रिंग कंट्रोल के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, और मूविंग आयरन में भी स्प्रिंग कंट्रोलिंग के थ्रू हम लोग कंट्रोलिंग टॉक प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद जो डैम्पिंग टॉक है वो एडी करंट डैम्पिंग है इन केस ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, मगर जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है इसमें हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। और यहाँ पर ये जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है ये बेसिकली यूनि डायरेक्शनल टॉक प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमने बात किया था। और जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है एसी डीसी दोनों को मेजर कर सकता है, राइट। और ये जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है इसमें हमें बेसिकली एरर मिलता है, फ्रिक्वेंसी एरर मिलता है, टेम्परेचर एरर मिलता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एरर मिलता है, राइट।
अभी अगर हम लोग देखें जो PMMC इंस्ट्रूमेंट है, इसमें ड्रॉबैक क्या हो रहा था? PMMC इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली ड्रॉबैक ये हो रहा था कि जो PMMC इंस्ट्रूमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ DC को ही मेजर कर पा रहा था, जैसे कि हमने बात किया। मगर PMMC इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर हम लोग AC को कनेक्ट करें तो AC करंट को PMMC इंस्ट्रूमेंट मेजर नहीं कर पाएगा। जो PMMC इंस्ट्रूमेंट की जो नीडल होगी वो क्या होने लगेंगी, ऑसिलेट करने लगेंगी अपनी एक्सिस के अबाउट, मगर जो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन है वहाँ पर मूव नहीं कर पाएंगी, राइट। तो जो ड्रॉबैक है PMMC इंस्ट्रूमेंट का वो ये है कि जो PMMC इंस्ट्रूमेंट है वो AC करंट को मेजर नहीं कर सकता, राइट। ड्रॉबैक ऑफ PMMC इंस्ट्रूमेंट, इट कैन नॉट बी यूज फॉर AC, बट इफ़ यू यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट इन PMMC देन इट विल वर्क फॉर AC ऑल्सो, एंड सच इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोडायनोमीटर। तो जैसे हमने बात किया जो PMMC इंस्ट्रूमेंट है वो AC को मेजर नहीं कर सकता, मगर PMMC इंस्ट्रूमेंट में अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट को अगर हम लोग यूज़ कर दें तो जो PMMC इंस्ट्रूमेंट होगा वो AC को भी मेजर कर पाएगा, और ऐसे केस में जो PMMC इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग क्या बुलाएंगे, इलेक्ट्रोडायनोमीटर बुलाएंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें PMMC अलॉन्ग विद इलेक्ट्रोमैग्नेट इज नोन एज इलेक्ट्रोडायनोमीटर। PMMC को जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ यूज़ करें तो ऐसे केस में हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रोडायनोमीटर मिल जाएगा। तो PMMC अलॉन्ग विद इलेक्ट्रोमैग्नेट इज नोन एज इलेक्ट्रोडायनोमीटर, राइट। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रोडायनोमीटर के बारे में बात करने वाले, तो जो इलेक्ट्रोडायनोमीटर है ये है क्या, इट इज़ PMMC अलॉन्ग विद इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट इज़ अ PMMC इंस्ट्रूमेंट अलॉन्ग विद इलेक्ट्रोमैग्नेट इंस्टेड ऑफ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट के PMMC इंस्ट्रूमेंट में परमानेंट मैग्नेट हटा के अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दें तो ऐसे केस में हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रोडायनोमीटर मिल जाएगा। इलेक्ट्रोडायनोमीटर में जो स्प्रिंग कंट्रोल, जो कंट्रोलिंग टॉक है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं विद दी हेल्प ऑफ स्प्रिंग कंट्रोल, और अगेन जो डैम्पिंग टॉक है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं विद दी हेल्प ऑफ एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि PMMC इंस्ट्रूमेंट ये सिर्फ और सिर्फ DC को मेजर कर रहा था, मगर मूविंग आयरन हो गया और इलेक्ट्रोडायनोमीटर हो गया, ये दोनों DC AC दोनों को मेजर कर रहे थे। तो इंस्ट्रूमेंट जो कि DC AC दोनों को मेजर करें तो इसमें बेसिकली स्प्रिंग कंट्रोल और एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हमें मिलेंगी। स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म हम लोग यूज़ करेंगे फॉर कंट्रोलिंग टॉक, और हम लोग एयर फ्रिक्शन मैकेनिज्म यूज़ करेंगे फॉर डैम्पिंग टॉक, राइट। तो स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म हम लोग यूज़ करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग कंट्रोलिंग टॉक, और एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम लोग यूज़ करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग डैम्पिंग टॉक इन केस ऑफ इलेक्ट्रोडायनोमीटर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगेन जो इलेक्ट्रोडायनोमीटर है लॉरेंस प्रिंसिपल पर काम करता है, और जो इलेक्ट्रोडायनोमीटर है इसको हम लोग एज एम मीटर के तौर पर काम करा सकते हैं, वोल्ट मीटर के तौर पर काम करा सकते हैं, और अगेन वॉट मीटर के तौर पर काम करा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोडायनोमीटर है एम मीटर के तौर पर काम करेगा, वोल्ट मीटर के तौर पर काम कर सकता है, और वॉट मीटर के तौर पर भी काम कर सकता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डिफ्लेक्टिंग टॉक होता है इलेक्ट्रोडायनोमीटर में वो ये वाले रिलेशन के साथ एसोसिएटेड होता है। जो डिफ्लेक्टिंग टॉक होता है इलेक्ट्रोडायनोमीटर में ये वाले रिलेशन के साथ एसोसिएटेड होता है, I1 करंट इंटू I2 करंट कोसाइन ऑफ फाई है क्या, ये है पावर फैक्टर और DM/dθ, राइट। यहाँ पर ये जो फाई है क्या, ये है फेस एंगल बिटवीन करंट I1 एंड I2, और यहाँ पर ये DM/dθ, राइट। तो यहाँ पर ये डिफ्लेक्टिंग टॉक के लिए रिलेशन हो गया इन केस ऑफ इलेक्ट्रोडायनोमीटर, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रोडायनोमीटर जो डिफ्लेक्शन होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, I1 और जो I2 जो करंट है उसके साथ प्रोपोर्शनल होता है। I1 I2 करंट किसका है, I1 और जो I2 जो करंट है ये करंट है जो कि फील्ड कॉइल से फ्लो है, कॉइल नंबर 1 और कॉइल नंबर 2। बेसिकली इलेक्ट्रोडायनोमीटर में हमें दो कॉइल मिलते हैं, कॉइल नंबर 1 और कॉइल नंबर 2। तो दोनों कॉइल में से जो करंट जो फ्लो होता है उसको हम लोग शो करते हैं I1 और I2 से। जो I1 है ये बेसिकली करंट है जो कि बेसिकली फील्ड नंबर 1 से फ्लो होगा, और जो I2 है ये है करंट जो कि फील्ड कॉइल 1 से फ्लो होगा, और जो I2 है ये है करंट जो कि फील्ड कॉइल 2 से फ्लो होगा। तो I1 और ये जो I2 है ये बेसिकली करंट है जो कि अलग अलग फील्ड कॉइल से फ्लो होते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देखो I1 फील्ड करंट फ्रॉम फील्ड कॉइल 1, I2 करंट फ्रॉम फील्ड कॉइल 2, फाई है क्या एंगल है फील्ड I1 और I2 के बीच का DM/dθ। इलेक्ट्रोडायनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, I1 और I2 के साथ। तो जो डिफ्लेक्शन होता है प्रोपोर्शनल होता है दोनों फील्ड का जो करंट है उसके साथ, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रोडायनोमीटर है उसको हम लोग एममीटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, वोल्ट मीटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, वॉट मीटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस जो इलेक्ट्रोडायनोमीटर है उसको हम लोग वॉट मीटर के तौर पर यूज़ करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोडायनोमीटर है उसको हम लोग एज एममीटर भी यूज़ कर सकते हैं, वोल्ट मीटर भी यूज़ कर सकते हैं, वॉट मीटर भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस जो इलेक्ट्रोडायनोमीटर है उसको हम लोग वॉट मीटर के तौर पर यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वॉट मीटर है, जो इलेक्ट्रोडायनोमीटर है, ये दोनों पर काम कर सकते हैं AC DC, मगर ये जो इलेक्ट्रोडायनोमीटर है इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो कम होती है किसके कंपैरिजन में, PMMC के कंपैरिजन में, राइट।
तो यहाँ पर आप लोग देखें जो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर है ACDC दोनों पे काम कर सकता है। इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो कम होती है किसके कंपैरिजन में, PMMC के कंपैरिजन में। हैज़ इफेक्ट ऑफ स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर शील्डिंग इज रिक्वायर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर के ऊपर, तो यही रीज़न की वजह से इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में हमें मैग्नेटिक शील्डिंग चाहिए होती है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में भी जो स्केल होती है नॉन लीनियर होती है, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देखो जो स्केल होती है वो नॉन लीनियर होती है फॉर द इंस्ट्रूमेंट जो कि ACDC दोनों को मेजर करता है। मूविंग आयरन में नॉन लीनियर स्केल मिल रही थी, सिमिलरली जो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर है ये भी ACDC दोनों को मेजर करता है, तो इसमें भी जो स्केल होगी वो नॉन लीनियर होगी। जो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर है ACDC दोनों पे काम करता है, इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो कम होती है, राइट, PMMC से। तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी किसकी होती है, मूविंग आयरन की होती है, उससे कम सेंसिटिविटी PMMC की, और सबसे PMMC की होती है, फिर उससे कम सेंसिटिविटी किसकी होती है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर की। मतलब इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, उससे कम फ्रिक्शन होता है अपना, फ्रिक्शनल एरर होता है अपना PMMC में, और सबसे कम फ्रिक्शनल एरर किस में होता है अपना मूविंग आयरन में। यही रीज़न की वजह से मूविंग आयरन की जो सेंसिटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, राइट। और ये जो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर है इसमें बेसिकली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का भी इफेक्ट होता है, तो यही रीज़न की वजह से मैग्नेटिक शील्डिंग भी हमें देना होता है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में। और जो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर है इसकी जो स्केल होती है वो कैसी होती है, नॉन लीनियर होती है। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में जो स्केल होती है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर की वो कैसी होती है, नॉन लीनियर होती है, राइट। और जो डिफ्लेक्टिंग टॉक होता है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में उसके लिए ये वाला रिलेशन होता है I1 I2 कोसाइन ऑफ फाई dm/dθ, राइट। तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉक होता है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में उसके लिए हमारे पास ये वाला रिलेशन होता है I1 I2 कोसाइन ऑफ फाई dm/dθ। फाई क्या होता है, फेस एंगल होता है करंट के बीच में, I1 और I2 करंट के बीच में। सिमिलरली बात करते हैं, वैन इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इज़ यूज एज अ वॉट मीटर देन सीरीज रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड विथ वॉट मीटर इन सीरीज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ से हमने क्या समझा, जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को वॉट मीटर के तौर पर यूज़ करते हैं तो ऐसे केस में जो रेसिस्टेंस होता है उसको हम लोग कैसा कनेक्ट करते हैं, जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। तो जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को एज अ वॉट मीटर के तौर पर यूज़ करते हैं तो ऐसे केस में जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग कैसा कनेक्ट करते हैं, जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। तो जो सीरीज़ रेसिस्टेंस है उसको हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। कब कनेक्ट करते हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को एज अ वॉट मीटर के तौर पर यूज़ करते हैं, राइट। जब इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को हम लोग एज अ वॉट मीटर के तौर पर यूज़ करते हैं तो जो डिफ्लेक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, एवरेज पावर के साथ। तो जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को एज अ वॉट मीटर के तौर पर यूज़ करते हैं तो ऐसे केस में जो डिफ्लेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, एवरेज पावर के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीटा है क्या, जो टीटा वो डिफ्लेक्शन है, और जो डिफ्लेक्शन है प्रोपोर्शनल है किसके साथ, एवरेज पावर के साथ। जो डिफ्लेक्शन है किसके साथ प्रोपोर्शनल है, एवरेज पावर के साथ प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इज़ यूज एज एम मीटर। जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को, जैसे हमने बात किया, जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को वॉट मीटर के तौर पर यूज़ करते हैं तो ऐसे केस में जो सीरीज़ रेसिस्टेंस है किस में लगता है, सीरीज़ में लगता है। जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को एज अ वॉट मीटर के तौर पर यूज़ करते हैं तो ऐसे केस में जो डिफ्लेक्शन है प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, एवरेज पावर के साथ। जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को एम मीटर के तौर पर यूज़ करते हैं तो ऐसे केस में जो प्रेशर कॉइल और जो करंट कॉइल है उसको हम लोग कैसा कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को एज ए एम मीटर के तौर पर यूज़ करते हैं तो ऐसे केस में प्रेशर कॉइल और जो करंट कॉइल है किस में कनेक्टेड होती है, सीरीज़ में कनेक्टेड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सीरीज़ में क्या आता है, करंट आता है, पैरेलल में क्या आता है, वोल्टेज आता है, इसके बारे में हमें पता है, राइट। इसको आप लोग ऐसा रिलेट कर सकते हो, सीरीज़ रेसिस्टेंस में क्या कांस्टेंट होता है, करंट, पैरेलल रेसिस्टेंस में क्या कांस्टेंट होता है, वोल्टेज, राइट। तो जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को एज ए एम मीटर के तौर पर यूज़ करते हैं तो जो प्रेशर कॉइल और जो करंट कॉइल होती है वो कैसे कनेक्टेड होती है, सीरीज़ में कनेक्टेड होती है, राइट। जो प्रेशर कॉइल और जो करंट कॉइल होती है वो कैसे कनेक्टेड होती है, सीरीज़ में कनेक्टेड होती है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को जब हम लोग एमीटर के तौर पर यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रेसिस्टेंस होता है वो सीरीज़ में कनेक्टेड होता है किसके साथ, पैरेलल प्रेशर कॉइल के साथ। जो रेसिस्टेंस होता है, जैसे हमने बात किया, प्रेशर कॉइल एंड करंट कॉइल आर कनेक्टेड इन सीरीज़। सिमिलरली जो रेसिस्टेंस होता है वो सीरीज़ में कनेक्टेड होता है किसके साथ, प्रेशर कॉइल के साथ। जो रेसिस्टेंस होता है वो प्रेशर कॉइल के साथ कैसा कनेक्टेड होता है, सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। जो डिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें क्या क्या याद रखना है, जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को वॉट मीटर के तौर पर यूज़ करते हैं तो ऐसे केस में प्रेशर कॉइल और जो करंट कॉइल वो कैसा कनेक्टेड होती है, सीरीज़ में कनेक्टेड होती है। जो डिफ्लेक्शन होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, करंट के स्क्वायर के साथ। करंट का स्क्वायर आ गया, इसका मतलब जो स्केल होगी वो कौन सी स्केल होगी, नॉन लीनियर स्केल होगी। और जो करंट कॉइल और जो प्रेशर कॉइल होती है वो सीरीज़ में कनेक्टेड होती है किसके साथ, लोड के साथ। करंट कॉइल एंड प्रेशर कॉइल कैसे कनेक्टेड होती है, सीरीज़ में कनेक्टेड होती है किसके साथ, लोड के साथ, राइट।
तो यहाँ से हमें क्या क्या याद रखना है, जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को एज अ वाट मीटर के तौर पर यूज़ करेंगे तो जो करंट कॉइल और जो प्रेशर कॉइल है सीरीज में कनेक्टेड होगी, जो डिफ्लेक्शन होगा प्रोपोर्शनल होगा करंट के स्क्वायर के साथ, स्केल कैसी होने वाली है नॉन लीनियर होने वाली है, जो करंट कॉइल और जो प्रेशर कॉइल है लोड के साथ कैसे कनेक्टेड होती है सीरीज में कनेक्टेड होती है, और जो रेसिस्टेंस होता है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है किसके साथ प्रेशर कॉइल के साथ, जो रेसिस्टेंस होता है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है किसके साथ प्रेशर कॉइल के साथ, जो रेसिस्टेंस है सीरीज में कनेक्टेड होता है किसके साथ प्रेशर कॉइल के साथ। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिमिलरली, जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को वोल्ट मीटर के तौर पर यूज़ करते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है, जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को वोल्ट मीटर के तौर पर यूज़ करते हैं तो प्रेशर कॉइल और जो करंट कॉइल है वो सीरीज में कनेक्टेड होती है, और जो रेसिस्टेंस होता है वो रेसिस्टेंस रिमेन इन सीरीज विद प्रेशर कॉइल, जो रेसिस्टेंस होगा वो प्रेशर कॉइल के साथ कैसा कनेक्टेड होगा सीरीज में कनेक्टेड होगा। सेम यहाँ पर भी वही है, जो जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था प्रेशर कॉइल करंट कॉइल सीरीज में कनेक्टेड होती है, यहाँ पर भी वही है प्रेशर कॉइल और जो करंट कॉइल है सीरीज में कनेक्टेड होती है, और जो रेसिस्टेंस होगा सीरीज में कनेक्टेड होगा किसके साथ प्रेशर कॉइल के साथ, और जो डिफ्लेक्शन होगा किस प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ वोल्टेज के स्क्वायर के साथ, स्केल जो होगी वो नॉन लीनियर होगी, मगर जो करंट कॉइल और जो प्रेशर कॉइल होगी वैसा कनेक्टेड होगी लोड के साथ पैरेलली कनेक्टेड होगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को एज अ वाट मीटर के तौर पर यूज़ करेंगे और एज अ एम मीटर इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को जब हम लोग एज अ एम मीटर के तौर पर यूज़ करेंगे और वोल्ट मीटर के तौर पर यूज़ करेंगे तो क्या क्या सिमिलरिटीज़ होगी। रेसिस्टेंस जो होगा वो जो यहाँ पर अगर हम लोग देखें प्रेशर, दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या होगी, वंस अगेन रिपीटिंग द कॉन्सेप्ट, जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को एज अ एम मीटर और वोल्ट मीटर के तौर पर यूज़ करेंगे तो दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या होगी। पहली सिमिलरिटीज़ प्रेशर कॉइल और जो करंट कॉइल है सीरीज में कनेक्टेड होगी, राइट। फिर उसके बाद जो रेसिस्टेंस होगा वो सीरीज में कनेक्टेड होगा किसके साथ प्रेशर कॉइल के साथ। फिर तीसरा अगर हम लोग देखें, हमें जो स्केल जो मिलेगी वो कैसे मिलने वाली है नॉन लीनियर स्केल, ये सिमिलरिटीज़ हो गई। अभी डिफरेंसेस क्या मिलेगा, जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को एज अ एम मीटर के तौर पर यूज़ करेंगे तो करंट कॉइल और जो प्रेशर कॉइल होगी सीरीज में कनेक्टेड होगी किसके किसके साथ लोड के साथ, जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को एज अ वोल्ट मीटर के तौर पर यूज़ करेंगे तो करंट कॉइल और जो प्रेशर कॉइल होगी लोड के साथ कैसे कनेक्टेड होगी पैरेलली कनेक्टेड होगी। करंट कॉइल और जो प्रेशर कॉइल है लोड के साथ कैसे कनेक्टेड है पैरेलली कनेक्टेड है, राइट। तो यहाँ से फिर वंस अगेन रिपीटिंग द सेम कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को वाट मीटर के तौर पर यूज़ करेंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को वाट मीटर के तौर पर यूज़ करेंगे तो ऐसे केस में जो सीरीज रेसिस्टेंस होता है उसको हम लोग कौन से कनेक्शन में लगाते हैं सीरीज कनेक्शन में लगाते हैं किसके साथ वाट मीटर के साथ, जब इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को वाट मीटर के तौर पर यूज़ करते हैं डिफ्लेक्शन एवरेज पावर के साथ प्रोपोर्शनल होता है। फिर जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को एम मीटर के तौर पर यूज़ करते हैं तो जो प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल सीरीज में कनेक्टेड होती है, राइट। और दूसरा जो रेसिस्टेंस होगा सीरीज में कनेक्टेड होगा किसके साथ प्रेशर कॉइल के साथ, करंट कॉइल और जो प्रेशर कॉइल है सीरीज में कनेक्टेड होगी किसके साथ लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड होगी, जो डिफ्लेक्शन होगा प्रोपोर्शनल होगा करंट के स्क्वायर के साथ, और जो स्केल होगी वो कैसी होने वाली है नॉन लीनियर। फिर उसके बाद जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को ऐसा वोल्ट मीटर के तौर पर यूज़ करेंगे तो प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल अगेन कैसा कनेक्टेड होगी सीरीज में कनेक्टेड होने वाली है, और जो अपना जो रेसिस्टेंस होगा वो भी सीरीज में कनेक्टेड होगा किसके साथ प्रेशर कॉइल के साथ। लास्ट प्रेशर कॉइल और जो करंट कॉइल होगी लोड के साथ कैसे कनेक्टेड होगी पैरेलली कनेक्टेड होगी, और जो डिफ्लेक्शन होगा प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के स्क्वायर के साथ, और जो स्केल होगी वो कैसी होने वाली है नॉन लीनियर, और करंट कॉइल और जो प्रेशर कॉइल है लोड के साथ कैसे कनेक्टेड होगी पैरेलली कुछ इस तरीके से, राइट। और यहाँ पर जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को एम मीटर के तौर पर यूज़ करेंगे तो जो करंट कॉइल और जो प्रेशर कॉइल है सीरीज में कनेक्टेड होगी किसके साथ लोड के साथ, और जो रेसिस्टेंस होगा प्रेशर कॉइल के साथ सीरीज में कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पर ये जो सर्किट है किसके इलेक्ट्रोडायनामोमीटर एज अ एम मीटर, और यहाँ पर ये वाली जो सर्किट है वो है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर एज अ वोल्ट मीटर। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें डीसी पावर मेजरमेंट कैन बी डन बाय एम मीटर वोल्ट मीटर मेथड वोल्ट मीटर एम मीटर मेथड। डीसी पावर का जो मेजरमेंट है उसको हम लोग कर सकते हैं एम मीटर वोल्ट मीटर मेथड के हेल्प से और वोल्ट मीटर एम मीटर मेथड के हेल्प से, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीसी पावर का जो मेजरमेंट है उसको हम लोग कैसा कर सकते हैं, डीसी पावर मेजरमेंट कैन बी डन बाय डीसी पावर का जो मेजरमेंट है उसको हम लोग एम मीटर वोल्ट मीटर मेथड वोल्ट मीटर एम मीटर मेथड दोनों मेथड के हेल्प से कर सकते हैं, डीसी पावर को मेजर करने का काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एम मीटर वोल्ट मीटर मेथड के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे वोल्ट मीटर एम मीटर मेथड के बारे में, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें एम मीटर वोल्ट मीटर मेथड वोल्ट मीटर एम मीटर मेथड दोनों में हमें पहला कंसीडर करना है लोड, दोनों में हमें लोड कंसीडर करना है। तो जो एम मीटर वोल्ट मीटर मेथड है यहाँ पर अगर हम लोग देखें एम मीटर क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है, और जो करंट है उसके साथ सीरीज एसोसिएटेड है पैरेलल सीरीज एसोसिएटेड है। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज मेजर करता है, वोल्टेज के साथ सीरीज है पैरेलल है, वोल्टेज के साथ पैरेलल एसोसिएटेड है, पैरेलल टर्म एसोसिएटेड है।
सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट होता है। सीरीज रेजिस्टेंस पैरेलल रेजिस्टेंस का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, तो सीरीज के साथ करंट, पैरेलल के साथ वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, यहाँ पर आप लोगों को सर्किट किस तरीके से बनाना है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको लोड कंसिडर करना है। यहाँ पर हमने लोड बना दिया, पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, एम मीटर दिखाई दे रहा है, राइट, एम मीटर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एम मीटर के साथ क्या एसोसिएटेड होता है, करंट, और करंट के साथ सीरीज होता है, राइट। तो जो एम मीटर होगा लोड के साथ कैसा लगेगा, लोड के साथ सीरीज में लगेगा। अभी हमने एम मीटर को हमने लोड के साथ सीरीज में लगा दिया। अब जो वोल्ट मीटर होगा वो कैसा लगेगा, अपोजिट कनेक्शन में लगेगा, मतलब पैरेलली लगेगा, राइट, लोड के साथ। अब वोल्ट मीटर एम मीटर मैटर, यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर लगा, लोड लगा दिया। अब वोल्ट मीटर अगर हम लोग देखें, वोल्ट मीटर मतलब वोल्टेज, वोल्टेज मतलब क्या, पैरेलल, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देखो, जो वोल्ट मीटर होगा वो कैसा होगा, जो वोल्ट मीटर होगा ये लोड के साथ पैरेलल लगेगा। तो जो वोल्ट मीटर है लोड के साथ हमने कैसा लगा दिया, पैरेलल। अब ये जो लोड है इसके साथ हमने वोल्ट मीटर को पैरेलल लगा दिया। अभी जो एम मीटर होगा वो अपोजिट कनेक्शन में होगा, मतलब जो एम मीटर होगा वो सीरीज कनेक्शन में होगा, किसके साथ, लोड के साथ। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। कैसा याद रखना है, वन सेकंड रिपीटिंग द सेम कॉन्सेप्ट, एम मीटर वोल्ट मीटर मेथड है। तो सबसे पहला यहाँ पर लगा दो लोड, राइट। अब यहाँ पर एम मीटर है, एम मीटर अगर हम लोग देखें, एम मीटर से करंट, करंट से सीरीज। तो जो एम मीटर होगा लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड होगा, तो जो एम मीटर है उसको हमने लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अभी जो वोल्ट मीटर होगा वो अपोजिट कनेक्शन में कनेक्टेड होगा। एम मीटर अगर सीरीज में कनेक्टेड है लोड के साथ, तो जो वोल्ट मीटर होगा लोड के साथ कैसा कनेक्टेड होगा, पैरेलली कनेक्टेड होगा। दूसरा जो मेथड है वो है वोल्ट मीटर एम मीटर मेथड। वोल्ट मीटर मतलब क्या, वोल्टेज, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज। तो वोल्टेज मतलब क्या, पैरेलल, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो लोड है इसके साथ हमने वोल्ट मीटर को कैसा लगा दिया, पैरेलल। अभी वोल्ट मीटर को हमने लोड के साथ पैरेलल लगा दिया, तो जो एम मीटर होगा अपोजिट कनेक्शन में होगा, इसका मतलब जो एम मीटर होगा वो सीरीज में कनेक्टेड होगा। तो एम मीटर को हमने कैसा लगा दिया, सीरीज में कनेक्टेड लगा दिया, किसके साथ, लोड के साथ। कुछ इस तरीके से याद रखना है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया, जो एमीटर है लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, और जो वोल्ट मीटर है लोड के साथ कैसे कनेक्टेड है, जो वोल्ट मीटर है लोड के साथ, जो एमीटर है यहाँ पर लोड के साथ कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, एमीटर कनेक्टेड सीरीज विद द लोड। यहाँ पर जो एमीटर है वो कैसा कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, और जो वोल्ट मीटर है वो कैसा कनेक्टेड है, पैरेलल, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देखो, पहला वाला इंस्ट्रूमेंट कंसीडर करना है एमीटर। तो जो एमीटर है लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो एमीटर है लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ पर ये पहला वाला इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर लोड के साथ कैसा कनेक्टेड है, पैरेलली। तो जो वोल्ट मीटर है लोड के साथ कैसा कनेक्टेड है, पैरेलली, राइट। एम मीटर कनेक्टेड नियर दी लोड इन सीरीज। तो यहाँ पर आप लोग देखो, दूसरा पॉइंट, एम मीटर लोड के नियर में कनेक्टेड है, और यहाँ पर वोल्ट मीटर लोड के नियर में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है, जो एम मीटर है वो लोड के नियर कनेक्टेड है, और यहाँ पर ये वाले केस में जो वोल्ट मीटर है वो लोड के नियर कनेक्टेड है। यहाँ पर आप लोग देखो, ये वाले केस में अगर हम लोग देखें, जो एम मीटर है लोड के करीब है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये एम मीटर वोल्ट मीटर मेथड में जो एरर होगा किसके वजह से होगा, एम मीटर की वजह से होगा, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देखो, एरर अकर ड्यू टू एम मीटर ओनली, जो एरर है किसके वजह से होगा, एम मीटर की वजह से होगा। जो एरर है किसके वजह से होगा, एम मीटर की वजह से होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखो, एरर अकर ड्यू टू एम मीटर ओनली। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर लोड के करीब में कौन है, वोल्ट मीटर है। तो यहाँ पर जो एरर होगा किसके वजह से होगा, वोल्ट मीटर की वजह से, एरर अगर ड्यू टू वोल्ट मीटर ओनली। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो एम मीटर वोल्ट मीटर मेथड है, ये बेसिकली हाई लोड के लिए सूटेबल होता है, और यहाँ पर ये वाला जो कनेक्शन है ये हाई लोड के लिए सूटेबल नहीं होता, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देखो, सूटेबल फॉर हाई लोड, सूटेबल फॉर लाइट लोड, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देखो, एम मीटर वोल्ट मीटर मेथड ये हाई लोड के लिए सूटेबल होता है। किसके लिए सूटेबल होता है, हाई लोड के लिए सूटेबल होता है, राइट। तो जो एम मीटर वोल्ट मीटर मेथड है ये हाई लोड के लिए सूटेबल होता है। इसको आप लोग कैसे याद रखोगे, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एम मीटर पहला आ गया, इसका मतलब क्या है, करंट। आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ, अदरवाइज इसका टेक्निकल कंसेप्ट से कुछ लेना देना नहीं है, जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। पहला क्या आ गया, एमीटर आ गया। एमीटर का मतलब क्या हो गया, करंट हो गया। अगर करंट अगर ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में आपको जो कंडक्टर है, करंट अगर ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में जो कंडक्टर है उसका जो साइज़ होगा वो आपको क्या करना होगा, इंक्रीज़ करना होगा। पावर सिस्टम में पड़ा है, वोल्टेज अगर ज़्यादा है तो कंडक्टर का साइज़ कम होगा। मगर यहाँ पर एमीटर आ गया, एमीटर मतलब करंट, करंट ज़्यादा है, करंट ज़्यादा है इसका मतलब कंडक्टर का जो साइज़ होगा वो इंक्रीज़ करना होगा, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देखो, कंडक्टर का साइज़ आप लोग इंक्रीज़ करोगे तो ऐसे केस में आप लोग देखो, आपका जो लोड होगा, कंडक्टर का साइज़ आपने इंक्रीज़ किया, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हाई लोड के लिए कैपेबल है। ये वाला जो कनेक्शन है, कंडक्टर का साइज़ आपने इंक्रीज़ किया, तो ऐसे केस में जो लोड होगा वो इंक्रीज़ होगा, राइट। तो ऐसे केस में ये जो मेथड है ये बेसिकली हाई लोड के लिए एप्लीकेबल होता है। मेरी मेमोराइजिंग करने की ट्रिक है, अदरवाइज ये जो ट्रिक जो बताऊँ इसका टेक्निकल कंसेप्ट से कुछ लेना देना नहीं है। तो जो एम मीटर वोल्ट मीटर जो मेथड है ये हाई लोड के लिए सूटेबल होता है, और यहाँ पर ये जो वोल्ट मीटर एम मीटर मेथड है ये लो लोड के लिए सूटेबल होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सूटेबल ओनली फॉर लो लोड, या फिर आप लोग बोल सकते हो लाइट लोड। एम मीटर आ गया, एम मीटर वोल्ट मीटर आ गया, एम मीटर मतलब करंट, करंट अगर ज़्यादा होगा तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें, हाई कॉस्ट जाएगा हमारे कंडक्टर में, हाई मतलब हाई लोड। तो यहाँ पर आप लोग देखो, सूटेबल फॉर हाई लोड, और यहाँ पर ये जो वोल्ट मीटर एम मीटर मैटर है लो लोड के लिए या फिर लाइट लोड के लिए सूटेबल होता है।
फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें एमीटर वोल्टमीटर मेथड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई रेसिस्टेंस एंड लो करंट। एमीटर वोल्टमीटर मेथड जो ये हाई रेसिस्टेंस को मेजर करता है और लो करंट को मेजर करता है, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर कुछ अपोजिट हो जाएगा। ये बेसिकली जो एमीटर वोल्टमीटर मेथड है, ये बेसिकली हाई रेसिस्टेंस है। यहाँ पर पहला एमीटर आ गया, इसका मतलब आपके माइंड में करंट आएगा, करंट को मेजर करेगा। मगर यहाँ पर आप लोग देखो, ये करंट को मेजर नहीं करेगा, करंट को कम मेजर करेगा, मगर रेसिस्टेंस को हाई मेजर करेगा। यूज टू मेजरमेंट ऑफ हाई रेसिस्टेंस एंड लो करंट। यहाँ पर ये वाला जो मेथड है, ये हाई रेसिस्टेंस लो करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर ये वाला जो मेथड है, ये बेसिकली हाई करंट लो रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप लोगों को ये दो ही आप लोगों को ये याद रखना है, ये सूटेबल फॉर हाई लोड लो लोड। तो इसको कैसे याद रखोगे, वन सेकंड रिपीटिंग दी कॉन्सेप्ट। एमीटर वोल्टमीटर मेथड, एमीटर से क्या क्लिक होता है, करंट ट्रांसमिशन लाइन का करंट आप कंसीडर कर लो। ट्रांसमिशन लाइन का करंट अगर बढ़ेगा, तो ऐसे केस में आप लोग देखो जो ट्रांसमिशन लाइन पर जो लोड होगा वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखो, जो एमीटर वोल्टमीटर मेथड है, ये बेसिकली हाई लोड के लिए एप्लीकेबल है। और ये वोल्टमीटर एमीटर मेथड लो लोड के लिए एप्लीकेबल है। पहला एमीटर वोल्टमीटर, एमीटर आ गया, इसका मतलब करंट, इसका मतलब ये करंट मेजर करेगा, मगर ऐसा नहीं होगा, अपोजिट होगा, राइट। ये कम करंट को मेजर करेगा। एमीटर आ गया, इसका मतलब ये ज़्यादा करंट को मेजर करेगा। एमीटर वोल्टमीटर मेथड, पहला एमीटर आ गया, इसका मतलब ये ज़्यादा करंट को मेजर करेगा, राइट। तो यहाँ पर ये ज़्यादा करंट को मेजर नहीं करेगा, ये कम करंट को मेजर करेगा। एमीटर वोल्टमीटर मेथड कम करंट को मेजर करेगा और हाई रेसिस्टेंस को मेजर करेगा। और वोल्टमीटर एमीटर मेथड क्या करेगा, जो वोल्टमीटर एमीटर मेथड है, ये हाई करंट और लो रेसिस्टेंस को मेजर करेगा। यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई करंट एंड लो रेसिस्टेंस। जस्ट होल्ड ऑन। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, वैन इलेक्ट्रोडायनोमीटर इज यूज एज अ वाट मीटर। जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनोमीटर को वाट मीटर के तौर पर यूज़ करते हैं, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोडायनोमीटर एज अ वाट मीटर ये कौन से पावर को मेजर करेगा, एवरेज पावर को मेजर करेगा। इट कैन बी यूज फॉर हाई पावर मेजरमेंट। ये बेसिकली हाई पावर, जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनोमीटर को एज अ वाट मीटर के तौर पर यूज़ करते हैं, तो ऐसे केस में ये जो वाट मीटर होगा क्या करेगा, हाई पावर को मेजर करेगा, राइट। अब यहाँ पर ये जो हाई पावर है कौन सा पावर है, एवरेज पावर है कौन सा पावर है, तो एवरेज पावर होने वाला है, राइट। जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनोमीटर को एज अ वाटमीटर के तौर पर यूज़ करते हैं, तो हम लोग स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म यूज़ करते हैं फॉर कंट्रोलिंग टॉर्क। और जो डैम्पिंग होता है वो कौन सी डैम्पिंग होती है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है। स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म और ये एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मिलना ही मिलना है। तो स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क में, राइट। और यहाँ पर आप लोग देखो, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब इलेक्ट्रोडायनोमीटर को हम लोग एज अ वाटमीटर के तौर पर यूज़ करते हैं, तो ऐसे केस में होता क्या है, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का इंपैक्ट होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, हैज़ इफेक्ट ऑफ स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज इट्स इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड इज वीक, राइट। तो इलेक्ट्रोडायनोमीटर को जब हम लोग एज अ वाट मीटर के तौर पर यूज़ करते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड है उसका भी इंपैक्ट गिरता है, क्योंकि जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होती है इलेक्ट्रोडायनोमीटर एज अ वाट मीटर की, वो बहुत वीक होती है, राइट। तो यहाँ से हमने क्या क्या समझा, जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनोमीटर को वाट मीटर के तौर पर यूज़ करेंगे, तो ये इलेक्ट्रोडायनोमीटर एज अ वाट मीटर हाई पावर को मेजरमेंट करेगा। दूसरा जो पावर होगा कौन सा पावर होगा, एवरेज पावर होगा। तीसरा जो मैकेनिज्म होगा कंट्रोलिंग टॉक के लिए, स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म होगा। और हम लोग जो डैम्पिंग जो प्रोवाइड करेंगे, कौन सी डैम्पिंग होने वाली है, हेयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होने वाली है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोडायनोमीटर को हम लोग एज अ वाट मीटर के तौर पर यूज़ करेंगे, तो जो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट होता है वो भी होता है, राइट। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का इंपैक्ट होता है इलेक्ट्रोडायनोमीटर एज अ वाट मीटर। और ये जो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड है, इसका जो इंपैक्ट है, इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बेसिकली शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, इलेक्ट्रोडायनोमीटर को वाट मीटर के तौर पर यूज़ करेंगे, तो ऐसे किसमें डिफ्लेक्टिंग टॉक के लिए हमारे पास ये वाला रिलेशन होता है, I1 I2 cos phi, यहाँ पर ये dm/dθ। यहाँ पर ये इक्वेशन होता है किसके लिए, डिफ्लेक्टिंग टॉक के लिए, जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनोमीटर को एज अ वाट मीटर के तौर पर यूज़ करते हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनोमीटर को वाट मीटर के तौर पर यूज़ करते हैं, तो जो डिफ्लेक्शन होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, एवरेज पावर के साथ, राइट। तो जो डिफ्लेक्शन होता है किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है, एवरेज पावर के साथ एसोसिएटेड होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन टॉक के लिए इक्वेशन। और जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनोमीटर को एज अ वाट मीटर के तौर पर यूज़ करते हैं, तो जो डिफ्लेक्शन होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, एवरेज पावर के साथ। तो अभी बात करते हैं ब्लॉन्डल्स थ्योरम के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अकॉर्डिंग टू ब्लॉन्डल्स थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक थ्योरम होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ब्लॉन्डल्स थ्योरम। तो ब्लॉन्डल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग टू ब्लॉन्डल्स थ्योरम, इन एनी एन वायर सिस्टम वेयर न्यूट्रल इज नॉट प्रेजेंट, द नंबर ऑफ वाट मीटर रिक्वायर इज n-1। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ब्लॉन्डल्स थ्योरम हमें क्या बोलता है, किसी भी एन वायर सिस्टम में
अगर न्यूट्रल अगर प्रेजेंट नहीं होता है किसी भी एन वायर सिस्टम में, न्यूट्रल अगर प्रेजेंट अगर नहीं होता है तो ऐसे केस में जो टोटल नंबर ऑफ वॉट मीटर होगा वो कितना होने वाला है, एन माइनस वन होने वाला है। तो यहाँ पर हमने ब्लॉन्डल्स थ्योरम से क्या समझा, किसी भी एन वायर सिस्टम में अगर न्यूट्रल अगर प्रेजेंट नहीं होता है तो ऐसे केस में जो टोटल नंबर ऑफ वॉट मीटर होगा वो कितना होने वाला है, एन माइनस वन होने वाला है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो ब्लॉन्डल्स थ्योरम है ये एप्लीकेबल है दोनों सिस्टम के लिए, बैलेंस सिस्टम के लिए भी और अनबैलेंस सिस्टम के लिए भी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ब्लॉन्डल्स थ्योरम है ये बेसिकली एप्लीकेबल होता है दोनों सिस्टम के लिए, बैलेंस सिस्टम के लिए भी एप्लीकेबल होता है और अनबैलेंस सिस्टम के लिए भी एप्लीकेबल होता है। और ये जो ब्लॉन्डल्स थ्योरम है ये एप्लीकेबल है जब न्यूट्रल टर्मिनल प्रेजेंट नहीं होता है सिस्टम में, राइट। तो जैसे कि हमने बात किया अकॉर्डिंग टू ब्लॉन्डल्स थ्योरम किसी भी एन वायर सिस्टम में न्यूट्रल अगर प्रेजेंट नहीं होता है तो टोटल नंबर ऑफ जो वॉट मीटर होता है वो होता है एन माइनस वन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अकॉर्डिंग टू ब्लॉन्डल्स थ्योरम इन एनी थ्री वायर सिस्टम नंबर ऑफ वॉट मीटर रिक्वायर इज टू। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने बात किया ब्लॉन्डल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी थ्री वायर सिस्टम में जिसमें न्यूट्रल टर्मिनल प्रेजेंट ना हो तो ऐसे किसमें जो नंबर ऑफ वॉट मीटर होने वाला है वो कितना होने वाला है, टू होने वाला है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए तब जाके ब्लॉन्डल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें अकॉर्डिंग टू ब्लॉन्डल्स थ्योरम फोर वायर सिस्टम में जो नंबर ऑफ वॉट मीटर होगा कितना होगा, वो होगा थ्री। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें न्यूट्रल यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए, तो ब्लॉन्डल्स थ्योरम हमें क्या बोलता है, थ्री वायर सिस्टम में जो नंबर ऑफ वॉट मीटर होगा वो होगा टू, फोर वायर सिस्टम में जो नंबर ऑफ वॉट मीटर होगा वो कितना होने वाला है, थ्री, राइट। एक आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, मगर कंडीशन के जो कंडीशन ये कि जो न्यूट्रल है वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें नोट डैट ब्लॉन्डल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन न्यूट्रल इज नॉट प्रेजेंट इन द सिस्टम। जो ब्लॉन्डल्स थ्योरम है वो तभी एप्लीकेबल होता है जब सिस्टम में न्यूट्रल प्रेजेंट नहीं होता। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ब्लॉन्डल्स थ्योरम है वो तभी एप्लीकेबल है जब सिस्टम में न्यूट्रल प्रेजेंट नहीं है। अगर सिस्टम में अगर न्यूट्रल प्रेजेंट है तो ऐसे केस में जो ब्लॉन्डल्स थ्योरम है वो हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ब्लॉन्डल्स थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर थ्री फेस फोर वायर सिस्टम। जो ब्लॉन्डल्स थ्योरम है ये थ्री फेस फोर वायर सिस्टम के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होता, राइट, बिकॉज दिस सिस्टम कंटेन न्यूट्रल एंड ब्लॉन्डल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन नो न्यूट्रल इज प्रेजेंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें थ्री फेस फोर वायर सिस्टम, थ्री फेस फोर वायर सिस्टम से आप लोग क्या समझते हो, थ्री फेस मिलेंगी आर वाई बी और एक वायर मिलेगा, और वो जो वायर हो कौन सा वायर है, न्यूट्रल वायर है। तो न्यूट्रल वायर के लिए ब्लॉन्डल्स थ्योरम एप्लीकेबल होता है क्या? तो जो ब्लॉन्डल्स थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं होता थ्री फेस फोर वायर सिस्टम के लिए। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसीडर किया थ्री फेस फोर वायर बैलेंस सिस्टम, और यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया थ्री फेस फोर वायर अनबैलेंस सिस्टम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें थ्री फेस फोर वायर सिस्टम ही कंसीडर करना है। थ्री फेस फोर वायर सिस्टम हम लोग पहला कंसीडर करेंगे क्योंकि थ्री फेस फोर वायर सिस्टम में अगर हम लोग देखें हमें न्यूट्रल टर्मिनल मिलता है और जो न्यूट्रल है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें थ्री फेस फोर वायर सिस्टम, थ्री फेस फोर वायर बैलेंस सिस्टम, और यहाँ पर ये थ्री फेस फोर वायर अनबैलेंस सिस्टम। हमारे पास दो सिस्टम है, थ्री फेस फोर वायर सिस्टम और थ्री फेस सिस्टम। अगर मैं आपको बोलूँ कौन सा सिस्टम आप चूज़ करोगे तो ऑब्वियसली आप करने वाले हो थ्री फेस फोर वायर सिस्टम, राइट, क्योंकि आपको न्यूट्रल मिल जाता है और न्यूट्रल के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, राइट। तो थ्री फेस जैसे कि हमने बात की हम लोग कंसिडर करने वाले थ्री फेस फोर वायर सिस्टम। अगर मैं आपको थ्री फेस फोर वायर सिस्टम और थ्री फेस सिस्टम दूँ तो आप लोग कौन सा सिस्टम कंसिडर करोगे, थ्री फेस फोर वायर सिस्टम कंसिडर करोगे। दो सिस्टम होता है हमारे पास, थ्री फेस फोर वायर सिस्टम होता है, थ्री फेस थ्री वायर सिस्टम होता है। अगर मैं आपको थ्री फेस फोर वायर सिस्टम और थ्री फेस थ्री वायर सिस्टम ये दोनों सिस्टम देता हूँ तो आप कौन सा सिस्टम कंसिडर करोगे, ऑब्वियसली आप थ्री फेस फोर वायर सिस्टम कंसिडर करोगे। अगर आपको मैं बैलेंस सिस्टम देता हूँ और अनबैलेंस सिस्टम देता हूँ तो दोनों में से कौन सा सिस्टम कंसिडर करोगे, बैलेंस सिस्टम कंसिडर करोगे। तो यही लॉजिक लगा के हमें ये टेबल बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग थ्री फेस फोर वायर बैलेंस सिस्टम कंसिडर करेंगे, फिर थ्री फेस फोर वायर अनबैलेंस सिस्टम कंसिडर करेंगे, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये मिनिमम वॉट मीटर और यहाँ पर ये मैक्सिमम वॉट मीटर, राइट। तो यहाँ पर ये थ्री फेस फोर वायर बैलेंस सिस्टम में जो मिनिमम जो वॉट मीटर होता है वो होता है एक, और जो मैक्सिमम जो वॉट मीटर है वो कितना है, वो है 13, राइट। फिर उसके बाद थ्री फेस फोर वायर अनबैलेंस सिस्टम में मिनिमम वॉट मीटर हमें कितना लगेगा, दो, और मैक्सिमम वॉट मीटर हमें कितना लगने वाला है, तीन मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, तीन मिलने वाला है। तो इसको हम लोग कैसे याद रखें, यहाँ पर ये आपको ये बनाना ही होगा, ये देखो इसको आप लोग कोई तरीके से याद नहीं रख सकते हो। तो आपको ये क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, ये आपको अल्टीमेटली रटना ही होगा, क्योंकि अगर आपको याद रखना है तो आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, और यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट समझते बैठोगे तो आपका एक दो घंटा आसानी से जाना ही जाना है। तो उससे अच्छा आप इसको एनी हाउ ट्रिक लगा के याद कर लो, राइट, फोर्सफुली याद कर लो। तो याद रखने की मैं ट्रिक बताया, थ्री फेस फोर वायर सिस्टम और थ्री फेस थ्री वायर सिस्टम, पहला कंसीडर करोगे थ्री फेस फोर वायर सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोग कहानी कंसीडर कर रहे हैं थ्री फेस फोर वायर सिस्टम की। पहला बैलेंस सिस्टम कंसीडर करोगे, अनबैलेंस सिस्टम कंसीडर करोगे थ्री फेस फोर वायर सिस्टम में, बैलेंस सिस्टम कंसीडर करोगे। तो यहाँ पर ये थ्री फेस फोर वायर बैलेंस सिस्टम, थ्री फेस फोर वायर अनबैलेंस सिस्टम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये मिनिमम वॉट मीटर मैक्सिमम वॉट मीटर, मिनिमम वॉट मीटर आपको नंबर कंसीडर कर लेना है 13, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये 1 और यहाँ पर ये 3, तो मिनिमम वॉट मीटर कितना,
आप यहाँ पर लॉजिक लगाओ, कम से कम वाट मीटर आप लोग कितना यूज़ कर सकते हो? कम से कम एक वाट मीटर यूज़ कर सकते हो? जीरो वाट मीटर यूज़ कर सकते हो क्या? नहीं यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर कम से कम एक वाट मीटर यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पर ये वन। मैक्सिमम वाट मीटर कितना यूज़ कर सकते हो? थ्री फेज सिस्टम है तो मैक्सिमम वाट मीटर कितना होने वाला है? तीन होने वाला है, राइट? तो कुछ इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। अभी थ्री फेज फोर वायर अनबैलेंस सिस्टम आपने कंसीडर किया है, राइट? आपका जो सिस्टम है वो कैसा है? वो अनबैलेंस सिस्टम। तो सिंपली क्या करना है, थ्री में टेन ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, थर्टीन में टेन ऐड करना है तो आपको क्या मिल जाएगा, 23 मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये टू थ्री। एग्जाम से एक दिन पहले आप इसको बना लेना, देखना दूसरे दिन तक क्या आप भूलोगे नहीं, दूसरे क्या तीसरे दिन तक क्या आप भूलोगे नहीं, राइट? फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये टाइप ऑफ सिस्टम हमने कंसीडर किया है। अगेन यहाँ पर हमने कौन सा सिस्टम, पहले हमने थ्री फेज फोर वायर सिस्टम यहाँ पर कंसीडर किया था जिसमें बैलेंस और अनबैलेंस सिस्टम कंसीडर किया था। अभी हम लोग कंसीडर करने वाले थ्री फेज थ्री वायर बैलेंस सिस्टम एंड थ्री फेज थ्री वायर अनबैलेंस सिस्टम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, थ्री फेज थ्री वायर बैलेंस सिस्टम, थ्री फेज थ्री वायर अनबैलेंस सिस्टम, यानी मिनिमम वाट मीटर फॉर पावर मेजरमेंट, मैक्सिमम वाट मीटर फॉर पावर मेजरमेंट, चारों बाजू टू डाल दो, यहाँ पर भी टू, यहाँ पर भी टू, यहाँ पर भी टू, यहाँ पर भी टू, राइट? तो थ्री फेज थ्री वायर बैलेंस सिस्टम, थ्री फेज थ्री वायर अनबैलेंस सिस्टम, इसका कुछ मसला ही नहीं है। दो ही वाट मीटर लगेगा मिनिमम, और मैक्सिमम भी आपको कितना लगने वाला है? दो ही लगने वाला है। तो कुछ इस तरीके से याद रख सकते हो आप। और ये जो क्वेश्चन था, ये हाल ही में एसएससी जी 2022 में पूछा गया था। तो ये जो अभी जो रिसेंट जो एग्जामिनेशन हुआ है अपना नवंबर में, जो 14 नवंबर को जो हुआ था 2022 को, 14 2022 14 नवंबर, तभी ये बेसिकली ये पूछा गया था आफ्टरनून शिफ्ट में, 2 बजे का जो पेपर होता है, 11 से 2 बजे का, तो वाली शिफ्ट में पूछा गया था, राइट? तो थ्री फेज थ्री वायर बैलेंस सिस्टम में मिनिमम वाट मीटर टू, मैक्सिमम वाट मीटर टू, और यहाँ पर ये थ्री फेज थ्री वायर अनबैलेंस में भी टू टू, राइट? हम यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी बात करते हैं एरर इन वाट मीटर, वाट मीटर में कौन कौन से एरर होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एरर ड्यू टू कनेक्शन ऑफ वाट मीटर, सबसे पहला कनेक्शन की वजह से आपको एरर मिलेगा, एरर इन वाट मीटर, एरर ड्यू टू कनेक्शन ऑफ वाट मीटर, राइट? व्हेन लोड करंट इज लो, व्हेन लोड करंट इज हाई, राइट? तो यहाँ पर जब लोड करंट, एरर ड्यू टू कनेक्शन ऑफ वाट मीटर, जैसे हमने बात किया एरर इन वाट मीटर, कौन कौन से एरर मिलेगा? सबसे पहला कनेक्शन की वजह से एरर मिलेगा। दूसरा अगर हम लोग देखें, एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल करंट फ्लोइंग फ्रॉम करंट कॉइल, प्रेशर कॉइल का करंट और करंट कॉइल का करंट बराबर से नहीं फ्लो होने की वजह से भी आपको एरर मिलेगा। प्रेशर कॉइल का करंट करंट कॉइल में फ्लो कर गया तो भी आपको एरर मिलेगा। एरर ड्यू टू पोटेंशियल कॉइल इंडक्टेंस, पोटेंशियल कॉइल इंडक्टेंस के वजह से भी आपको क्या मिलेगा? एरर मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, हाईली रेसिस्टिव पोटेंशियल कॉइल हो गई, हाईली रेसिस्टिव इंडक्टर कॉइल हो गई, इंडक्टिव कॉइल हो गई, हाईली इंडक्टिव पोटेंशियल कॉइल हो गई, क्या बोल रहा हूँ यार मैं। तो वंस अगेन रिपीटिंग द सेम कॉन्सेप्ट, एरर इन वाट मीटर, वाट मीटर में कौन कौन सा एरर होता है? सबसे पहला होता है कनेक्शन के वजह से, एरर ड्यू टू कनेक्शन ऑफ वाट मीटर, राइट? तो कनेक्शन ऑफ वाट मीटर में कौन किस किस वजह से एरर हो सकता है? जब लोड करंट लो हो, जब लोड करंट हाई हो, तो ऐसे केस में आपको एरर मिलेगा ड्यू टू कनेक्शन। फिर उसके बाद एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल करंट एंड एरर ड्यू टू करंट कॉइल करंट, प्रेशर कॉइल का करंट अगर करंट कॉइल में फ्लो कर जाए, करंट कॉइल का करंट अगर प्रेशर कॉइल में फ्लो कर जाए, तो भी आपको क्या मिलने वाला है? एरर मिलने वाला है। फिर उसके बाद जो प्रेशर कॉइल जो होती है, जिसको हम लोग पोटेंशियल कॉइल भी बोलते हैं, ये पोटेंशियल कॉइल की वजह से भी एरर मिलता है, एरर ड्यू टू पोटेंशियल कॉइल। तो यहाँ पर आप लोग देखो, जो पोटेंशियल कॉइल की वजह से जो एरर जो मिल रहा है, उसका रीज़न क्या हो सकता है? जो पोटेंशियल कॉइल है वो हाईली रेसिस्टिव हो सकती है या फिर हाईली इंडक्टिव हो सकती है। तो यहाँ से हमने तीन एरर के बारे में बात किया, वाट मीटर के कनेक्शन की वजह से एरर मिलेगा जब लोड करंट हाई हो, या फिर जब लोड करंट लो हो तो वाट मीटर के कनेक्शन की वजह से एरर मिलेगा, प्रेशर कॉइल का करंट करंट कॉइल, या फिर करंट कॉइल का करंट प्रेशर कॉइल में फ्लो करने की वजह से भी आपको एरर मिलने वाला है। सिमिलरली जो पोटेंशियल कॉइल है, उसके वजह से भी आपको एरर मिल सकता है, पोटेंशियल कॉइल हाईली रेसिस्टिव होने की वजह से, पोटेंशियल कॉइल हाईली इंडक्टिव होने की वजह से भी आपको एरर मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एलसी कनेक्शन ऑफ वाट मीटर इज़ यूज फॉर हाई करंट एप्लीकेशन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एलसी कनेक्शन होता है इंडक्टर कैपेसिटर कनेक्शन होता है, तो जो एलसी कनेक्शन होता है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एलसी कनेक्शन ऑफ वाट मीटर इज़ यूज फॉर हाई करंट एप्लीकेशन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, वाट मीटर का एक कनेक्शन होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एलसी कनेक्शन। तो जो एलसी कनेक्शन होता है वाट मीटर का, इसको हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं हाई करंट एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, जो एलसी कनेक्शन होता है वाट मीटर का, इसको हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली कौन से एप्लीकेशन के लिए? हाई करंट एप्लीकेशन के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है कि जो हाई करंट एप्लीकेशन है उसमें हम लोग वाट मीटर का कौन सा कनेक्शन प्रीफर करेंगे, कौन सा कनेक्शन प्रीफर करेंगे? एलसी कनेक्शन प्रीफर करेंगे। सबसे पहला अगर हम लोग देखें, एल आ गया, और एल का मतलब क्या है? इंडक्टर, और इंडक्टर क्या कर सकता है? हाई अमाउंट ऑफ करंट को
स्टोर कर सकता है, राइट, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, राइट। तो जो एल सी कनेक्शन होता है वॉट मीटर का, ये बेसिकली हाई करंट एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। एल पहला आ गया इंडक्टर, इंडक्टर का मतलब हाई करंट, आप लोग रिलेट कर सकते हो, मगर इसका टेक्निकल कंसेप्ट से कुछ लेना देना नहीं है ट्री के याद रखने की। तो जो एल सी कनेक्शन है वॉट मीटर का, इसको हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं हाई करंट एप्लीकेशन के लिए। और जो एम सी कनेक्शन है वॉट मीटर का, हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं लो करंट एप्लीकेशन के लिए। अगर एल सी अगर हाई करंट के लिए चले गया तो जो एम सी है वो लो करंट के लिए चले जाएगा। तो जो एम सी कनेक्शन होता है वॉट मीटर का, इसको हम लोग यूज़ करते हैं लो करंट एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमारे पास एक फैक्टर होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं करेक्शन फैक्टर वॉट मीटर में। तो जो करेक्शन फैक्टर होता है वो रेशियो होता है किसका, ट्रू पावर का और मेजर्ड पावर का। ट्रू पावर और मेजर्ड पावर दोनों का अगर हम लोग रेशियो ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा करेक्शन फैक्टर। तो जो करेक्शन फैक्टर है ये कुछ नहीं है, जैसे बेसिकली रेशियो है, किसका रेशियो है, ट्रू पावर और मेजर्ड पावर। तो ट्रू पावर और मेजर्ड पावर दोनों का अगर हम लोग रेशियो ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, करेक्शन फैक्टर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, करेक्शन फैक्टर। ट्रू पावर को हम लोग शो करते हैं पी सबस्क्रिप्ट में टी से, और जो मेजर्ड पावर है इसको हम लोग शो करते हैं पी सबस्क्रिप्ट में एम से। तो ट्रू पावर और मेजर्ड पावर दोनों का रेशियो ले ले तो हमें क्या मिल जाएगा, करेक्शन फैक्टर मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर ट्रू पावर अगर ज़्यादा होता है मेजर्ड पावर के कंपैरिजन में, तो ऐसे केस में जो करेक्शन फैक्टर होगा वन से ज़्यादा होगा, राइट। और ऐसे केस में अगर हम लोग देखें जब ट्रू पावर ज़्यादा होगा, तो ऐसे केस में जो पावर फैक्टर होने वाला है वो कैसा होने वाला है, लैगिंग होने वाला है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, करेक्शन फैक्टर से हमने क्या समझा, इसको हम लोग कैसे याद रखें, सी टी एम। यहाँ पर ये सी टी और यहाँ पर ये एम, तो आप लोग सी टी एम इससे रिलेट कर सकते हो। सी टी एम बेसिकली एक कंपनी का नाम है, सी टी एम, राइट। सी टी एम से आप लोग कैटरिंग एंड टूरिज्म भी कंसिडर कर सकते हो, सी टी एम। यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर ये बेसिकली जो कॉम्पिटिटिव जो एनालिसिस जो प्लेलिस्ट है, इसमें हम लोग कट टू कट कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, और वो कॉन्सेप्ट को किस तरीके से हम लोग याद रखें उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अजीबो गरीब ट्रिक देते रहता हूँ जो कि मैं यूज़ किया था, अगर आपको सही लगती तो आप लोग कंसिडर कर सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो, राइट। जो कि मैं बार बार बोलते जा रहा हूँ, आप बिल्कुल भी ऐसा अनॉइंग मत होना कि ये क्या है ये सब याद रखने के लिए ट्रिक व्रिक, राइट। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका है पूरे टेक्निकल कंसेप्ट के बारे में बाकी की प्लेलिस्ट में, राइट। तो जो करेक्शन फैक्टर होता है रेशियो होता है किसका, ट्रू पावर का मेजर्ड पावर का, सी टी एम कैटरिंग एंड टूरिज्म, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देखो, जब ट्रू पावर ज़्यादा होगा और मेजर्ड पावर कम होगा, तो ऐसे केस में अगर जब ट्रू पावर ज़्यादा होगा तो जो करेक्शन फैक्टर होगा वो ज़्यादा होगा। यहाँ पर आप लोग कैसे याद रख सकते हो, ट्रू पावर क्या है न्यूमेरेटर में, करेक्शन फैक्टर भी न्यूमेरेटर में। ट्रू पावर बढ़ेगा तो जो करेक्शन पावर होगा वो भी बढ़ेगा। ट्रू पावर अगर ज़्यादा होता है तो करेक्शन पावर करेक्शन फैक्टर भी ज़्यादा होता है। ट्रू पावर कम होगा तो करेक्शन फैक्टर भी कम होगा। तो ट्रू पावर अगर ज़्यादा होता है तो करेक्शन फैक्टर ज़्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, वन के कंपैरिजन में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब ट्रू पावर ज़्यादा होता है मेजर्ड पावर कम होता है, तो ऐसे केस में जो करेक्शन फैक्टर होता है वो भी ज़्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, वन के कंपैरिजन में। और ऐसे केस में जो पावर फैक्टर जो होता है वो कैसा होता है, ऐसे केस में जो पावर फैक्टर होता है कैसा होता है, लैगिंग होता है। ऐसे केस में जो पावर फैक्टर होता है कैसा होता है, लैगिंग होता है। आप इसको इनवर्स एज्यूम कर सकते हो, हमें पता है रिएक्टिव पावर की वजह से जो पावर फैक्टर होता है कैसा जाता है, लैगिंग जाता है। मगर यहाँ पर आप लोग एज्यूम कर सकते हो कि ट्रू पावर की वजह से जो पावर फैक्टर है वो कैसा जा रहा है, लैगिंग जा रहा है, राइट। ट्रू पावर की वजह से जो पावर फैक्टर है वो कैसा जा रहा है, लैगिंग जा रहा है, राइट। तो आप लोग कुछ इस तरीके से मेमोराइज कर सकते हो। तो ट्रू पावर अगर ज़्यादा होगा तो जो करेक्शन फैक्टर होगा वो भी ज़्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, वन के कंपैरिजन में। तो अगर ट्रू पावर अगर ज़्यादा होगा मेजर्ड पावर के कंपैरिजन में, तो जो करेक्शन फैक्टर होगा वो भी ज़्यादा होगा, वन के कंपैरिजन में। और जो पावर फैक्टर होगा कैसा होगा, लैगिंग होने वाला है, राइट। सिमिलरली अगर ट्रू पावर अगर कम होता है, ट्रू पावर अगर कम होगा तो करेक्शन फैक्टर भी कम होगा, किसके कंपैरिजन में, वन के कंपैरिजन में। तो ट्रू पावर अगर कम होता है मेजर्ड पावर के कंपैरिजन में, तो जो करेक्शन फैक्टर होगा ये भी कम होगा, और ऐसे केस में जो पावर फैक्टर होगा कैसा होने वाला है, लीडिंग होने वाला है। जो पावर फैक्टर होगा वो कैसा होने वाला है, लीडिंग होने वाला है। पावर फैक्टर हमें कैसा मिलेगा, लीडिंग मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, राइट। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी मीटर के बारे में। एनर्जी मीटर हमारा लास्ट टॉपिक है, फिर इसके बाद हम लोग बात नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एनर्जी मीटर क्या होता है, जैसे कि हमें पता है हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हमें क्या करना होता है, मेजर करना होता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको मेजर करने के लिए, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसे हमें क्या करना होता है, मेजर करना होता है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसको मेजर करने के लिए हम लोग बेसिकली एक मीटर लगा देते हैं, और यहाँ पर ये जो मीटर होता है इसको हम लोग कौन सा मीटर बोलते हैं, एनर्जी मीटर बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एनर्जी मीटर होता है वो क्या करता है, एनर्जी मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। एनर्जी मीटर इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, जस्ट होल्ड ऑन योर। तो जो एनर्जी मीटर है इसको हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के मेजरमेंट के लिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ये क्या होती है, किलोवाट आर होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वो कितनी होती है, वो क्या होती है, किलोवाट आर होती है।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एनर्जी मीटर होता है वो कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। एनर्जी मीटर का कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, जैसे कि हमने बात किया था एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले बात किया था। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, ये बेसिकली एनर्जी मीटर का हमने कंस्ट्रक्शन कंसिडर किया। यहाँ पर ये जो मैगनेट आपको जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं शंट मैगनेट, राइट। और यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर ये वाला जो मैगनेट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो मैग्नेट है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सीरीज मैग्नेट, और यहाँ पर ये वाला जो मैग्नेट है इसको हम लोग बेसिकली कौन सा मैग्नेट बोलते हैं, शंट मैग्नेट बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो शंट में, यहाँ पर ये जो बीच में जो डिस्क जो दिखाई दे रही है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एल्यूमिनियम डिस्क। और यहाँ पर क्या कनेक्टेड है, यहाँ पर बेसिकली लोड कनेक्टेड है। यहाँ पर ये जो कॉयल है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं प्रेशर कॉयल, और यहाँ पर ये वाली जो कॉयल है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं करंट कॉयल। इसको कैसे याद रखें, ये शंट मैग्नेट होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये हमें कुछ इस तरीके से, अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो हमें ये वाला जो पार्ट हमें जो दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, ये वाला जो पार्ट है इसको अगर हम लोग घुमा दें ऊपर कर दे तो हमें एस जैसी फिगर मिल जाएंगी, राइट। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसको हम, ये वाला जो मैग्नेट है शंट मैग्नेट, ये वाला जो मैग्नेट है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सीरीज मैग्नेट। यहाँ पर ये जो शंट मैग्नेट है इसके साथ प्रेशर कॉइल कनेक्टेड होती है सीरीज मैग्नेट के साथ, करंट कॉइल कनेक्टेड होती है सीरीज के साथ, करंट होता है हमें पता है। तो ये जो सीरीज वाला जो मैग्नेट है इसके साथ करंट कॉइल कनेक्टेड है, यहाँ पर ये लोड है, यहाँ पर ये एल्यूमिनियम डिस्क है, और यहाँ पर ये हमने क्या लगा के रखा है, यहाँ पर ये हमने बेसिकली ब्रेकिंग मैग्नेट लगा के रखा है। यहाँ पर ये है क्या, यहाँ पर ये है बेसिकली ब्रेकिंग मैग्नेट, और ये दो टर्मिनल पर हम लोग क्या कनेक्ट करते, सप्लाई कनेक्ट करते। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एनर्जी मीटर होता है, एनर्जी मीटर में हमें बेसिकली चार मैकेनिज्म मिलता है। पहला जो मैकेनिज्म होता है वो होता है ड्राइविंग मैकेनिज्म, दूसरा जो मैकेनिज्म होता है इसका जो वर्किंग मैकेनिज्म है एनर्जी मीटर का, चार वर्किंग मैकेनिज्म पर बेस्ड है। पहला जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो है ड्राइविंग मैकेनिज्म, दूसरा जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो है रोटेटिंग मैकेनिज्म, तीसरा जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो है ब्रेकिंग मैकेनिज्म, और चौथा जो मैकेनिज्म है वो कौन सा मैकेनिज्म है, रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी मीटर में हमें चार मैकेनिज्म मिलते हैं। पहला जो मैकेनिज्म है वो कौन सा है, वो है ड्राइविंग मैकेनिज्म, दूसरा रोटेटिंग मैकेनिज्म, तीसरा ब्रेकिंग, और चौथा रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म। यहाँ पर अगर हम लोग देखें फॉर रोटेटिंग मैकेनिज्म एल्यूमिनियम डिस्क इज यूज, यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया, ये एल्यूमिनियम डिस्क, ये जो एल्यूमिनियम डिस्क होती है बेसिकली क्या कर रही होती है, अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है। तो रोटेटिंग मैकेनिज्म के लिए हमने क्या लगा के रखा है, एल्यूमिनियम डिस्क लगा के रखा है। फॉर रोटेटिंग मैकेनिज्म एल्यूमिनियम डिस्क इज यूज। दूसरा जो मैकेनिज्म है कौन सा मैकेनिज्म है, ब्रेकिंग मैकेनिज्म, ब्रेकिंग मैकेनिज्म के लिए हमने क्या लगा के रखा है, यहाँ पर ये ब्रेकिंग मैग्नेट लगा के रखा है, ये हमने ब्रेकिंग मैग्नेट लगा के रखा है ब्रेकिंग मैकेनिज्म के लिए। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें फॉर ब्रेकिंग मैकेनिज्म, ब्रेकिंग मैग्नेट इज यूज एंड इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडी करंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर ब्रेकिंग मैकेनिज्म के लिए हम लोग क्या लगा के रखें, ब्रेकिंग मैग्नेट लगा के रखें, और ये जो ब्रेकिंग मैग्नेट है किस पे काम करता है, जो ब्रेकिंग मैग्नेट है एडी करंट प्रिंसिपल पर काम करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें सीरीज मैग्नेट इज ऑल्सो नोन एज करंट कॉइल, जैसे कि हमने बात किया सीरीज मैग्नेट को हम लोग करंट कॉइल भी बोलते हैं। दूसरा जो मैग्नेट है वो कौन सा मैग्नेट है, शंट मैग्नेट। तो जो शंट मैग्नेट है इसको हम लोग बेसिकली पोटेंशियल कॉइल भी बोलते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एनर्जी मीटर में जो एनर्जी होती है एनर्जी मीटर में, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, इंडक्टेंस के साथ। किसके इंडक्टेंस के साथ, प्रेशर कॉइल के इंडक्टेंस के साथ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो जैसे कि हमने बात किया जो एनर्जी होती है एनर्जी मीटर में, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, इंडक्टेंस के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें नोट डाउन करना होगा। तो जो एनर्जी मीटर में जो एनर्जी होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, इंडक्टेंस के साथ। किसके इंडक्टेंस के साथ, प्रेशर कॉइल के इंडक्टेंस के साथ। प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस अगर ज़्यादा है तो ऐसे किस में जो एनर्जी होगी एनर्जी मीटर में वो कम होगी। सिमिलरली प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस अगर कम है तो ऐसे किस में जो एनर्जी होगी, एनर्जी नहीं यार, एरर, सॉरी, यहाँ पर मेरे पढ़ने में मिस्टेक हो गई। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एरर होता है एनर्जी मीटर में, यहाँ पर ये एरर है नॉट एनर्जी, जो एरर होता है एनर्जी मीटर में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, प्रेशर कॉइल के इंडक्टेंस के साथ। प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस अगर ज़्यादा है तो ऐसे किस में जो एरर होगा एनर्जी मीटर में वो कम होगा। सिमिलरली प्रेशर कॉइल का अगर इंडक्टेंस अगर कम है तो ऐसे किस में जो एरर होगा एनर्जी मीटर में वो कैसा होगा, वो ज़्यादा होगा। तो अगर इंडक्टेंस अगर कम है प्रेशर कॉइल का, इंडक्टेंस किसके साथ एसोसिएटेड है, प्रेशर कॉइल के साथ, राइट। प्रेशर कॉइल शंट मैग्नेट पर बना होता है, तो अगर इंडक्टेंस अगर प्रेशर कॉइल का ज़्यादा है तो ऐसे केस में जो एरर होगा एनर्जी मीटर में वो कम होगा। सिमिलरली अगर इंडक्टेंस कम है तो जो एरर होगा वो ज़्यादा होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रोटेटिंग डिस्क इज डिपेंड ऑन करंट ऑफ करंट कॉइल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रोटेटिंग डिस्क हमने जो कंसिडर किया है, यहाँ पर ये जो रोटेटिंग डिस्क हमने जो कंसिडर किया है, ये जो रोटेटिंग डिस्क है किसके ऊपर डिपेंड करती है, करंट के ऊपर डिपेंड करती है। किसके करंट के ऊपर, करंट कॉइल के करंट के ऊपर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो रोटेटिंग डिस्क है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो करंट कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है रोटेटिंग कॉइल।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें, वही हमने डिस्कस किया, जो रोटेटिंग डिस्क है वो डिपेंड करती है करंट के ऊपर, कौन से करंट के ऊपर, जो करंट कॉइल है उसके करंट के ऊपर। जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, जो एनर्जी मीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, वो होता है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, राइट। जो कि बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल होता है किसका, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का। तो जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है एनर्जी मीटर का, वो होता है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। और जो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी है क्या, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी वर्किंग प्रिंसिपल है किसका, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो एनर्जी मीटर है हमें बेसिकली दो टाइप में मिलता है। पहला होता है एनालॉग एनर्जी मीटर, और दूसरा जो एनर्जी मीटर है कौन सा एनर्जी मीटर है, डिजिटल एनर्जी मीटर है। अभी के ज़माने में बेसिकली डिजिटल एनर्जी मीटर यूज़ किया गया है, यूज़ करते हैं। और इससे पहले हम लोग कौन सा एनर्जी मीटर यूज़ करते थे, एनालॉग एनर्जी मीटर यूज़ करते थे। तो जो एनालॉग जो टाइप का जो एनर्जी मीटर था, इसमें हमें बेसिकली रोटेटिंग डिस्क मिलती थी और उसके अक्रॉस हम लोग बेसिकली ब्रेकिंग मैगनेट लगा के रखते थे। तो पहला वाला जो एनर्जी मीटर था पहले के ज़माने में वो एनालॉग था, अभी के ज़माने में बेसिकली डिजिटल आ गया।